चलो भाई। अरे मालिका कहाँ खोई हुई? आपने पेपर देखा क्या नीट का? देखा सच में कैसा था? देखा कि नहीं? एकदम आसान पेपर था। केमिस्ट्री का पेपर देखा? देखा, एकदम आसान पेपर आया था ना। अब आप बताओ जितना मैंने पढ़ाया था उसमें क्या नहीं आया? थर्मल क्वेश्चन नोट्स से था, आइसोथर्मल प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, बताया है नोट्स में। चिक चिक के चिल्लाया था इन रिवर्सिबल प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी चेंज जीरो नहीं होता, वही क्वेश्चन पूछा गया था। जो क्वेश्चन नोट्स में कराया 390 वाला ही ऑप्शन बन के आया, 390 जो करा के दिया था आपने, तो सब कुछ उठ उठ के नोट से डायरेक्ट आया है। ठीक है, कोई भी अभी सॉलिस्टर पढ़ाया नहीं, इसकी बात ही नहीं करूंगा। सोल्यूशन क्वालिटेटिव में क्या पूछा उसने? ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन, बराबर है ना जी? सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकाले, काम हो जाने थे उस वहां पे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से इतनी फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ रिलीज हो, इतना फ्रीक्वेंसी रिलीज हो रहा है, वेवलेंथ बता दीजिए, बराबर। अगर पेपर देखा होगा तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैं क्लास में आकर डिस्कस ना किया हूं, उसके बारे में बात ना की। ठीक है, जो भी चैप्टर मैंने पढ़ाया है आप उसके क्वेश्चन मुझे बताइए, चाहे वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो, स्टेट्स ऑफ मैटर एड्रेस, तो क्वेश्चन हुआ ही नहीं। ठीक है, सीधे सीधे अब केमिकल बॉन्डिंग से तीन क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन वाले क्वेश्चन आए थे, आईसी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आई थी। ठीक है, ध्यान से देखा है कि नहीं पेपर? हाँ, पढ़े हो गए तो सब लगा होगा, पढ़ाया गया। ठीक है, और ऑर्गेनिक भी इतनी डेंजर नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा ऑर्गेनिक आया था। ठीक है, NaBH4 का फंक्शन जानते हो कि एस्टर को छोड़ देगा, उसको रिड्यूस नहीं करेगा, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल रिड्यूस करेगा, इटार्ड रिएक्शन का कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, वो क्वेश्चन पूछा गया था। उठा उठा के NCERT पूछे सीधे, कोई सिंगल क्वेश्चन NCERT के बाहर नहीं आया, ये जान सकते। अगर NCERT से दिल लगा लोगे ठीक है तो काम हो। बायो में दो क्वेश्चन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थे बस NCERT के बाद, दो क्वेश्चन, वो भी जो ढंग से कोटा का मॉड्यूल देखा हुआ कभी इधर उधर से, वो भी कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाँ, फिजिक्स बढ़िया लेनी थी, फिजिक्स लेवल की थी फिजिक्स। ठीक है, पूरा और क्या था, पैटर्न चेंज हुआ इसलिए बच्चों के पेपर छूट गए, इस पर पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए तुम। ठीक है, हमारे भी जो पर्सनल थे वो भी शाम को फोन करके रो ही रहे थे, क्योंकि उस लड़की जिसको हम लोग पढ़ाते उसका आया 650, तब भी रो रही है, जो उसको 700 चेंज होता है, 720। एक लड़का है उसको आया 636। ठीक है, उसको तो कॉपी चेक करने लगा दिया, कुछ पैसा कमा लिया। ठीक है, तो पेपर बेटा बहुत आसान आ रहा है, नीट वाले समझो, नीट वालों के हाथ में लड्डू रखता है, आना है बस, ये जान जाओ। ठीक है, अपन लोग इतना पढ़ा रहे हैं ना, आपने नोट्स को मुझे देखा ना, मेरे इतना ज्यादा मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं। ठीक है, जितना पढ़ा रहा हूँ ना वो पूरा जेई वालों के लिए दे रहा हूँ सारा कंटेंट। ठीक है, बाकी इतना आसान आसान क्वेश्चन आए हुए हैं ना, मतलब और आसान आते हैं तो गलतियां होती हैं, तो क्वेश्चन आसान आते हैं तो गलतियां, और क्वेश्चन NTA आसान ही बनाया है, ये भी जान जाओ। NTA जो बना रहा है क्वेश्चन एकदम आसान, अगर आपने ढंग से देखा हो ना केमिस्ट्री का, मैं तो अपने नोट्स खोल खोल के दिखाया, देख बेटा यही क्वेश्चन कराया है नोट्स में। ठीक है, कितना एंट्रोपी में चिल्लाया था, सिंपल से कितना अपन लोगों ने हाई फाई चीजें पढ़ी थी, ग्राफ से निकालेंगे, उससे निकालेंगे, कुछ नहीं पूछा उसने, सीधे आइसोथर्मल के रिवर्सिबल प्रोसेस में बताइए डेल्टा यू और डेल्टा एस टोटल में रिलेशन। मैंने बताया रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा डेल्टा एस टोटल जीरो होता है, इररिवर्सिबल में कभी जीरो नहीं होता, हो सकता है सिस्टम का जीरो हो जाए, ठीक है सराउंडिंग का जीरो हो जाए, बट टोटल जीरो नहीं जाएगा, उन्होंने बताया था मैंने नोट्स में, वही सेम चीजें पूछी गई। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर कितना पहुंचता है, अभी तुम्हारे लेवल से 12 से हटा दिया गया है, मतलब कि ना महाराष्ट्र बोर्ड से हटा ही दिया है चैप्टर, वही मेरे नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, लास्ट मैंने लिख के दिया था 2170 हाईएस्ट टेम्परेचर, वहां ऑप्शन लग रहा था 2200 केल्विन, बराबर है, सब कुछ नोट से आया था।
क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही मैं बातें करता जो भी है जितना भी है। तो इसलिए क्या है, आप ध्यान से देखिए, आप कोई भी चैप्टर उठा के देखिएगा कि क्या जो मैंने पढ़ाए हैं उसके बाहर कुछ आया क्या, ठीक है, उससे छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए, हम आपको बहुत बड़े लेवल पे तैयार करते हैं। बोल रहा हूँ हमने कितना कितना लेवल था, हम उसको हैश लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व कराया क्वेश्चन कि कैसे माइनस करोगे, किसको डबल करना, कुछ नहीं पूछा, सीधे 390 वाला क्वेश्चन उठा के एनसीईआरटी से पूछ लिया, जिसका आंसर 391 मैंने सॉल्व कराया था, 390 वाला क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट कुछ नहीं। और सी लैम्डा एम गिवन कंसंट्रेशन ऑन लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डायमेंशन, अल्फा और किसी ने कांस्टेंट पूछा था के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, बात समझाना, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके सामने आ गए थे, जितना भी आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था, ठीक है, रेडॉक्स से एक क्वेश्चन, मेटल डिस्प्लेसमेंट नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट को देख के पहचान में आ रहा था कि तीन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो रहा है, एक पे क्रोमियम डिस्प्लेस हो रहा है, बस मेरा एकदम आसान। अब ऐसे लेकिन हाँ गलतियां लोग खूब किए हैं केमिस्ट्री, मतलब किसी का इस बार 160 नहीं पहुंच पाया, जो हम लोग पढ़ाया है 156 पर आगे रुके हैं, मतलब उनसे चार चार क्वेश्चन गलत करके आ गए, एक तो ब्लास्ट फर्नेस वाला सबने गड़बड़ मारा, किसी ने 1900 मारा, किसी ने 1200 मारा, ठीक है, वो गड़बड़ कर दिया, एक डेल्टा एस टोटल वाला गलत मार दिया है लोगों ने, ये रिवर्सल वाला डेल्टा एस टोटल नॉट इक्वल टू जीरो, उसको इक्वल टू जीरो मार दिया, ठीक है, और एक क्वेश्चन गलत किया, बहुत कैसे मतलब करीब करीब आंसर उसने बना दिया था ना, ऑल इंडिया रेडियो सब नहीं सही कर पाए, सी इक्वल टू न्यू लैंडा क्वेश्चन था, बट ऑप्शन कैसे बना था 291.2 291.3 ऑप्शन बना था उनके, राउंड ऑफ रूल लगवा लिया क्योंकि एग्जैक्ट सॉल्व करने पा रहा था 219.29 आ रहा था, तो 2 को अपने को 3 करना था, एकदम बहुत करीब करीब आंसर बनवाया था, इंपेरिकल फॉर्मूला से एकदम आसान सा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो पेपर वगैरह देखा करो तो समझ में आएगा क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा काम होगा कि नहीं होगा, बात समझना, बस कुछ भी करके नोट्स रिवाइज रखो, प्रीवियस ईयर लगा लो, मोर देन सफिशियंट हो जाएगा तुम्हें, और कुछ पेपर्स वगैरह सॉल्व करते रहो, आदत डालो 3 घंटे बैठने की, ठीक है, कहीं से भी एलन वगैरह का अगर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करने का मौका मिले तो ज्वाइन कर लो टेस्ट सीरीज वगैरह उसके, और उसके टेस्ट देते रहो, क्योंकि एलन के मॉड्यूल भी तैयार हो गए ना तो भी काम हो जाएगा, कुछ नहीं पढ़ना जो एनसीईआरटी पढ़ ले और एलन के मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर ले पीछे के, बहुत हो जाता है पूरा का पूरा, जो आप इधर उधर से भी आने वाले होंगे सब वहीं से आ गए, पास में ना क्वेश्चन बेटा ऐसे ही आए थे, इस बात का ध्यान रखिएगा, जो नीट को लोग हवा बना देते हैं ना, बहुत टफ है बहुत टफ है, कुछ नहीं है, फिर बच्चे को जब मेहनत नहीं करेंगे तो सब गिरे, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे हमारे बच्चे जा रहे पीटर बैठ गए, नंबर ही नहीं बता रहे, बोले सर डर लगता है, डर क्या लगता है, बाद में थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है, तो कल एक बार हिम्मत करके दोपहर मैसेज की सर 414 आ रहा है, ठीक है, सबको पता है, कोई बता नहीं रहा आपने, ये काम बहुत गड़बड़ होता है, अरे यार ये तो इतना अच्छा एग्जाम है कि तुम करके आओगे शाम को, तुम्हारी औकात तुम्हारे हाथ में रहे, पास में ना कि कितना तुम करके आए हो, कितना तुमको वेट नहीं करना है, 1 महीने का रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन में डाउट रहता है वो जानबूझ के एनटीए ऐसा डालता है कि उससे तुमसे पैसे कमा सके, ठीक है, जानबूझ डालता है क्योंकि एक क्वेश्चन को आपको अगर कम करना है कि भाई ये मेरा क्वेश्चन सही है, ऑप्शन गलत लगा है, उसके लिए आपको 1000 रुपये का फॉर्म भरना पड़ता है, तो ऐसे इंडिया से कई सारे फॉर्म जाते हैं बच्चे जो एक एक क्वेश्चन में फाइट करते हैं, तो एनटीए क्या करता है उनसे पैसा कमाता है, सीधी अब 1 महीना वो पैसा कमाएगा, कम से कम 50-60 लाख रुपये अंदर कर लेगा, कि जो अच्छे बच्चे तो भेजेंगे ही ना, कि CS3 वाला ऑप्शन सही है, CS4 वाला भी सही है, इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है, तो अब वो 1 महीना 2-3 क्वेश्चन जानबूझ डालेगा ऐसे कि थोड़ा सा, इसलिए 2 ऑप्शन सही सही आए, इससे वो क्या करे आपसे 1000 रुपये ले, ठीक है भाई, जो अच्छे बच्चे हैं जिनका 650-670 आ रहा है तो दे देते हैं 1000 रुपये, अरे हो सकता है 4 नंबर बढ़ जाए, तो मिलना था यहाँ पे क्या कहते हैं जे मिल गया आपका मौलाना आजाद दिल्ली, ये तो मेरा काम हो गया, रैंक बढ़ गई ना 4 नंबर से 20,000 बच्चों से आगे हो जाते हैं लोग, उस चक्कर में लोग पैसे भेज के करते हैं, एनटीए खास बात क्या है, पैसा लेता फिर भी चेंज नहीं करता, अपना ही रखता है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दे के आपका मुंह बंद करा दे, सीधी सी बात है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये आंसर होगा 3.38 आ रहा है, इसका राउंड अप होगा 3.33, उसके हिसाब से CS3 ऑप्शन होगा, ठीक है, तो 2 क्वेश्चन ऐसे कॉन्ट्रोवर्सियल उसने केमिस्ट्री में डाला, ठीक है, एक आता था प्योर मेटल कैसे ऑप्टेन करते हैं, उसमें जोन रिफाइनिंग भी ऑप्शन सही था, डिस्टिलेशन भी सही था, अब जिसको जिसने गैलियम पढ़ा होगा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है मेटल, उसने मारा होगा क्या आपका जोन रिफाइनिंग, जबकि सच्चाई है गैलियम रूम टेम्परेचर तो केमिस्ट्री 25 मानता है, और गैलियम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस क्या होता है लिक्विड होता है,
और रूम टेम्परेचर पर लिक्विड कलर मर्करी होता है, उसके हिसाब से आंसर जाना चाहिए। डिस्टिलेशन जोन रिफाइनिंग भी सही है, डिस्टिलेशन भी सही है, पर डिस्टिलेशन ज्यादा सही है। बात समझा ना, क्योंकि गैलियम जो है रूम टेम्परेचर पर नहीं होता, लोगों के दिमाग में गैलियम चल रहा था वहां पे 25 डिग्री से, गैलियम तो 28 डिग्री सेल्सियस पर होता है मेटल जो लिक्विड फॉर्म में होता है। रूम टेम्परेचर केमिस्ट्री क्या मानती है, 25। बात समझा ना, तो इस तरह से क्वेश्चन बेटा आए थे, बड़े आसान आसान क्वेश्चन थे। सच में अगर आपने देखा होता ना क्वेश्चन पेपर, अगर ढंग से देखा होगा तो सारे क्वेश्चंस के बगैर सीधा सीधा केमिस्ट्री में परेशान नहीं किया, ऑर्गेनिक में भी सीधा एग्जांपल देके खराश इफेक्ट पूछ लिया उसने, एंटी मार्कोनिक ऑफ एचबीआर का एडिशन करा दीजिए बस, डायरेक्ट प्रोडक्ट कुछ भी दिमाग, मतलब ऑर्गेनिक में दिमाग भी नहीं लगाना, जीओसी ओसी को टच नहीं किया उसने इस बार, न कार्बोकैटायन न कार्बन न एरोमेटिसिटी कुछ भी नहीं, सीधे अल्कोहल फिनॉल ईथर से क्वेश्चन डाल दिया रिडक्शन वाला, खराश इफेक्ट डाल दिया उसने। चल दीजिए समझा ना, तो पेपर देखे होगे तो ऐसा लगा होगा बहुत ज्यादा टफ नहीं है। जिसने एनसीईआरटी पढ़ा है बेटा, पीछे के एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहा है, एनसीईआरटी पीछे के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और साथ ही साथ पीवाईक्यू लगा रहा है, उसका काम हो गया। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रट्टा मार डाल, याद हो जाए किस पेज पे क्या लिखा है एनसीईआरटी। बात समझा ना, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बायो में लोगों को बड़ा मजा आया इस बार, और हमारे बच्चे का एक क्वेश्चन गलत हुआ है बस 90 में 356 आ रहा है बायो, ठीक है, सिंगल क्वेश्चन रॉन्ग। केमिस्ट्री 156, फिजिक्स 138, क्योंकि फिजिक्स 5 क्वेश्चन छूट गए, क्योंकि इस बार थोड़ा ऑप्शन ऑप्शन बढ़ा दिए थे ना, 200 क्वेश्चन करने थे, करने 180 थे, बट कुछ क्या 5 क्वेश्चन कंपल्सरी ऐसा कर दिया था 10 में से 15, उसी में क्या लोग कन्फ्यूज हो गए कैसे करना, और लोगों को क्वेश्चन छूटे हैं इस बार फिजिक्स में, तो कोई सॉल्व नहीं कर पाया पूरा पेपर ही, और इसीलिए वो बच्ची रो रही थी कि हमारा 5 क्वेश्चन जोड़ा यानी 20 नंबर छोड़ा, नहीं तो 670 पे जा गई व्यक्ति, तो वो था। और 650 भी कुछ बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया नंबर है, आपको टॉप 5 का कॉलेज मिल जाएगा मुंबई का, जे कोई टेंशन नहीं, आराम से हो जाएगा। तो समझो बेटा, नीट को आप हवा मत बनाओ, एकदम स्मूथ क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, लोग डरा रहे हैं बस आपको कि ऐसा है वैसा है। 3 साल से मैं पेपर देख रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं पूछ रहा, बहुत थोक चीजें पूछता है, एनसीईआरटी से उठा उठा के जो उसको लाइन पसंद आएगी पूछ लेगा एनसीईआरटी का। तो जो ब्लास्ट फर्नेस का जिंदगी में कभी टेम्परेचर नहीं पूछा गया, उसने ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर तक पूछा गया डायग्राम से भी, भाई हाईएस्ट टेम्परेचर कितना जाता है वहां पे, तो उनका मूड है वो क्या पूछ लेंगे। तो एनसीईआरटी को बिल्कुल पढ़ते रहिए, पीछे के एग्जाम्पलर सॉल्व कर डालिए, पीछे के न्यूमेरिकल सॉल्व कर डालिए। नीट वालों समझ लो कि बड़ा आसान पेपर आता है, उसके बाद नहीं कर पाओ ना तुम्हारा बैड लक, सीधी सी बात है, या तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, सही चीज नहीं पढ़ रहे हो। बात समझा ना, एनसीईआरटी पढ़िए, पीछे के एग्जाम्पलर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आप अपने महाराष्ट्र बोर्ड का पीछे कुछ मैं सॉल्व कर चलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के हर चैप्टर के पीछे के एग्जाम्पलर सॉल्व होने चाहिए, पीछे की एक्सरसाइज सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने चाहिए, उसके जो बीच में एग्जाम्पल्स होते हैं ना बॉक्स वॉक्स में जो कुछ बंद कर दिया बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाए, ठीक है, उसको पूरा पढ़ डालो, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा, उससे ज्यादा कुछ भी केमिस्ट्री में तो कुछ करने जरूरत नहीं है, और बायो तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रखता है। बहुत आसानी सिलेक्शन होगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप इस पैटर्न पे पढ़ते हो इसीलिए आपको सिलेक्शन होता नहीं। 14 तरह की बुक ले लोगे भारी भारी घर पे बैठ के दिखाने के लिए, हम कर रहे हो, अरे पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई की जाती है भाई, पैटर्न आपका क्या फॉलो कर रहा है उसके हिसाब से पढ़ाई करो ना। आप बहुत ज्यादा ज्ञान भी ले लो उसका कोई मतलब नहीं है ना, आ रहा है ऊपर ऊपर से क्वेश्चन बिल्कुल, बात समझा कि नहीं, कुछ न्यूमेरिकल ढंग के आया ना कुछ, सीधे सीधे कहीं तुमको फंसाया ही नहीं उसमें कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो बहुत ज्यादा कुछ हो। तो इसलिए बात को मेरा ध्यान रखो, नीट वालों खासकर आपका पेपर बड़ा आसान बन रहा है, और 3 साल से जब से एनटीए है तब से आसान बना, मतलब ऐसा पेपर है कि जो कोचिंग नहीं भी करे ना अगर एनसीईआरटी पढ़ रहा है तो कर किया जा रहा है, थोड़ा दिमाग है उसके पास, क्योंकि उनका फोकस यही है कि जो लोग गाँव में है ऐसे जगह पे है जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी रेस में आ सकते हैं अगर एनसीईआरटी पढ़ने वाला बंदा है तो। और लोग फिर भी बेटा 3-3 साल और पेशेंस रखना पड़ेगा, सच में अगर डॉक्टर बनना है ना तो पेशेंस रखना पड़ेगा। जो नीरव का आया है यही पढ़ा हुआ है नीरव, इस साल जाके सिलेक्शन आया है, 3 साल रिपीट किया, 3रा साल ना ये 636 नंबर इस बार पाया है, ठीक है, पतला हो गया, बहुत मोटा था, ठीक है, अभी कल मिला था, कल शाम को भी यहाँ आया था मिलने के लिए। तो पहले साल अभिषेक मिश्रा का फोटो दिखाया ना हमने यहाँ लगाया, उसके साथ ही दिया था नीट,
एक साल रिपीट किया, पहले यहाँ पढ़ा, एक साल कोटा यही बोरीवली ब्रांच में पढ़ा, ठीक है, नीरव सोलंकी करके नाम लिखा हुआ, हाँ, तो उसका अभिषेक के साथ कुछ 527 के आसपास आया था, नहीं लगा कहीं भी बीडीएस वीडीएस मिल रहा था, उसमें नहीं गवर्नमेंट बीडीएस मिला क्योंकि हम बीबीएससी बन रहा था। दूसरे साल फिर रिपीट किया बट कोचिंग नहीं किया, प्राइवेट किया जो भी है, और 555 पे पहुंचा, फिर भी नहीं हुआ क्योंकि पिछली बार भी जो है 575-577 पे क्लोज हो गया था एमबीबीएस, ठीक है। इस बार तीसरे साल फिर रिपीट किया, ठीक है, अब इस बार 636 पे पहुंचे, अब हमको मुंबई मिल जाएगा। देखो पेशेंस रखा, शायद अगर पिछले साल में तने का क्या है, तने का हो गया 587 पे, पर तने को कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला एमबीबीएस का, मिल गया एमबीबीएस को बात अलग है क्योंकि उसको बारामती जो अभी 2 साल पहले कॉलेज खुला है एमबीबीएस का, बारामती को नहीं, ठीक है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। अभी 636 पा गया, भले एक साल पीछे हुआ तने से, बट ये कहाँ पड़ेगा, नायर में, जेजे में, इन सब जगह जाएगा ना, उसका एक अलग वर्ड रहेगा वो, भाई हम टॉप 10 इंडिया के टॉप 10 कॉलेज में से बस में ना। तो समय बेटा पता नहीं कितने साल ऐसे बर्बाद होते हैं उसके चक्कर में, कभी मत पढ़ना, अगर सच में मन है ना तो रिपीट कर, ठीक है, अगर नहीं होता है तो रिपीट करो, मैं बट डॉक्टर बनू, ठीक है, अगर सच में इच्छा है तो होता, क्योंकि आप 12th के साथ बड़े प्रेशर होते हैं आपके पास, कॉलेज का भी करना है, कॉलेज का भी लेक्चर फालतू अटेंड करना है बैठ के, भले कुछ वहां से हमको कुछ ना मिले बट करना है, तो वो सब तुमको प्रॉपर समय नहीं मिल पाता, बात समझा ना। तो और जो रिपीट करते बेटा उनका अगर सच में अगर डॉक्टर बनने का जिसका है वो बनता है, मेहनत बहुत मांगेगा, ऐसा नहीं है सर एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन याद करना भी बहुत मजाक खाने का काम नहीं है, बात समझा कि नहीं, कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ते, कितने टेस्ट देने पड़ते, तब कलेक्टिवली जाके सिलेक्शन होता, और एक बार डॉक्टर बन जाओगे बेटा फिर लाइफ टाइम मजे, एक बार एमबीबीएस का टैग लग गया तो लाइफ टाइम मजे, तुम्हारी पूरी पुश्त उतर जाएगी नीचे वाली, तो तुम्हारे नीचे भी है ना उनके लिए आप एक बेंच मार्क सेट कर देते हो कि भैया यार दीदी ने ऐसा किया उसके आगे वो नहीं, वो चाहे बीएमएससी करें गवर्नमेंट पर डॉक्टर ही बनेंगे, सीरियस सब डॉक्टर बनते रहते नीचे, बात समझना। तो डिपेंड करता है बेटा, ऐसा नहीं होता कि एक झटके हो जाओ, वो भी बच्चा 3-3 साल मेहनत किया, ऐसा नहीं, पढ़ने में कमजोर था, 12th बहुत अच्छा, ये सब बच्चे 11th से प्रदीप सॉल्व करते थे, मुझको बैठा लेते जब से मैं ज्वाइन किया हूँ, आई होप मुझे लगता 2017 बैच का है, 2016 से मैं यहाँ पढ़ा, समझ आ रहा ना। तो ये सब उसी समय से लग गए थे, फिर एक साल मैंने मेरे बोलने से लोग कोटा चले गए, मैं कहा यहाँ पे एलएन ही ज्वाइन कर लो, ठीक है, तो एलएन ज्वाइन किया, अभिषेक का तो निकल गया, उसको तो सोलापुर एमबीबीएस मिला, इसका अटक गया, बट इसने होप नहीं छोड़ी, ठीक है। ये 3 साल है भाई, मैं बताऊँ मेरे कुछ ऐसे दोस्त है ना जो 8 साल बाद निकाले, बट वो जुनून ही अलग रहता है, बनना है तो एमबीबीएस ही बनना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है। अभी एक लड़का आया था पटवा, यहाँ पे मिलने आया था, सोचो ओएमआर सीट्स के कारण सिलेक्शन रुक गया, गलत करके चलाया, एक क्वेश्चन छोड़ दिया था बायो में, अब उस दिन आकर रो रहा था ये बैठ के, मैं लेक्चर परसों लेक्चर में उधर था, सिर्फ मिलने आया था कि मैं करूँ क्या, तब भी गलत होने के बाद 530-535 पहुंच रहा है, क्या किया, एक क्वेश्चन बायो में छोड़ा था, उसके बाद उसको 18 क्वेश्चन भरने थे, सारे क्वेश्चन उसके सही थे, पर जिस क्वेश्चन को उसने छोड़ा था ना उस वाले लाइन को छोड़ना ही भूल गया, नीचे वाला उसके ऊपर, उसके वाला उसके ऊपर, पूरा 18 क्वेश्चन का सिक्वेंस गलत हो गया, समझे ना। और उसको वहीं हॉल में पता भी चल गया, वहीं रोने लगा था हॉल में, क्योंकि एक साल कोटा भी गया था वो भी तैयारी करने, इस साल वो ले रहा था, मैं नहीं रोका था, नहीं तो एमबीबीएस बनेगा, 600 के ऊपर आएगा, ठीक है, मुंह इतना फुलाया था उसका, सूझ गया, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन सही थे, 18 क्वेश्चन का समझते हो, सीधे सीधे 72 क्वेश्चन मार्क्स उसका गलत हो गया, 530 अभी भी पा रहा है, इन 600 के ऊपर था वो, और उसके कारण जैसे ऐसा हो गया उसके बाद माहौल ही बदल गया, वो दोबारा क्या लास्ट मॉर्निंग कब पता चला, आधे घंटे पहले के हमारा सब गड़बड़ हो गया, फिजिक्स भी गड़बड़ कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा फिजिक्स के भी 8-10 क्वेश्चन जो आ रहे थे, इतना किसी को प्रेशर आ जाएगा यार इसका 18 क्वेश्चन साथ गलत होगा, जो सही मारा है क्योंकि भागने में वो मार गड़बड़ सीरीज गड़बड़ कर दिया, सोचो तीसरा साल उसका भी, दूसरा साल जीरो से एक साल जूनियर है, बोला क्या करूं, मैं कहा इस बार तुम पहले 530 में तुमको बीडीएस मिल रहा है ना गवर्नमेंट, तुम पहले बीडीएस ले लो, क्योंकि कुछ नहीं कहा जाता ना, हम आपको गलत राय नहीं देंगे, अगर आपको गवर्नमेंट बीडीएस मिल रहा है ले लो, बट आप एमबीबीएस तैयारी मत करो, और क्योंकि अभी क्या अभी दिसंबर तक तो एडमिशन चलेगा, उसके फिर अगले साल जून में फिर से एक बार हो जाएगा नीट, 6 महीने की बात, ठीक है, अगर मिलता है साल बर्बाद, साल तो कुछ बर्बाद हो रहा है, क्योंकि अभी एडमिशन होते होते जनवरी और दिसंबर और जनवरी जाएगा पूरा 4 राउंड होते होते, तो फिर जून में तुम्हारा फिर से, क्योंकि हर बार अब सितंबर में नीट नहीं हो,
सब कुछ नॉर्मल होगा तो मई के अंदर जून में हो जाएगा, बट उससे डिले नहीं होगा, नहीं तो 6 महीने का फिर एग्जाम था। उसकी तैयारी भरपूर थी, सारे क्वेश्चन बायो के बट भरने में 18 क्वेश्चन लगे, नहीं तो इसी साल एमबीबीएस हुई। बट फिर भी हौसला नहीं छोड़ा, तो नहीं सर करना तो एमबीबीएस। वही ना, जो इतना होने के बाद भी अपन लोग क्या करते, तुम लोग क्या करते, डर जाते हो गया क्या, क्योंकि जानते हो क्या, अंदर से तुमको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं। प्रॉब्लम ये है, जब आदमी को खुद पे, मैं तुमको कितना भी मोटिवेट कर दूं ना, जब अंदर से तुम ठंडे पड़े हुए हो तो कुछ नहीं होता। तुम अपने को खुद समझ रहे हो भाई हमारे बस का नहीं, हमसे ना हो पाए, ठीक है, तो तुमसे कोई करा भी नहीं सकता, सीधी सी बात है। उन सब के अंदर अलग ही जुनून है, करना है तो करना है। आज नीरव ने 3 साल बर्बाद किया, बट बेटा ये 3 साल मैटर ही नहीं करता। जब वो एमबीबीएस करके निकलेगा, ठीक है, एमडीएमएस कर लेगा, ठीक है, एक अलग चीज हो गई ना। बहुत ये 3 साल मान लो बीएससी कर लिया होता तो क्या कर लेता, 3 सालों बचा क्या, मतलब बीएससी से क्या हासिल होता, कुछ मिलता क्या? चलो 3 साल हमारा साल नहीं बर्बाद हुआ, सीधे सीधे उसने साल बर्बाद किया, चलेगा। बट हाँ, पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, रुका नहीं बंद। पिछली बार 555 पे आकर रुक गए, फिर फोन किया नीट के, एक रात पहले फोन करा, सर डर लग रहा है, ठीक है, जबकि कितनी तैयारी, सोचो डर तो सबको लगता है यार, गला सबका सूखता है, बात समझे कि नहीं, सर डर लग रहा है, सर डर लग रहा है। हाँ तो समझाया रात में उनको, डरो रो मत, ठीक है, तुम्हारा होगा, 100% होगा, ठीक है। तो दूसरे दिन क्या मिला, सामने से फोन किया, मैंने कहा भाई मिला उला के बताओ, आकाश का मैंने भेजा उसको, चलो मिला तो दिखा कितना आया, बोला सर 636। मतलब बस हो गया, काम हो गया, अब आराम से चक्कर तानो, सो गया, हो गया, ठीक है। तो ये होता है, सोचो वो लड़की जिसका 650 आ रहा, फिर भी टेंशन होती, क्योंकि उसको एम्स चाहिए था, वो 700 के हिसाब से गई थी, मेरा 700 नंबर आना चाहिए 700 बीस का, सच में उसकी तैयारी थी उसने। बट क्या होता है ना बेटा, एग्जाम हॉल हॉल का टेम्परामेंट बिल्कुल अलग होता है। मैं उसे बोला बेटे तू एसी ऑन करके बेड पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करती थी ना, घर में क्वेश्चन सॉल्व करना और एग्जाम हॉल में जब सच में नीट का पेपर सामने आता है तो दिमाग थोड़ा सा, क्योंकि आपको इतना प्रेशर रहता है सिलेक्शन चाहिए, तो आपसे छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती। तो 700 710 पाने वालों का अलग टेम्परामेंट होता है एग्जाम हॉल में, और ऐसा नहीं इस बार नहीं पाएंगे 720, देखना फिर 720 में 720 कोई पाएगा, और कुछ नहीं कोटा का लड़का ही पाएगा, ठीक है। वो अलग लेवल की तैयारी कराते हैं यार, उनका जो A1 बैच है ना उसमें पहुंच गए, डॉक्टर बन गए, सीधी सी बात है। एग्जाम क्वालिफाई A1 बैच, सारे सारे अच्छे टीचर A1 बैच में ही डाले जाते हैं, तो उस तरह की तैयारी करना पड़ता है। और पेपर ऐसा कोई नहीं बोल सकता पेपर टफ आया था इसलिए नहीं हुआ, पेपर टफ नहीं, तुमको जो पढ़ना तुम उसको पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है, तुम अलग ही दुनिया में, बात समझे ना। पता नहीं अभी भी कितने होंगे जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं सॉल्व करते हैं, पीछे का एग्जाम्पलर, पीछे के एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करो, पछता होगा। देख आपको लगेगा सब एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है, लेकिन अभी भी आप क्या अपने बोर्ड के ही नशे में धुत हो, कैसे बोर्ड निकाल रहे, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, है कि नहीं। तो बेटा उस सब चीजों को छोड़ो, एकदम आसान सा फॉर्मेट है, मैं बोल रहा हूँ ना कि 2 से 3 महीना भी सीरियस हो जाओगे तो काम हो जाए, सीधी सी बात है, बट सीरियस होना मांगता है। मैं तो क्वेश्चन आप लेके आया, तुमको दिखा दूं, तुम्हें ये लगे कि आप पढ़ाया क्या था, एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, बोलूंगा नोट्स खोलो, और यार नोट्स में नहीं भी डाला होगा तो मैं जरूर बोला हूँ क्लास में, जो क्लास में लेक्चर्स मेरे ध्यान से सुनता है, मैं इसलिए मजाक नहीं करता भाई, मुंह खोलूंगा तो 4 4 नंबर निकलता है, बोलता हूँ हर बार, ठीक है, तो इसलिए जब मुंह खोलूंगा तो उसको ध्यान दिया, क्या बोल रहा है ये, पता नहीं वहीं से कुछ ना आ जाए। और बच्चों का लिटरली कमेंट आया एग्जाम होने के बाद, सर केमिस्ट्री तो ऐसा है जैसे आप बोलते थे, कुछ ऐसा नहीं आया, आपने इतनी आसानी से पढ़ाया उस चीज को, इतनी जल्द, और मैं बायो जल्दी केमिस्ट्री खत्म किया हूँ, रिपीट बच्चा, बायो वाले पता नहीं कहा 200 घंटे ले रहा था, 250 घंटे, मैं 130 घंटे में 23 चैप्टर खत्म किया हूँ, 130 घंटे में रिपीटर बैच का। और कट टू करके मुझे पता, जब रिपीटर बैच का मतलब ना, मैं एनसीईआरटी से एक कदम ऊपर नहीं जाता, जानता मैं भी बहुत हूँ, लेकिन मुझे पता है मुझे तुमको जेई नहीं देना है, मैं तुमको रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट, सीपीएम कैसे बनता है, दुनिया भर की बातें बताऊँ, कट टू कट जितना एनसीईआरटी में लिखा है इतना पढ़ो बस, उससे ज्यादा नहीं। तो उतने ही नोट से काम हो गया, सब कुछ नोट्स के अंदर से आ गया। ब्लॉक केमिस्ट्री तो ऐसा उठ उठ के आई है मेरे नोट से कि पूछो नहीं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, वो तुम क्वेश्चन खोलो मैं अपने नोट्स में दिखाऊं, ऐसा था, ये देख पढ़ाया है, ठीक है, ये सिंपल सिंपल, यही सेम क्वेश्चन है, पीसीएल2 का स्ट्रक्चर आया था,
ठीक है, साफ साफ नोट्स में लिखवाया है, सॉलिड फेज में अलग होता है, लिक्विड वेपर फेज में अलग होता है, 1200 केल्विन पे लीनियर होता है, सब लिखा के दिया, सेम डिक्टो क्वेश्चन कॉपी हो गए, कुछ भी नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर कुछ पूछ नहीं रहा है, और हम एनसीईआरटी पढ़ाते हैं तुमको, इसीलिए वैसे तो नीट में यही लेवल है उनका। तो बात समझो बेटा, पेपर कुछ नहीं टफ है, आराम से तुम लोग सिलेक्शन पा सकते हो, बट रास्ता सही चुन लो बस, कि हमको क्या पढ़ना है, बहुत ज्यादा मत परेशान हो हैवी हैवी क्वेश्चंस से, ठीक है, ये बात जान लो, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे बेटे, और आप हैवी हैवी तैयारी करते हो और सिंपल वाले में गलत कर रहे हो। अपन ने क्या क्या एंट्रोपी में नहीं पढ़ा था, इतनी बड़ी बड़ी बात है ब्रदर, पूछ क्या निकल गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल क्या होता है, और मैंने बोला था कि रिवर्सिबल प्रोसेस दुनिया की कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस चाहे आइसोथर्मल हो एडियाबेटिक हो डेल्टा एस टोटल जीरो होता है, इरिवर्सिबल का मतलब साफ साफ बोला स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यार, इरिवर्सिबल तो स्पॉन्टेनियस हो गया, जहां एंट्रोपी लगातार बढ़ती है वो जीरो कैसे हो सकती है, और वैसे भी कभी भी एंट्रेंस में ऐसे एंट्रोपी का ऑप्शन है ना, तो जीरो तो कभी मत मारना गलती से एंट्रोपी, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स की एंट्रोपी तो लगातार बढ़ रही है, बात समझा कि नहीं। तो ये सब सीधे सीधे आप फैक्ट पूछे जा रहे थे बस आपसे, क्या आता है ज्यादा ना, आपको डेरिवेशन देखा तो होगा, आपने पेपर देखा ना, ऑर्गेनिक का भी देखा है, कौन सा हुआ क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन बताओ मुझे ऑर्गेनिक का, तो तुम्हें लगे नहीं यार इसमें बड़ा ट्रिक लगाना था ऑर्गेनिक, कुछ भी नहीं पूछा है, तुम बोर्ड्स भी पढ़े हो ना तब भी वो क्वेश्चन तुम कर सकते हो, इतना था ऑर्गेनिक का। जेई का भैया, जेई वाले तैयारी रखे हैं, उनका पेपर इतना आसान नहीं, जो पूछा सर जेई का बता दो, जेई वालों का पेपर बढ़िया लेवल का आता है, ठीक है, और जो हमारे नोट्स हैं उसको पढ़ते जाओ, तुम्हारा जेई भी हो जाए, ठीक है, नीट के लिए बहुत बहुत ज्यादा ऊपर हो गया है मेरा नोट सिस्टम, ठीक है, वो जेई लेवल को ही टच कर रहा है, तो आप उसको पढ़िए, आपको वहां से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, क्योंकि इस बार जेई का जो सेकंड पेपर था काफी टफ आया, ठीक है, वो अलग होते हो, आईआईटी का एप्टीट्यूड अलग, वो आपको बराबर टेस्ट करते कितना तुम्हें नॉलेज है, कितना जानते हो, और उनके लिए कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता, उनका जो सबसे खराब चैप्टर है उससे भी क्वेश्चन उठाएंगे, दूसरे पेपर में केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से 6 क्वेश्चन पूछ डाला, उसको फर्क नहीं पड़ता कि हमने थर्मोस का क्वेश्चन पूछा, ऐसा कुछ नहीं पूछूंगा, जहां से दिल करेगा वहां से पूछूंगा, उनको फर्क नहीं पड़ता कि थर्मो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, क्योंकि उनको क्वेश्चन रिपीट ही नहीं करना है ना, उनको नए क्वेश्चन ही फ्रेम करना है, और सच में सोचो जो आईआईटी का पेपर बनाते ना कितना दिमाग लगाते होंगे, मतलब तुम्हें क्वेश्चन को सोचना ही पड़ेगा, ठीक है, सोचो आईआईटी टॉलिन में पूछा था, टॉलिन में कितने हाइड्रोजन एटम सेम प्लेन में होते, अब दिमाग लगाओ टॉलिन में कितने हाइड्रोजन एटम सेम प्लेन में होते, कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखो अब टॉलिन क्या होता है बताओ, एक खूबसूरत सी बेंजीन रिंग होती है, इसके ऊपर क्या चिपका देते हैं, बोला कितने हाइड्रोजन एटम सेम प्लेन में, बराबर, अब यहां पे देखो कार्बन से हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, बराबर, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 होता है, और जो sp2 होता है वो प्लेनर होता है, वहां बहुत जबरदस्त आईआईटी का लेवल कैसे पूछते हैं वो, अब इसका मतलब ये कार्बन sp2 है प्लेनर, ये प्लेनर, सारे डबल बॉन्डेड प्लेनर हो गए, तो एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन तीन हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन पांच हाइड्रोजन, पहले देखो ये 5 हाइड्रोजन प्लेनर हुए, अब देखो यहाँ पे कार्बन भी क्या, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ 1 2 3 4 5 5 हाइड्रोजन 6 कार्बन, ये सब तो प्लेनर ही हुए ना, बेंजीन तो प्लेनर ही होती है ना, तो बेंजीन जो सारे कार्बन क्या होते हैं sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, इसका मतलब 1 2 3 4 5 5 हाइड्रोजन प्लेनर हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन प्लेनर हो गए। अब यहाँ बड़ा बढ़िया ट्विस्ट था, इस जगह पे ये है CH3, ये है sp3 हाइब्रिड, sp3 में अपने को पता है यार 2 हाइड्रोजन सेम प्लेन में होते हैं, एक वेज में होता है और एक डैश में होता है, वेज डैश, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, दो हाइड्रोजन कहाँ होते हैं सेम प्लेन में, एक अप द प्लेन एक बिलो द प्लेन, इसका मतलब बताइए, ये तो हो गया, देखो ये है आपका sp3, यानी जो ये लाइन होती है, याद करो आपको वेज डैश ने पढ़ाया होगा, ये लाइन जो होती है ऑन द प्लेन होती है, ये लाइन अप द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, उसने बोला कितने एटम सेम प्लेन में है, इसका मतलब 5 हाइड्रोजन सेम प्लेन में हुए, sp2 का 6 कार्बन सेम प्लेन में हुए, ये भी बॉन्ड कैसा है नॉर्मल 6 और 2, ये यहाँ ये भी क्या हुआ सेम प्लेन में हुए, और आप बताइए ये वाला कार्बन ये भी क्या हुआ सेम प्लेन में हुआ, तो यहाँ पे कार्बन भी क्या हो गया 7 और 5 और 2
सात टोटल 14 एटम सेम प्लेन में, समझा ना, ये दोनों सेम प्लेन में नहीं है, अबव द प्लेन पर। ये तुम्हें दिमाग लगा, ये आईआईटी का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे, पूछेगा थोड़ा एप्टीट्यूड तुम्हारा टेस्ट करेगा कितना तुम जानते हो। क्वेश्चन तब नहीं था बट जिसको नहीं पता होगा CH3 टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल चार और क्या दिन जाएंगे, एक दो इन पूरे को छोड़ देते हैं लोग, उनको लगा टेट्राहेड्रल टेट्रा SP3 SP2 सेम प्लेन में थोड़ी होता है, दिमाग लगा ना, यहाँ वाला सब कर लेते हैं इतना SP2 का मतलब प्लेनर इतना गिनते हैं लोग, इस CH3 को इग्नोर करते हैं, उनको लगता है ये तो SP3 हो गया टेट्राहेड्रल, ये कहाँ एक प्लेन में होगा, अरे टेट्राहेड्रल बनाने के लिए भी दो बॉन्ड सेम प्लेन में होते हैं बस ना, और एक वेज पे होता है डैश पे होता है, तो इस लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं वो, थोड़ा तुम दिमाग टेस्ट करते हैं कितना तुम्हारे खोपड़ी में भरा हुआ है, बात समझा ना, तो रेडी रहिए बेटा, एकदम आसान क्वेश्चन आने वाला है, नीट वाले बिल्कुल परेशान हो, जितना मैं नोट्स में लेता हूँ मेरे नोट्स को भगवान मान लो, ठीक है, उसको पढ़ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, ठीक है, और NCERT पढ़ लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, फालतू बातें मैं नोट्स में करता ही नहीं, कट टू कट पढ़ाता हूँ, जितना आता है उतना ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, ज्ञान में नहीं दे सकता यहाँ तुमको कि बहुत ज्यादा ज्ञान दे दूँ, ऐसा कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, तुम्हारे क्वेश्चन निकलने चाहिए बस, बात समझा ना, तो ईमानदारी से पढ़िए बेटा, NCERT को फॉलो करते रहिए बस, उसको पढ़ना मत छोड़ो, तुम्हारा काम होता जाए, और NCERT छोड़ दो बेटा तब गड़बड़। आइए एक नया चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, सॉलिड स्टेट, ठीक है, एकदम आसान सा चैप्टर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार भी नीट में एक ही क्वेश्चन आया था, HCP2D का टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बताइए, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे, यूनिट सेल एंड देखो आप आपकी बुक के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप ही बुक पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एमॉर्फस क्या होता है, क्रिस्टलाइन का क्लासिफिकेशन क्या होता है, एनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक, ये सब बकवास सबसे लास्ट में कर दूंगी, छोटी छोटी बातें हाँ, जो काम की बातें वहां से स्टार्ट कर दूंगी, क्या करोगे, यूनिट सेल एंड लैटिस, यूनिट सेल एंड लैटिस, देखो यूनिट सेल क्या होता है बेटा, कि वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो अपने को ओवर एंड अगेन रिपीट करके पूरी लैटिस बना, यानी अगर मैं डिफाइन करूं इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट या द सिंपलेस्ट यूनिट, आराम समझिएगा, द सिंपलेस्ट यूनिट, चैप्टर उन्हीं को अच्छे समझ में आएगा जिसका 3D अप्रोच बहुत अच्छा है, ठीक है, द सिंपलेस्ट यूनिट, क्योंकि यहाँ मॉडल्स वगैरह है सब हवा में समझाना नहीं है, ठीक है, विच कैन रिपीट ओवर एंड अगेन, विच कैन रिपीट इटसेल्फ ओवर एंड अगेन, over and again to form lattice, मतलब देखो जैसे मैं बोलू ना यूनिट सेल का मतलब क्या, वो सिंपलेस्ट यूनिट जो बार बार रिपीट करके पूरा लैटिस बनाए, बस जैसे मैं बोलू कि जो बंदा यहाँ पे नीचे खड़ा होगा इस समय सड़क पे, आप जिस कमरे में बैठे हो ना ये एक यूनिट सेल है, और जो बंदा सड़क से इस बिल्डिंग को देख रहा होगा उसको ये लैटिस, क्योंकि ये कई सारे कमरे से मिलकर बनाया ना पूरा, ये तो आपका एक कमरा क्या है यूनिट सेल, और कई सारे कमरे मिलकर पूरी बिल्डिंग बन गई, पूरी बिल्डिंग क्या है लैटिस, समझ में आया, बाहर से कोई देखेगा तो आपको बोलेगा आप लैटिस में बैठे हो, आप कहां हो अंदर यूनिट सेल में हो, बात समझा क्या, यानी यूनिट सेल क्या होती है लैटिस की सिंपलेस्ट यूनिट, जैसे आपका घर क्या है ब्रिक्स से बना है ईंटों से बना है, एक ईंट जो है घर की वो यूनिट सेल है, और वही ईंट ओवर एंड अगेन प्रॉपर डिजाइन में अरेंज हो गया, आपका खूबसूरत सा घर बन गया, आपका खूबसूरत सा घर क्या कहलाएगा लैटिस, समझा क्या, तो ब्रिक्स जो एक ईंट है वो क्या कहलाएगी यूनिट सेल, और वही ईंट बार बार रिपीट होके अलग डिजाइन ले लिया है घर का, ठीक है, तो आपका घर क्या है लैटिस और वो ईंट क्या है यूनिट सेल, समझ में आ गया क्या, तो यूनिट सेल बेटा वो सिंपलेस्ट यूनिट होती है जो बार बार रिपीट करके कंप्लीट लैटिस बनाती है, समझ में आ रहा है क्या, घर आपका लैटिस ब्रिक्स आपका यूनिट सेल, या मैं बोलूं घर आपका लैटिस एक कमरा आपका क्या यूनिट सेल, ठीक, कई सारे कमरे मिलके तो घर बन जाएंगे ना, बात समझाना, तो मैं अब बताओ डेफिनेशन क्लियर हुई पहले, व्हाट इज यूनिट सेल द सिंपलेस्ट यूनिट व्हिच कैन रिपीट इटसेल्फ ओवर एंड अगेन, ये लिख दिया, ठीक है, अगेन टू फॉर्म लैटिस, समझ में आ गया क्या यूनिट सेल, अच्छा अब बात आता है कितने तरह के, देखो यूनिट सेल तो कई तरह के होते हैं, सबसे लास्ट में लिखाऊंगा 7 तरह के होते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल, रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल, बहुत तरह के, हेक्सागोनल यूनिट सेल, 7 तरह की यूनिट सेल होती है, बट अपने सिलेबस में चाहे वो जेई मेंस हो या नीट हो केवल अपने को क्यूबिक यूनिट सेल ही पढ़ना, बाकी सब के बारे में लास्ट में बता दूंगा थोड़ा थोड़ा कि एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल में क्या रिलेशन होता है, टेबल बना के देते हैं,
अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90, वो कैसे रट्टा मारना है सब ट्रिक से समझा दूंगा, ठीक है। बट अभी के लिए अपने को केवल क्या पढ़ना है, क्यूबिक यूनिट सेल। अपने सिलेबस में कौन सी यूनिट सेल है, केवल क्यूबिक। होती है 60 टाइप यूनिट सेल, बट अपने सिलेबस में जेईई और नीट में क्या क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ना है, ठीक है अपने को। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। जितना पढ़ा रहा हूं उतना काम तुम्हारा काम हो जाएगा, बिल्कुल जो भी क्वेश्चन आएगा चमकता हुआ दिखाई देगा रोज के अंदर, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखो बेटा क्यूब में कुछ बातों को ध्यान रखना समझो। एक्चुअली मैं यहाँ ढूंढ रहा था कोई क्यूब लेकर और अच्छा समझाता, और आज में काफी मैं लेट गैस देना है उसको परचेज नहीं कर पाया। थोड़ी देर समझो ये क्यूब है, समझा क्या होता है क्यूब में, कुछ कुछ बातों को ध्यान रखना है आपको। क्यूब में कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8, बराबर ना। क्यूब कुछ बातें याद कर लो कि इन क्यूब क्या क्या बातें मैं बता रहा हूँ, ये अभी सट्टा मार के बैठ गया। कॉर्नर्स कितने होते हैं बेटा क्यूब में, 8 कॉर्नर्स होते हैं। आप कमरे में बैठे हो ना यार, क्यूब मानो ना, हाँ अरे धन्यवाद यार, वो पता था क्या मैं आज नहीं करने वाला, वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए क्यूब है, थैंक यू, ये क्यूब है। अब इसमें कॉर्नर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, पहले ये दिमाग लगाओ। फेसेस कितने होते हैं, फेस का दीवार, एक फेस ये, एक फेस ये, एक फेस ये, एक फेस ये, एक ये, एक ये, 6 फेसेस होते हैं क्यूब में। इस कमरे कितनी दीवार गिन लो यार, ये सामने वाली, ये वाली, ये फ्लोर, सीलिंग और फ्लोर, 6 दीवार है ना यहाँ पे। इसका मतलब एक क्यूब में फेसेस कितने होते हैं, 6। एक क्यूब में एजेस कितने होते हैं, 12। एजेस का मतलब ये बेटा देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 एजेस होते हैं एक क्यूब में, ध्यान रखिएगा। क्या कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8, समझ में आया। फेस एज का मतलब ये बेटा, ये एज लेंथ, ठीक है। एक ये हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसको एजेस बोलते हैं, बात समझ रहा। तो एक क्यूब के अंदर कॉर्नर्स होते हैं 8, फेस होते हैं 6, एजेस होते हैं 12, ये बात ध्यान रखना। अब क्यूबिक यूनिट सेल 3 तरह की होती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो अगर किसी भी यूनिट सेल, देखो दो तरह का क्लासिफिकेशन है, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, अगर किसी भी यूनिट सेल में एटम केवल कॉर्नर्स पे है, एटम केवल कॉर्नर्स पे है, उनको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। अगर कॉर्नर्स के अलावा, कॉर्नर्स तो है ही है, उसके अलावा पूरे यूनिट सेल में कहीं और भी एटम रखे हैं, उसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या सेंटर्ड यूनिट सेल, ध्यान रखिएगा। प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव में क्या अंतर है, मान लो हमने क्यूबिक यूनिट सेल उठा लिया, क्यूबिक। अगर मैं एटम्स को केवल कॉर्नर्स पे ही रखूं, उसको बोलेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। और अगर मान ली कॉर्नर पे तो है ही, मैंने फेस पे भी रख दिया, तो ये क्या होगा, सेंटर्ड यूनिट सेल या नॉन प्रिमिटिव। यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होते हैं जहां पे एटम केवल और सिंपल यूनिट सेल के कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा किसी और भी जगह पे हो सकते हैं, उसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, समझ में आ रहा क्या। तो यहाँ पे देखिए, अगर बोलूं टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल तो 3 होते हैं, कौन कौन से। पहला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलेंगे। अब मैं प्रिमिटिव बोल दिया, तुम्हारे दिमाग में चल जाना चाहिए इसका मतलब इस यूनिट सेल में केवल एटम कॉर्नर पे होंगे, ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये प्रिमिटिव है। दूसरा, अभी सबको डिटेल करूंगा, परेशान मत होना। सेकंड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम प्यार से बीसीसी बोलेंगे, आप जब तक पढ़ाएंगे इसको बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तीसरा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको अपन बोलेंगे एफसीसी, क्या बोलेंगे, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये 3 तरह की क्यूबिक, और ये दोनों के दोनों जो होते हैं, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, दे आर नॉन प्रिमिटिव टाइप, दे आर नॉन प्रिमिटिव, यानी यहाँ एटम कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे क्यूब के, बट कॉर्नर दबाओ कहीं और भी होंगे,
बात समझे ना। पहले मैं एक बार आपको पूरा इसका समझा देता हूँ मॉडल पूरा, समझो। सिंपल ये क्यूब है, सिंपल क्यूबिक का मतलब एटम केवल आपने कॉर्नर पे रखते हैं, एक एटम यहाँ पे, और एटम को आपको मानना है क्या, स्फीयर, क्योंकि 3D की बात चल रही है। एटम को क्या मानेंगे, स्फीयर, और जो एटम यानी स्फीयर का जो सेंटर होगा वही इस क्यूब का कॉर्नर होगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा, एटम केवल कहां पे होंगे, कॉर्नर्स पे, एक एटम यहां, एक एटम यहां, एक एटम यहां, एक एटम यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां, आठ कॉर्नर्स पे एटम होते हैं सिंपल क्यूबिक में। बॉडी सेंटर आप लोग इसको कमरे में भी समझो, ये अपना क्या है, क्यूब है कमरा, अगर मैं बोलूं इसको सिंपल क्यूबिक बनाना है तो एक एटम वहां पर रख दो उस कॉर्नर पे, एक एटम इस कॉर्नर पे, एक यहां एक वहां, और ऐसे चार कॉर्नर नीचे भी तो है, तो हर कॉर्नर्स पर रख देंगे जिसे क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूब, कमरे को क्यूब मानो। बॉडी सेंटर का मतलब क्या होगा, क्यूब ये है, आठों कॉर्नर्स में तो एटम होंगे ही होंगे 100%, और एक एटम बॉडी के यहाँ बीचों बीच रखा होगा, बीच पे कमरे में रखा होगा, वो कमरे के अंदर ही रहेगा, यूनिट सेल के अंदर। आठ एटम कहाँ पे है, कॉर्नर पे, आठों कॉर्नर पे, और एक इसके बीचों बीच है जो मैं तोड़ के दिखा नहीं सकता, टूट जाएगा ये अंदर है इसके, बात समझा ना, तो बीचों बीच कमरे के बीचों बीच है, इसको बोलेंगे क्या, बॉडी सेंटर। फेस सेंटर का मतलब क्या, कॉर्नर पे तो रखिए रखिए बैठ, और हर फेस की सेंटर पे, एक क्यूब में फेस कितने छे, एक एटम यहाँ बीच बीच, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक फ्रंट एक बैक, समझा ना। ठीक है, तो यहाँ पे तीन एलिमेंट होते हैं, सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। अब इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं फटाफट आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट से, आराम समझिएगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट से क्या पूछेंगे आपसे, सबसे पहला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कहां कहां रहते हैं, तो सिंपल क्यूबिक में क्यूब के केवल कॉर्नर्स पे एटम होते हैं, तो बताइए क्यूब में कॉर्नर कितने, एट कॉर्नर्स, यानी एट कॉर्नर्स को मिला के आठ एटम रखे गए होंगे, इसका मतलब एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितने एटम से मिलकर बनता है, आठ एटम से मिलकर बनता है, बात समझा क्या, तो एट क्या है, कॉर्नर, एट कॉर्नर्स पे एट एटम है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ एटम इन वन यूनिट सेल, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे, आप बोलो आठ तो लिखा नहीं, आठ नहीं, एक होता है बस, ठीक है, कैसे जरा समझना कि जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, ये पहला पॉइंट है मेरा। दूसरा पॉइंट, जेड इफेक्टिव ये क्या होता है, जेड इफेक्टिव टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम इन वन यूनिट सेल, इन वन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, एक बात बताओ बेटा, कॉर्नर्स की एटम है, बट एक कॉर्नर जो होता है ना वो आठ रूम को टच करता है, एट को, एक जो कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, अगर यहां बैठे हो और तुमको यहां, मैं यहां पे एक एटम कॉर्नर पर रखा हूं, तुमको उस एटम का केवल 1/8 पार्ट दिखाई देगा बस, क्यों, क्योंकि एक कॉर्नर आठ रूम से शेयर होता है, कैसे समझाता हूं, चलो ये कॉर्नर है, ये एक जस्ट बगल जहां आपके सर बैठते हैं, एक इसके पीछे वाला रूम, इसके पीछे वाला गैलरी, समझो 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 भाई, एक रूम ये है, कॉर्नर पे एटम है, तो इस रूम ये कॉर्नर बगल से तो शेयर हो रहा ना, और जहां ये एसी लगी है अगर वहां भी रूम होता तो ये कॉर्नर से टच ना होता क्या, ठीक है, और जहां ये आपका आज कंप्यूटर है अगर वहां गैलरी ना होता रूम होती थी कॉर्नर उसको टच करता, तो अपने घर में देख लो यार, ये अगर कॉर्नर है, इसके बगल वाला रूम, इसके पीछे वाला रूम, और उसके पीछे चार रूम, और चार रूम इसके ऊपर, अरे यही कॉर्नर ऊपर की चार रूम से टच करेगा ना, एक कॉर्नर कितने रूम को टच करता है, आठ रूम को टच करता है, इसीलिए आप तो एक रूम में बैठे हो ना, और आपका कॉर्नर आठ रूम को टच कर रहा है, आपको तो आठ का 1/8 ही दिखाई देगा ना, आपको यहाँ पर बैठे देख रहे हो, समझ में आया कि नहीं, यानी एक कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, समझ में आया होगा, समझ लो नहीं रट्टा मार लो, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई तुमसे नहीं बोलेगा मुझे समझाओ क्या होता है, मैंने समझा दिया, समझ में आया, वेल एंड गुड, नहीं आया तो आप याद कर लीजिए, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, इसको इतना भी याद रहता है ना, कॉर्नर का 1/8 होता है, फेस का 1/2 होता है, एच का 1/4 होता है, सारे क्वेश्चन निकल, भले कुछ ना बताओ कैसे,
पास में जाना, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है 1 बाइट। अगर तुम इस रूम में बैठ कॉर्नर वाले एटम को देखोगे तुमको पूरा एटम नहीं दिखाई देगा, उस एटम का केवल 1/8 पार्ट आपको दिखाई देगा। रीजन क्या है, एक कॉर्नर 8 रूम से शेयर होता है, एक कॉर्नर 8 रूम से शेयर होता है, एक ये रूम, एक बगल, एक इसके पीछे, एक उसके पीछे और इसी का पास ना, यानी एक रूम का एक कॉर्नर 8 रूम से पास होता है। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/8। तो तुम तो देख रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ एटम, एक बार बताओ टोटल एटम कितने हैं, 8, 8 कॉर्नर पे रखे हो ना, तो 8 कॉर्नर है, 8 एटम, बट तुम्हें उस 8 कॉर्नर में कितना पार्ट दिख रहा होगा, 1/8, हर का 1/8, इसका मतलब 8 × 1/8, कितना 1 एटम, इसका मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक क्यूब, एक यूनिट सेल के अंदर केवल एक एटम, 8 एटम नहीं होते, पास में ना, क्योंकि एक यूनिट सेल में बैठ के तुमको नो डाउट तुमने 8 एटम रखे हैं, बट 8 का 1/8 ही पास दिख रहा, तो 1/8 × 1/8, 1/8, 1/8 जो डालो वन ही आने वाला, समझ पा रहे हो क्या जो बता रहा हूं। ठीक है, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन बेटा कितना होता है 1/8, एक कॉर्नर का एटम 1/8 की शेयरिंग देता है। ठीक है, तो टोटल एटम कितने हो गए जेड इफेक्टिव 1। पहला मैं समझा, अगर कोई पूछे एक सिंपल क्यूबिक यूनिट से कितने एटम, क्वेश्चन था ना गड़बड़ करके आते हो, सिंपल क्यूबिक यूनिट से टोटल कितने एटम से मिलकर बनती है, तो आंसर जाएगा 8। कॉर्नर 8 कॉर्नर रखो तभी तो बोलोगे ना, कितने एटम से मिलकर बनती है तो 8। अगर पूछे एक सिंपल क्यूबिक यूनिट से टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं जेड इफेक्टिव, तो 1। कितने एटम से मिलके बन रहे, तो भाई 8 के एटम तो कॉर्नर पे तो रखना ही पड़ेगा ना, 8 एटम रखना पड़ेगा, बट जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव एटम कितने हैं एक रूम के अंदर, तो 1। इसका मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए 1। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना तब आंसर करना। ठीक है, जेड इफेक्टिव कितना हो गया 1, जेड इफेक्टिव मतलब डेफिनेशन पढ़ो, टोटल नंबर ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में टोटल एटम कितने दिख रहे हैं, बोलो सर 8। अरे आपको 8 दिख रहा है, आप यहां बैठो और 8 को देखो ना, क्या 8 को देख पाओगे क्या, एक कॉर्नर का केवल एक कॉर्नर का तुमको 1/8 ही पार्ट दिख रहा है, बात समझा ना, क्योंकि कॉर्नर एक कॉर्नर 8 रूम से शेयर करता है। ठीक है, तो 8 × 1/8, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट, ए बी और सी पॉइंट, तीसरा पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नियरेस्ट नेबर, आपके पड़ोसी कितने हैं जो आपको टच कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, नियरेस्ट नेबर कितने होते हैं। देखो अपने को केवल जेईई मेंस और नीट तक केवल नियरेस्ट नेबर ही पढ़ना है, एडवांस में नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट भी पूछ लेता है, पर अपने को एडवांस लेवल में जाना नहीं है, मेंस तक रहना है। ठीक है, तो क्या आपने सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान रखना है कि नियरेस्ट नेबर कितने होते हैं। नियरेस्ट नेबर का मतलब मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान समझना, यहां बता रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक एटम कितने एटम को टच कर रहा है, ये पूछा मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे अगर मान लो मुझे 6 लोग अगर मुझे टच कर रहे थे, मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, जैसे मान लो बेटा मान लो मैंने 3 स्क्वायर ऐसे रखा, बहुत ध्यान से, मैंने 3 स्क्वायर को ऐसे रखा और यहाँ मैंने कोई एटम रख दिया, तो बताओ इस जो वैकेंट स्पेस है ये कितने एटम से मिलकर बना है, 3। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, इस वैकेंट स्पेस का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। मैं बोलूं मैंने 4 बॉल्स को ऐसे रखा, तो बताइए यहाँ कोई एटम रखूंगा कितने को टच करेगा, चारों को टच करेगा ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, बात समझा क्या। तो आपसे बोला सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, कोऑर्डिनेशन नंबर इसको हम शॉर्टकट में CN लिखेंगे, इज इक्वल टू 6। अब मैं समझा देना चाहता हूँ, रट भी लोगे तब भी काम चलेगा, बट समझ लो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है सिंपल क्यूबिक का, 6, यानी एक एटम 6 एटम से टच हो रहा है। बोलो सर कैसे, अब जरा सिंपल क्यूबिक का एग्जैक्ट फील लो, सिंपल क्यूबिक में होता क्या है बेटा, यहाँ अगर छोटा सा बना था समझ में आ जाएगा, यहाँ सारे कॉर्नर्स एक दूसरे को टच करते हैं, यहां रखना सिंपल क्यूबिक है, अगर मैंने एक एटम यहां रखा, दूसरा ये है ऐसा, तीसरा ये है ऐसा, चौथा ये है ऐसा, इस तरह से होता है, उसको मैं 3D बना नहीं पाऊंगा, सिर्फ समझा दे रहा हूँ। यहाँ कॉर्नर्स में जो भाई देखो आपको क्या करना है, एटम को स्फीयर मानना है, पहली बात को एटम को क्या मानना है, स्फीयर, और जो एटम का सेंटर होता है वही क्यूब का कॉर्नर होता है, जो एटम का सेंटर होता है, स्फीयर का जो सेंटर होगा वही क्यूब का क्या है कॉर्नर, यानी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपने, जो एटम का सेंटर है स्फीयर का जो सेंटर है वही क्यूब का कॉर्नर। तो सिंपल क्यूबिक में याद रखना, नो डाउट सारे एटम कहां पे हैं, कॉर्नर। तो ये फील दिमाग मत करना कि ये वाला एटम इसको नहीं टच करेगा, ये वाला एटम इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो यहाँ एक एटम है, इस वाले को मारो जरा, यहाँ एक एटम है,
तो ये ए डिस्टेंस पे इधर एक को टच कर रहा होगा, ए डिस्टेंस क्या, ए को बोलते हैं एज लेंथ, ये जो लेंथ होती है इसे क्या बोलते हैं एज लेंथ, इसको ए बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है ए। इसका समझो आर और आर इज इक्वल टू क्या ए बराबर, इसका मतलब सिंपल क्यूबिक में क्या होता है सारे कॉर्नर एक दूसरे को टच करते हैं। मैं एक कॉर्नर की बात करता हूँ इसकी, मान लो यहाँ पे एक आइटम रखा ठीक है, तो ये इसको टच करेगा ए डिस्टेंस में, इसको और इसको, अब ये इसको नहीं टच कर रहा होगा, इसको भी जोड़ डाल दू, बात समझा नहीं, यानी इस एटम को मैं कॉर्नर मान लू, ये किसको कर, अपने एडजेसेंट एडजेसेंट कॉर्नर के पे ए डिस्टेंस पे टच कर रहा होगा, एक ये एक ये एक ये। इसका मतलब समझो बेटा कि अगर मैं इसको बोल दू, इसको मान लू, तो इसको इसको टच कर रहा होगा, ये इधर इसको टच कर रहा होगा और नीचे इसको टच कर रहा, तीन ये। अब क्या एक यूनिट सेल होगी क्या, इसके बगल में भी ऐसी यूनिट सेल होगी ना, यानी ये इधर भी ए डिस्टेंस पे किसी को टच कर रहा होगा, इसके ए डिस्टेंस पे, पास में ना, इसके ए डिस्टेंस पे किसी को टच कर रहा होगा ये, और इसके भी ए डिस्टेंस पे किसी को टच कर रहा होगा, इसे टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। कुछ बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल कितना हो गया 6। मैं समझा रहा हूँ, अगर नहीं समझा ना तो रख भी लोग तब भी काम, ठीक है, मैं समझा के दे रहा हूँ, बट नहीं समझ में आ रहा तो रख लीजिए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, कैसे ने बताया, ध्यान रखना सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सारे कॉर्नर्स पे रखे हुए एटम कॉर्नर्स आपस में टच करते हैं, कॉर्नर्स आपस में टच करते हैं, आप सिंपल क्यूबिक का ये मतलब ना कि एक एटम ये है एक एटम ये है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ जो एटम है, यहाँ जो एटम है क्या है, वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, टच, ऐसे बनाया भी है टच करता हुआ, तो कॉर्नर्स आपस में क्या करते हैं, टच करते हैं सिंपल क्यूबिक में। तो इसका मतलब बताओ बेटा, अगर कॉर्नर टच करेंगे तो इस कॉर्नर का एटम जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब एक एटम को कितने एटम टच करें, तो ये अगर इसको मैं सबको दिख रहा है, इसको अगर मैं मान लिया यहाँ वाले एटम को, तो ये एटम इस वाले कॉर्नर पे रखे एटम को टच करेगा, ये एटम इधर वाले को टच करेगा, ये और ये इधर वाले को, तीन ये हो गए। अब इसके अपोजिट में जो यूनिट सेल होगी ए डिस्टेंस पे, ये इसके अपोजिट वाली, इसके अपोजिट में ए और इसके अपोजिट में ए, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6। तो सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 6। अगला है कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे या नियरेस्ट नेबर पूछे, एक ही बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बुक में नियरेस्ट नेबर लिख दिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर या नियरेस्ट नेबर, इसके पड़ोसी कितने जो उनको टच कर रहा है, ठीक है 6। तो सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 6, ठीक है। अच्छा डी, ए और आर में रिलेशन, ए क्या होती है, ए इज कॉल्ड एज लेंथ, क्या होती है एज लेंथ, यानी कॉर्नर टू कॉर्नर की डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज लेंथ, बता देना 12 इसको, इसको एज लेंथ बोलेंगे, कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस क्या कहलाएगा एज लेंथ, बात समझा ना, तो एज लेंथ हम क्या मानते हैं, एक बात बताओ एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन पूछ रहा है, क्या बताइए सिंपल क्यूबिक में, सिंपल क्यूबिक में अगर एक मान लो एक कॉर्नर ये है और अगला कॉर्नर ये है बराबर, तो एक एटम यहां रखा गया है, एक एटम ऐसे यहां रखा गया बराबर, कॉर्नर का एटम टच कर रहे हैं, माना इसकी रेडियस आर, इसकी रेडियस आर, तो क्या 2r इक्वल टू a नहीं हो गया, बस हो गया साहब, तो रिलेशन बिटवीन a एंड r, a क्या है एज लेंथ, r क्या रेडियस ऑफ एटम, तो 2r इक्वल टू a, अब आप समझ लो, कभी a देखे r कैलकुलेट करवाएगा, कभी r देखे k कैलकुलेट, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, सिंपल क्यूबिक क्यूब में एटम की रेडियस इतनी है, जरा एज लेंथ बता दीजिए, ठीक है, अगर ये सब बातें याद रहे सिंपल सिंपल क्वेश्चन निकाल लेंगे, बताओ इतनी बातें समझ में आ गई क्या सारे पॉइंट्स, सिंपल क्यूबिक के पहले बताओ एटम कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे, प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, अगर किसी भी यूनिट सेल बेटा एटम केवल कॉर्नर पे हैं, ऐसी यूनिट सेल को प्रिमिटिव बोलते हैं, और कॉर्नर के अलावा कहीं और भी है तो नॉन प्रिमिटिव, पूरे क्यूबिक यूनिट सेल में सिंपल क्यूबिक कैसी है केवल प्रिमिटिव, ठीक है, बाकी फेस सेंटर बॉडी सेंटर क्या है नॉन प्रिमिटिव, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 एटम्स कहाँ होते हैं, 8 कॉर्नर पे, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, दिमाग में चिपका लो, इसका मतलब अगर मैं जेड इफेक्टिव क्या होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, 8 एटम 8 कॉर्नर पे इनटू 1/8 यानी 1, एक रूम में आपको टोटल एटम भले 8 रखते हो लेकिन आपको एक ही एटम दिखेगा टोटल अगर निकालेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का 6, ठीक है, क्योंकि यहां पे कॉर्नर एक दूसरे को टच करते हैं, और ए और आर में रिलेशन 2r इक्वल टू ए, बताओ ये सारे पॉइंट कवर हो गए सिंपल क्यूबिक का, इससे आपसे कुछ नहीं पूछेगा, इसके बाद पूछेगा क्या पैकिंग फ्रैक्शन जो लास्ट में पढ़ा दूंगा, ठीक है, कितना होता है, आइए इसके बाद बात करते हैं बेटा हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की, इसकी बात करते हैं
बॉडी सेंटर क्यों भी, इसको ही मिटा देता हूँ मैं यहाँ से। सारे क्वेश्चन वाइज में कहाँ कहाँ से है, अरेंजमेंट क्या होते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स, इसका मतलब BCC, हाँ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब यहां सबसे पहले क्या पूछेगा आपसे, अरेंजमेंट ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर कहां कहां होते हैं। पहला पॉइंट ए, अरेंजमेंट ऑफ एटम, अरेंजमेंट ऑफ एटम इन यूनिट सेल या बॉडी सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, पहले आप बताओ कहां कहां एटम रहते हैं पहले बताओ। तो बॉडी सेंटर भैया आठ क्यूब में आठ कॉर्नर है, आठों कॉर्नर पे तो होंगे, यानी एट एटम कहां पे होंगे, कॉर्नर पे, और एक एटम बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच यहां कमरे के अंदर रखा गया, ठीक है, और एक एटम जो होगा वो इनसाइड द बॉडी होगा, इनसाइड द बॉडी। ये हुआ पहले कि भैया बॉडी सेंटर में एटम रहते कहां, कॉर्नर्स पे होते हैं और एक बॉडी के बीचों बीच होता है। अच्छा सेकंड पॉइंट, यहां पे सेकंड पॉइंट में आपको क्या दिखना है, हाँ एक बार और बड़ी इंटरेस्टिंग है, बॉडी सेंटर ध्यान रखना, बॉडी सेंटर में क्या होता है बेटा, जो बॉडी के बीच में एटम रखा है ना वो सारे कॉर्नर्स को टच करता है, ध्यान रखना इस बात को, जो यहाँ बीचों बीच रखा है ना ये सारे आठों कॉर्नर को टच करता है, लेकिन कॉर्नर आपस में टच नहीं करते, मैंने हैशटैग पॉइंट करके उसमें लिखा है इस चीज को, ठीक है, हाँ हैशटैग पॉइंट है वो, कि बॉडी सेंटर में क्या होता है कि जो बॉडी में रखा हुआ एटम, बीच में रखा हुआ एटम वो आठों कॉर्नर को टच कर रहा है, बट कॉर्नर आपस में टच नहीं करते, ध्यान रखना बॉडी सेंटर में, ठीक है, यानी जो बिटवीन द बॉडी है, जो बीच में है बॉडी में, ये वाला एटम क्या है, जो इसके अंदर एटम जो रखा होगा, जो मैं दिखा नहीं सकता इसके अंदर रखा है, वो इसको भी टच कर रहा है, 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 ये, बट कॉर्नर आपस में टच नहीं करते, बॉडी सेंटर ध्यान रखना इस बात को, कॉर्नर आपस में टच नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कॉर्नर आपस में टच नहीं करते, तो अगर मैं तीसरा पॉइंट पूछूं यहाँ जेड इफेक्टिव बताओ, दूसरा पॉइंट क्या, जेड इफेक्टिव टोटल नंबर ऑफ एटम इन वन यूनिट सेल, अच्छा बताओ कॉर्नर पे कितने एटम है, कॉर्नर कितने, आठ एटम कॉर्नर पे, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, और जो बेटा बॉडी में बीचों बीच है वो किसे शेयर हो रहा होगा, वो तो पूरा इस रूम का ही है ना भाई, यहाँ में कोई मैं रूम पे यहाँ एक बीच में बॉल रख दू तो क्या ये तो इसी रूम के लिए कॉमन है ना, है तो नहीं बगल वाले रूम से शेयर हो, ये बात समझे ना, यानी ये क्या होगा प्लस पूरा का पूरा 1, ये खत्म, ये आ गया 2, तो जेड इफेक्टिव होता है बॉडी सेंटर का 2, समझ में आ रहा है, रट्टा मार रहे हो ना, क्या हो रहा है जेड इफेक्टिव कितना होता है, तो आठ कॉर्नर में लगा 1/8, और जो बॉडी के बीचों बीच रखा है भैया ये किसी कमरे से शेयर नहीं हो रहा, ये इसी कमरे का है, ठीक है, तो क्या हो गया ये जेड इफेक्टिव हो गया 2। तीसरा आपसे पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर, नियरेस्ट नेबर बताइए, बड़ा सिंपल है, एक एटम कितने एटम को टच कर रहा है, एक बताओ जो बॉडी के बीचों बीच है, क्या वो आठवें कॉर्नर को टच कर रहा है, क्या आठ एटम को टच कर रहा है, क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8, याद करना कितना आसान है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8, फॉलो मेरा क्या, जो बॉडी के बीचों बीच रखा है आठवें कॉर्नर को टच कर रहा है, यानी बॉडी सेंटर वाला एटम आठों कॉर्नर को टच करता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 8। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ठीक है, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए क्या है एज लेंथ एंड आर क्या है रेडियस ऑफ एटम। अब जरा यहां इंटरेस्टिंग बात है, कुछ बातें सुनो, एक क्यूब के अंदर दो तीन बातें याद रखो, मैथ की बात है, क्यूब का जो बॉडी डायगोनल होता है उसकी लेंथ होती है √3, याद भी होगा, क्यूब का जो बॉडी डायगोनल होता है उसकी लेंथ क्या होती है √3, और जो फेस डायगोनल होता है उसकी लेंथ होता है √2। दो बातें और रट्टा मार लो, ठीक है, इन क्यूब लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू √3 और लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, अपने समझ दूंगा परेशान मत हो, फेस डायगोनल वो होती है √2। देखो बॉडी डायगोनल क्या होती है बेटा, अगर मैं ये कॉर्नर पकड़ू, ठीक है, इस कॉर्नर से एक लाइन निकालू और उधर नीचे ला जाकर मिलाऊ, यानी मेरा हाथ कुछ है समझो, ये है बॉडी डायगोनल, ये कॉर्नर ये और वो कॉर्नर नीचे वाला, ये बॉडी डायगोनल। तो आप बताओ एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होंगे, 4, भाई एक ये ऊपर का कॉर्नर इसको लेके मिलाऊंगा वहां नीचे कॉर्नर से, बराबर एक बॉडी डायगोनल, एक वो ऊपर कॉर्नर
किसको मिलाऊंगा कहां, यहां से एक उधर से उठाऊंगा इधर नीचे मिलाऊंगा, एक इधर से उठाऊंगा उधर नीचे मिलाऊंगा। बात समझा गया? एक क्यूब के अंदर कितने बॉडी डाइन होते हैं? चार। ये भी रख लो कि एक क्यूब के अंदर चार बॉडी डाइन होते हैं, क्योंकि अभी जब वाइड पढ़ाऊंगा तो रट्टा मारोगे कि टेट्राहेड्रल वाइड्स आठ होती है एक्सिस में, ठीक है? ध्यान रखिएगा बॉडी। और ये लेंथ क्या है, यहां से लेके अगर वहां नीचे तक ये पूरी लेंथ क्या कहलाती है, रूट थ्री है। तो क्यूब के बॉडी डायगोनल लेंथ क्या होती है, रूट थ्री है। और फेस डायगोनल मतलब क्या, मान लो तुम कोई भी फेस ले लो, चलो मैं अगर मान लो मैं सीलिंग ले लेता हूँ ऊपर का सीलिंग, तो वहां से उस कॉर्नर को से उठाओ उस कॉर्नर पे टच कराओ, ठीक है? तो ये लेंथ रूट टू ए होती है फेस डायगोनल। यानी एक दीवार पकड़ लो अपने रूम की, उसका एक कॉर्नर उससे जस्ट अपोजिट कॉर्नर, मान लो ये तुमने ये दीवार पकड़ ली, ये कॉर्नर से उठाओ और वहां गिराओ उस कॉर्नर पे, तो ये क्या होती है, रूट टू ए। कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ेगी सॉलिड स्टेट में आपको, मुझे बिल्कुल याद होनी चाहिए कि क्यूब के बॉडी डायगोनल लेंथ कितनी होती है, रूट थ्री है, और एक क्यूब के बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, चार, ठीक है? और एक फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, रूट टू है, और फेस डायगोनल तो छह ही होंगे ना, छह फेस है, उससे मतलब नहीं, बट बॉडी डायगोनल चार होते हैं, ठीक है? बॉडी डायगोनल लेंथ क्या होती है, रूट थ्री है। अब मुझे क्या बताना, ए और आर में रिलेशन, एक बात बताओ, बॉडी सेंटर में दिमाग लगाओ, बॉडी सेंटर में क्या बना, कॉर्नर आपस में टच नहीं करते, इसका मतलब बता बेटा, एक यही समझा दूं, याद रखो ये कॉर्नर का आइटम है, यहाँ एक बॉडी सेंटर रखा होगा ना, इसका मतलब अगर बोलूं कि यहाँ पे इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस की अगर बात करेंगे, ये रूट थ्री होगा, रूट थ्री है। यानी एक बॉडी डायगोनल क्या है, यहां से लो, फिर लो यहां से, यहां से स्टार्ट किया कॉर्नर है वहां नीचे गिराया, ठीक है? बॉडी डायगोनल रूट थ्री है, बॉडी सेंटर में आइटम कहां कहां है, कॉर्नर पे, तो एक आइटम कहां है, कॉर्नर पे, एक कहां होगा, बॉडी सेंटर पे, बराबर ना? और बॉडी सेंटर वाला आइटम कॉर्नर को टच कर रहा है, इसका मतलब ये पूरी डिस्टेंस रूट थ्री है, तो कॉर्नर और ये आइटम के बीच की डिस्टेंस रूट थ्री है बाई टू, बस खत्म, गेम बच गया, रूट थ्री है बाई टू। बात समझा क्या, समझाओ, समझो, यहाँ पे यार कॉर्नर पे एक आइटम है, बॉडी डायगोनल होता क्या है भाई, यहां से उठाओ वहां नीचे अपोजिट कॉर्नर पे गिराओ, ये पूरी लेंथ कितनी होती है, रूट थ्री है। आप बताइए इस रूट थ्री में यहां वाले कॉर्नर का आइटम और फिर ये बीच में एक आइटम मिलेगा, ऐसा समझो, ये एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, आप इसकी फील लो, ये वाला कॉर्नर उधर जहां उधर भाई बैठा है, ठीक है? तो ये कॉर्नर टू कॉर्नर क्यूब में आप फील लो, ये से वहां जब जस्ट नीचे कॉर्नर, यहाँ एक यहाँ पे क्या होगा बताओ, ये पूरी डिस्टेंस क्या है बॉडी डायगोनल की, रूट थ्री है ना। अब बताइए बॉडी सेंटर बॉडी के बीचों बीच होगा, कॉर्नर का जो एटम होगा, मैं बोला ना जो कॉर्नर का जो एटम है वो बॉडी सेंटर वाले एटम को टच कर रहा है, मतलब ये बॉडी सेंटर जो है कॉर्नर को टच करता है, फिर यहाँ पे भी क्या है आपका, एक एटम होगा, एक कौन सा, कॉर्नर वाला, दिमाग लगाओ, कॉर्नर कॉर्नर बीच बॉडी सेंटर, ठीक है? तो बॉडी सेंटर वाला हर कॉर्नर को टच करता है, तो अगर मैं बोलूं ये पूरी डिस्टेंस कॉर्नर टू कॉर्नर क्या है, रूट थ्री है, तो अपना बॉडी सेंटर आएगा तो ये है ना, इसके अब कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, रूट थ्री का आधा ना, ये डिस्टेंस होगी रूट थ्री है भाई टू, और ये डिस्टेंस कैसे होगी, देखो ये आर टू आर इक्वल टू रूट थ्री है बाई टू, समझा, टू आर इक्वल टू रूट थ्री है बाई टू, टू आर इक्वल टू रूट थ्री है बाई टू, रटो मत समझो, रूट थ्री है बाई टू। अब इसी बुक में क्या लिख देता है, यहाँ कर देगा फोर आर इक्वल टू रूट थ्री है, ए इक्वल टू रूट थ्री है थ्री बाई फोर है, तो यार ये सब तो कर लोगे ना, मैं टू आर के रिस्पेक्ट में याद कर रहा हूँ, याद करना आसान है, ठीक है? टू आर इक्वल टू रूट थ्री, कितने लोग को समझ में आया, रूट थ्री है बाई टू, समझा ना? ए और आर में रिलेशन का मतलब एज लेंथ, बेटा ये बताना ये पूरी क्या है आपका, एज लेंथ क्या है आपका, यहां से देखिए ये और ये दो एटम का रेडियस का जो सम है वही एज लेंथ है, वही क्या है, एज लेंथ है। यहाँ पे कॉर्नर पे आइटम बॉडी सेंटर में, और क्या है बॉडी के बीचों बीच, मैंने बोला बॉडी सेंटर में जो बॉडी में रखा हुआ आइटम है वो आठों कॉर्नर को टच करता है, बट कॉर्नर आपस में टच नहीं करते, कॉर्नर आपस में टच नहीं करते, तभी तो मैंने ऐसा निकाला ना कि टू आर इक्वल टू ए, ये कब होता है जब कॉर्नर आपस में टच कर रहे थे ना, जो कहां होता था सिंपल, क्योंकि यहाँ पे बॉडी का रखा हुआ आइटम क्या कर रहा है, आठवें कॉर्नर को टच कर रहा है, तो हमने एक कॉर्नर के आइटम को पकड़ा, एक बॉडी सेंटर के आइटम को पकड़ा, हमें पता है यार बॉडी डायगोनल की पूरी डिस्टेंस होती है रूट थ्री है, और कॉर्नर से बॉडी सेंटर वाले एटम की डिस्टेंस क्या हो गई, बॉडी डायगोनल का आधा, एंड बॉडी सेंटर का मतलब ये ना बॉडी डायगोनल के आधे में मिलेगा बॉडी सेंटर, ठीक है? तो रूट थ्री है बाई
टू, बताओ समझ में आ गया क्या? ए और आर में टू बार इक्वल टू रूट थ्री है बाई टू, कितने में कोई दिक्कत? ये चार क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। अब आते हैं फेस सेंटर, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अच्छा कोऑर्डिनेशन में बता देते ना, आठ बॉडी सेंटर का, हाँ क्योंकि बॉडी वाला आइटम आठ कॉर्नर में बचा। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल यानी FCC। अब यहां पे आइटम कहां कहां होंगे? आठों कॉर्नर पे। यहां पे आइटम कहां कहां होंगे? आठों कॉर्नर पे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, ये तो यार क्यूब में हर जगह हो। उसके अलावा सारे फेस की सेंटर पे होंगे, और एक क्यूब में फेस कितने होते हैं? छह। ये देखो, ये हो गया सीलिंग, ये हो गया फ्लोर, ऊपर नीचे सामने वाली दीवार इधर वाली दीवार, ठीक है, और एक फ्रंट और एक पीछे बैक, पास में ना। तो कहाँ हो गए? सिक्स के सिक्स फेस के सेंटर पे होंगे और कॉर्नर पे होंगे। तो अगर यहाँ पहला क्वेश्चन में लिखाऊं कि अरेंजमेंट ऑफ आइटम, अच्छा अगर मैं रैंडम क्वेश्चन पूछूं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल टोटल कितने एटम से मिलके बनती है? नौ। ध्यान रखना क्वेश्चन, सब बोला वो बोला, चार नंबर निकल जाएंगे, जान जाओ, ठीक है। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल टोटल कितने एटम से मिलके बनती है? नौ, आठ कॉर्नर एक बॉडी वाला, हाँ समझे ना। हाँ, अरेंजमेंट ऑफ एटम इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक, पहला बताइए आठ एटम कहाँ मिलेंगे? कॉर्नर, है ना, और सिक्स एटम कहां मिलेंगे? ये तो हुआ पहला क्वेश्चन। इसका मतलब टोटल कितने एटम से मिलकर एफसीसी बनती है? 14 एटम से मिलकर, ठीक है, आठ कॉर्नर और छह फेसेस, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट इसका है कि भाई आपका जेड इफेक्टिव बताओ, एक यूनिट सेल में टोटल एटम कितने भाई? 14 से मिलकर बनी है क्या? 14 का 14 एक यूनिट सेल दिख रहा है क्या? ठीक है भैया, आठ तो हुए कॉर्नर पे एटम, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो भले वो आठ है बट आपको 1/8 दिखेगा। फेस कितने हैं? 6, और एक फेस का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। अगर इस दीवार पे कोई एटम है, यहाँ पे मान लो, तो ये एटम, ये दीवार कितने, किस रूम को टच करेगी? बगल वाले को ना, इसका यहाँ अगर फेस में कुछ एटम होगा तो बस बगल वाले रूम को टच करेगा ना, यानी केवल एक फेस जो है केवल दो रूम से शेयर होता है, एक फेस जो होता है वो दो रूम से होता है। ये जो फेस है ये केवल किस रूम के लिए कॉमन है? और बगल वाले रूम के लिए कॉमन है। इसका कंट्रीब्यूशन फेस का कितना हो गया? 1/2। समझ में आ रहा है क्या? चलिए, 2, 3, 6 यानी टोटल एटम हो गए 4। एफसीसी का जो जेड इफेक्टिव होता है वो क्या होता है? 4, ठीक है। एफसीसी का जेड इफेक्टिव कितना होता है? 4। तीसरा क्या पूछेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कितना होता है? 12। एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 12। बात आते समझे कैसे, इधर देखो। अब फेस सेंटर की खास बात सुनो, फेस सेंटर्ड में क्या होता है? आपका आठ कॉर्नर है और फेस पे एटम है। एक फेस को पकड़ो तुम, केवल एक फेस, अब इस सबको भूल जाओ। यहां पे मान लो मैंने एक एटम रखा, अलगारी कर दू, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या रखा? एक फेस के एटम को पकड़ा, ठीक है, यहां पे। तो यहां पे एक फेस का जो एटम होता है ना, अपने ही फेस के सारे कॉर्नर को टच करता है, बट कॉर्नर आपस में टच नहीं है, ध्यान रखिएगा। मतलब मैंने क्या किया, एक फेस को निकाला, ठीक है, यहाँ पे फेस सेंटर वाला एटम हुआ, ये एटम अपने ही फेस के चारों कॉर्नर को टच करेगा, यानी ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, ये इसको, चार ये हो गए। और ये एटम, ये जो फेस सेंटर वाला एटम है, अपने एडजेसेंट फेस के फेस सेंटर वाले को टच करेगा, यानी इसका एडजेसेंट फेस कौन है? ये, तो इधर जो ये रखा है ना फेस सेंटर वाला, ये इसको भी टच कर रहा है एडजेसेंट वाले को, इधर इस वाले को, एडजेसेंट कौन है? ऊपर टॉप ये, और यहां पे क्या हो गया? नीचे, बराबर ना। अब पहले पहले सेंटर, एक फेस पकड़ो, एक फेस का एक एटम अपने फेस के चार को और अपने एडजेसेंट फेस के फेस सेंटर को, तो यहां ये चार को टच कर लिया, 5, 6, 7, 8 हुआ। इसके जस्ट बगल में एक क्यूब और नहीं होगा, इसके सामने
अरे पूरा यूनिट से समझो, इसके बाद भी क्या होगा, एक क्यूब तो ये जो एटम है वो तो दूसरे क्यूब के लिए भी तो क्या होगा, उसके भी तो कॉर्नर को टच करेगा चार, तो आठ चार बारह नहीं हुआ। फिर समझो, ये एक फेस निकाला क्यूब का, ठीक है, क्यूब का एक फेस है, एक फेस का जो एक एटम है अपने ही फेस के चारों कॉर्नर को टच करता है, यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर चार दिमाग चल चुका है, और ये फेस सेंटर का एटम अपने एडजेसेंट फेस के, अपने एडजेसेंट फेस के फेस सेंटर को टच करता है। तो अगर यहां पर एक एटम रखा है तो ये एटम इन चारों कॉर्नर को टच कर रहा है, और ये एटम इधर वाले फेस सेंटर को टच कर रहा है, एडजेसेंट फेस इधर वाले, ये इधर वाले को, ऊपर वाले को, नीचे वाले को, तो चार ये पांच छह सात आठ, आठ हो गए। अब इसके जस्ट बगल में ऐसी तो यूनिट सेल होगी ना एक और, तो अगर एक और यूनिट सेल से सटी होगी तो ये वाला जो एटम होगा ना उसके भी चारों कॉर्नर को टच करेगा बगल वाले को, आठ चार बारह पॉइंट नंबर हो गया 12। कुछ समझ में आया, बहुत अंदर तक कुछ बता दिया क्या क्या होता, ठीक है, बाकी तो जारे रट लोग तभी काम चलेगा। बारह मैंने समझा दिया, बारह कैसे पास में आ रहा क्या, तो कॉर्डिनेशन नंबर क्या हो गया आपका 12। अब आता है ए और आर में रिलेशन, ए और आर में, ठीक है, ए और आर में रिलेशन, चलो डी, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ठीक है। देखो जिसको कुछ ना समझ में आ रहा हो ना, जो पॉइंटर दे रहा हूँ वो याद कर लोगे ना तभी तुम्हारा काम, ठीक है, ए एंड आर। अच्छा एक बात बताओ बेटा, कॉर्नर आपस में टच नहीं कर रहे हैं बराबर, कॉर्नर केवल टच कहाँ कर रहे थे, सिंपल क्यूब, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पे कॉर्नर टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या मैं बताओ, एक फेस के फेस सेंटर वाला अपने ही कॉर्नर के साथ को टच कर रहा था क्या, एग्रीड, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, मान लो मैं बोलूं कि यहाँ पे हमने एक एटम रखा है, एक एटम आपका कहाँ है, इस फेस सेंटर पे, एक यहाँ होगा बराबर, क्या ये फेस डायगोनल हो गया बराबर, फेस डायगोनल की डिस्टेंस 2a। अब बताइए कॉर्नर से जो एटम फेस सेंटर पे रखा है उसकी डिस्टेंस क्या रूट टू ए बाई टू होगी क्या, बस खत्म हो गया प्रश्न, क्या टू आर इक्वल टू रूट टू ए बाई टू, रखता मारते बैठे रूट टू ए बाई टू, बात समझा क्या, रूट टू ए बाई टू आ गया भाई, यहाँ फेस डायगोनल पे है ना बेटा, फेस डायगोनल पूरा हुआ कितना रूट टू ए का, और कॉर्नर से फेस सेंटर वाले एटम की डिस्टेंस, भाई अपने तो जो दो एटम टच कर रहे हैं उन्हीं की रेडियस को जोड़ कर चले, तो बोलते हो ना यार यहाँ इसको क्यों एजेंस बोला था भैया, यहाँ कॉर्नर ही टच कर रहे थे, बॉडी सेंटर में मैंने इनको क्यों नहीं लिया, क्योंकि टच कहाँ कर रहे थे, मैंने यहाँ से इस एटम और बॉडी सेंटर टच कर रहे थे, उनको दोनों का रेडियस जोड़कर टू आर इक्वल टू रूट थ्री बाई टू नहीं था, बात समझा क्या। और फेस सेंटर में क्या होता है, एक फेस के फेस सेंटर का एटम सारे कॉर्नर को टच कर रहा था, बल्कि ये दो को उठा लिया, भैया ये कॉर्नर और ये फेस सेंटर, इसकी रेडियस आर, इसकी रेडियस आर, ये हुआ टू आर, ये पूरा फेस डायगोनल कितना होता है रूट टू ए, उसका आधा ही तो है रूट टू ए बाई टू, समझ में आया क्या। तो तीनों का रिलेशन बिल्कुल याद रखना, टू आर इक्वल टू ए और सिंपल क्यूबिक, टू आर इक्वल टू रूट थ्री बाई टू बॉडी सेंटर, टू आर इक्वल टू रूट टू ए। मैं इस लैंग्वेज में क्यों याद करा रहा हूँ, क्योंकि बुक में देखो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं रूट थ्री ए बाई फोर, कहीं ए इक्वल, अब किसी को क्या कुछ अब तक थोड़ा मैथ आनी चाहिए, ए इक्वल टू टू रूट टू आर लिख दे तो परेशान मत हो जाए, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़िया समझा दिया, ठीक है। अब करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन भी समझ लेते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन तीनों का कैसे निकालेगा, और डायरेक्ट आपको पैकिंग फ्रैक्शन में आपको वैल्यू रट्टा मारना है कि किस यूनिट सेल के कितने परसेंट पार्ट में एटम है। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, टोटल यूनिट सेल के वॉल्यूम में से कितने वॉल्यूम में एटम है उसको क्या बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, और जितना वॉल्यूम खाली है उसको बोलते हैं परसेंटेज वाइड, जो ज्यादा खाली होती है उसको क्या बोलते हैं वाइड, ठीक है। तो होता क्या है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, इन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हाउ मच वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाई एटम, टोटल से अब सिंपल क्यूबिक में एक ही एटम है तो सिंपल क्यूबिक का वॉल्यूम ए क्यूब, अब उस पूरे ए क्यूब के वॉल्यूम में से जो एक एटम है उसने कितने वॉल्यूम को घेर के बैठा, अभी आप निकाल दिखाऊंगा 52%, ठीक है, बॉडी सेंटर में 68% वॉल्यूम पैकिंग फ्रैक्शन होता है, फेस सेंटर में 74% होता है, बिल्कुल डेटा याद कर लेना है, ठीक है। चलिए कठिन लग रहा है क्या चैप्टर, आसान है, जब अगर 3D को समझ पा रहे हो तो बड़ा आसान लगा हो, ठीक है। आज जरा पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं,
पैकिंग फ्रैक्शन या परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, और इसी को पैकिंग एफिशिएंसी भी बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। क्या होती है बेटा कि टोटल वॉल्यूम में से किसी भी यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम में से कितने वॉल्यूम को एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है, नहीं, किसी भी यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम में से कितने वॉल्यूम में एटम है उसे क्या बोलते हैं, उसका पैकिंग फ्रैक्शन, जितना खाली उसे क्या बोलेंगे, परसेंटेज वाइज, पास में है ना। चलिए तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू जेड, जेड बोले तो क्या, जेड इफेक्टिव कितने एटम है उस यूनिट सेल में, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम, और अपन ने एटम को क्या माना है, स्फीयर, 4/3πr³, ठीक है, एटम को 3D में एटम को स्फीयर मानते हैं, 2D में एटम को डिस्क मानेंगे, उसका फिर लेंगे πr², पास में ना, ठीक है, तो 3D है, और 3D है तो वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और अगर किसी को परसेंटेज पूछ रहा है तो इनटू 100, ये हुआ पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। टोटल वॉल्यूम में से अपन ने एटम का ही वॉल्यूम निकालेंगे ना यार, अगर अब SCC है सिंपल क्यूबिक, तो टोटल एटम 1 × 4/3πr³ डिवाइड बाय a³, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, a³, नीचे तो हमेशा क्या होगा, a³, और अपन ने a और r में रिलेशन भी पढ़ा है, सिंपल क्यूब निकालूंगा, a³ जगह क्या रखूंगा, 2r = a, ठीक है, तो a की जगह क्या रखूंगा, a/2, और उसका भी क्या कर देंगे, क्यूब सॉल्व करेंगे अभी, चलो स्टार्ट करें आप करना। चलो पहला कौन कौन सा मेरे पास, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर क्यूबिक, यही तीन है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहां निकालूं परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन, तो बताओ जेड कितना रखते सिंपल क्यूबिक के लिए, एक ही एटम है तो जेड हो गया 1, और वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम को तुमने माना है स्फीयर, 4/3πr³, ये हो जाएगा 4/3πr³ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, या क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, a³। अब यहां पे अपने को पता है कि हम जानते हैं क्या बेटा, 2r = a, यानी a = 2r, तो बस a की वैल्यू यहां रख दो, तो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन 1 × 4/3πr³ डिवाइड बाय 2r³, सॉल्व तो कर लोगे ना, ठीक है, 4πr³ डिवाइड बाय 2 × 4 = 8, 8r³, ठीक है, और ये 3 कहां जाएगा, नीचे बराबर ना, हाँ। कहां जाएगा आपका 3, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा आपका, r³ कैंसिल होगा, ठीक है, 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6, ठीक है, π/6 आएगा, π/6, ये आ रहा है इसका पैकिंग फ्रैक्शन π/6, इसको सॉल्व कर दे, पूरा नहीं सॉल्व करो, खुद से कर लेना, डायरेक्ट लिखो क्या है, ठीक है, π/6, और इनटू 100 कर दूं तो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन, पाई क्या होता है, 3.14, ठीक है, तो 3.142 डिवाइड बाय 6 इनटू 100, ये आ जाएगा आपका 52.4%, ठीक है, डायरेक्ट रट्टा मार लो बेहतर है, सिंपल क्यूबिक का परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन यानी 52.4%, अपन तो 52 ही आ रहा है, 52%, ठीक है, यानी टोटल वॉल्यूम में से 52% वॉल्यूम में एटम है, टोटल वॉल्यूम 100%, अब क्यों एक ही एटम था, यानी उस एक एटम ने पूरे सिंपल क्यूबिक यूनिट से वॉल्यूम में से 52% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करके बैठा है। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा भाई परसेंटेज वाइड बता दो, खाली जगह कितनी है, तो 100 - 52 कितना, 48% के आसपास, 48%, ये भी पूछते हैं परसेंटेज वाइड कितना, सिंपल क्यूबिक सब क्वेश्चन है, 4-4 नंबर के, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट का पैकिंग फ्रैक्शन बताइए, डायरेक्ट आंसर मारेंगे 52%, परसेंटेज वाइड बताइए, 100 - 52 48%, समझ में आया क्या, हाँ, और जरा इसको भी रट्टा मार के बैठे रहना, एक बार तो यहाँ ये भी पूछा है, ये नहीं देखे कि परसेंटेज पैकिंग में π/6, π/3√2, ऐसे ऑप्शन, तो π/6 भी याद कर बैठना, डायरेक्ट ऑप्शन में आया था π/6, सिंपल क्यों, ठीक है, बाकी सॉल्व तो कर लोग, मैंने एक सॉल्व कर दिया, बार बार नहीं, चलो डायरेक्ट मैं आंसर लिख दूंगा, समझ में आया। आइए जरा BCC की बात करो, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन Z कितना रखूं बेटा BCC के लिए, तो हमारे 3.14, अरे कुछ भी ले लो यार, तुम 22/7 ले,
बात समझा ना, इतना दिमाग नहीं लगा, इतना बता रहा हूँ उतना ही दिमाग लगाओ तो काम होगा तुम्हारा। बात समझा ना, इतना मैथमेटिक आर्यभट्ट मत बनो, इतना बता रहा हूँ कट टू कट याद करो, मुझे पता कितने पानी में तुम्हें। पाई बाई सिक्स, या तो डायरेक्ट पाई बाई सिक्स याद रखो या फिर 54। लास्ट मोमेंट में ये होगा तुमको इतना आता है बट ये 52 भी नहीं याद रहेगा तुम्हें। सिंपल क्यूबिक का फ्रैक्शन कितना होता है, मैथ अभी हमको बता दो। आओ z इक्वल टू क्या, 2 इनटू भाई 2 क्यों हुआ बेटा, 8 कॉर्नर्स पे एटम 1 बाय 8 और एक पूरा बॉडी सेंटर के बीच। अच्छा ये तो फिक्स है 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाय a क्यूब, और याद करो बॉडी सेंटर में 2r इक्वल टू होता है √3a/2, यानी 4r इक्वल टू √ 3a, इसका मतलब यहाँ क्या रखना है, a क्यूब रखना है ना, यानी 4r डिवाइड बाय √ 3 यही आएगा। बस उठा के a क्यूब की जगह इक्वल टू a ना, बस सॉल्व कर देना इसके बारे में। पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 2 into 4/3 पाई r क्यूब, a क्यूब की जगह 4r अपॉन √ 3 और क्यूब, समझा ना कैसे कर रहा हूँ, समझ में आ रहा कि नहीं, a और r रिलेशन से बोला याद होना चाहिए। फटाफट से इसको 2 2 4r किया, जब सिंपल क्यूबिक में एक एटम था तो कितना वॉल्यूम घेर लिया गया, अपने एटम भी तो बढ़ा दिया, दो एटम तो कितने वॉल्यूम हो गए 68, बराबर है कि नहीं। तो परसेंटेज वाइड 100 माइनस 68 कितना 32% हो गया परसेंटेज वाइड वॉल्यूम, समझ में आया क्या। और डेटा ये भी बिल्कुल याद रखना, डायरेक्ट 68 भी याद रखिएगा, SCC का पाई बाई सिक्स तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, पाई बाई सिक्स मतलब वो आंसर नहीं दिया था 52, पाई बाई सिक्स पाई के लहजे में दिया था, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन पाई बाई सिक्स √3π/8 याद कर लो, अच्छा जो बता रहा हूँ ध्यान रखना, ठीक है। FCC के लिए जरा परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं, Z कितना होगा FCC का 4, यहाँ क्या होगा 4 into 4/3πr³ क्योंकि एटम को स्क्वायर माना है हमने, डिवाइड बाई ए क्यूब। आप देखिए अब ए और आर रिलेशन याद आना चाहिए तुरंत, 2r = √2a/2 ये पढ़ाया है, 2 2 4r = √2a यानी 4r / √2 = a यहाँ रखो। पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 4 into 4/3πr³ / √2r² ठीक है। इसको आराम से हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये कितना अपना पाई अपॉन थ्री रूट टू। अब परसेंटेज की बात है इनटू 100, अब पाई की वैल्यू रखूंगा 3 इनटू रूट टू की वैल्यू रखूंगा, आंसर आएगा 74%, कितना आएगा 74%। तो इसका मतलब परसेंटेज वाइड बताओ 100 - 74 यानी 26% है। बिल्कुल डेटा याद कर लेना, ठीक है। सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन पाई बाई सिक्स या 52%, बॉडी सेंटर का पैकिंग फ्रैक्शन √3π/8 या 68%, ठीक है। और फेस सेंटर का क्या पाई अपॉन थ्री रूट टू या 74%, और 100 से माइनस कर दो वाइड आ जाएगा। तो अब मैंने आपको जितनी चीजें पढ़ाई मैं एक टेबल में समराइज करके दे देता हूँ पूरा, अगर वो टेबल भी याद रखोगे तो जितना पढ़ाया एक टेबल में रख देता हूँ सबका। चलो समझ में आ गया ये बात, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना। आइए अब एक टेबल में सारी चीजों को लिख देता हूं जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। लास्ट मोमेंट में तुम चाहो बस ये टेबल रिवाइज कर लोगे तो काम हो जाएगा, जितना अभी तक पढ़ाया एक घंटे में एक जगह पर। यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखूंगा मैं, यहाँ पे SCC, यहाँ BCC और यहाँ पे FCC। पहला पॉइंट Z इफेक्ट के फटाफट SCC का
ये पढ़ाया ना। सेकंड पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 R 12। थर्ड पॉइंट रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, याद करिए 2R = A, 2R = √3A/2 और 2R = √2A/2। ठीक है। चौथा पॉइंट परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन 52% या पाई बाई 68% या √3π/8, 74% या पाई बाई 3√2। पांचवा पॉइंट परसेंटेज वाइड 100 - 52 48%, 32%, 26%। जितना पढ़ाया एक टेबल रखा। ठीक है, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए हो जाएगा, आपको कुछ नहीं पढ़ना, एक टेबल पढ़ लेना, सब कुछ तैयार। अभी तक पढ़ा एक टेबल समझ में आया क्या? नोट्स में ऐसे हमने टेबल दे दिया। मैं ज्यादा चैप्टर को यहीं से, मैं रिपीटर पर तो यहीं से स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट। तो पढ़ के आया हो ना, तो फटाफट बस ये याद। ठीक है, चलो आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर आ कैसे। चलिए अब बात कर लेते हैं बेटा कुछ इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ न्यूमेरिकल से बात करते हैं। हटा दे इसको आप, चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन लेते हो कैसे आया। देखो बोला ए एटम जो है ना वो ईच कॉर्नर पे है। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं कि ए एटम है वो कॉर्नर पे है, बी एटम जो है फेस सेंटर पे है, बताइए इस सॉलिड का एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ए एटम कॉर्नर पे है, बी एटम अल्टरनेट फेस पे है, बताइए उस सॉलिड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे आपके साथ। तो ए एटम कहाँ पे है? ईच कॉर्नर पे। और बी बोल रहा है कहाँ पे है? अल्टरनेट फेस पे है, अल्टरनेट फेस सेंटर पे। फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ सॉलिड, सिंपलेस्ट इंपेरिकल कुछ भी बोले की चीज है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ सॉलिड। चलिए बताइए, स्टार्ट करते ये एटम क्या। तो तुम बोलो सर हमको यूनिट से ले दिया, कुछ ना दे तुम क्यूब मानना, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में है क्या क्यूब, अपने आप क्यूबिक यूनिट से मान ले। ठीक है, चलो तो ए कहाँ है? कॉर्नर पे। तो क्यूब में कॉर्नर होते हैं 8 एटम होंगे, बट कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, ए तो ए का नंबर होगा 1। अच्छा बी बेटा अल्टरनेट फेस सेंटर पे, तो फेसेस कितने होते हैं? 6। अल्टरनेट फेस सेंटर का मतलब कितने एटम होंगे? 3, क्योंकि क्या होगा एक छोड़ के एक, तो 3 × 1/2 बराबर भाई 6 फेस होते हैं, बोला अल्टरनेट फेस कितना होगा 3 × 1/2, यानी क्या 3/2, इसका मतलब एक का एटम हुआ 1 और बी कितना हुआ 3/2, इसको 2 कर दीजिए क्या होगा 2a a2 b3 ना, उसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, a2 क्या होगा b3, उसे मल्टीप्लाई कर दो यहां से क्या होगा 2 यहां आ जाएगा 6/2 a2, ये बनेगा a2 b3। ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फार्मूला, क्योंकि आप इससे इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन आपने गलत बताया। ठीक है, ये गलत है, आपने 3D को एज्यूम नहीं किया ढंग से, आप जरा समझिएगा। ए एटम कॉर्नर पे है तो 8 कॉर्नर तो होंगे, बोला बी अल्टरनेट फेस सेंटर पे है, अल्टरनेट फेस सेंटर का मतलब अगर अगर एक बी मैंने यहां रखा तो यहां नहीं होगा यहां होगा, यहां नहीं होगा यहां होगा, यहां नहीं होगा यहां होगा, यहां नहीं होगा यहां। अरे दो ही दो आएंगे ना अल्टरनेट फेस सेंटर, अगर तुम इसको फेस सेंटर मानते हो, अल्टरनेट फेस कौन हुआ? इसको छोड़ के ये, इसको छोड़ के ये, इसको छोड़ के ये, इसको छोड़ के ये, दो ही तो है अल्टरनेट। बात समझाना, ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए पहले ही ले लिया था मैंने। ठीक है, तो क्या हो गया आपका 2 होंगे 3 नहीं होंगे, समझ में आ रहा है क्या? अल्टरनेट फेस सेंटर। चलिए तो 2 × 1/2 कितना हुआ? सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ सॉलिड इज एबी। बात समझाना, सिंपलेस्ट फार्मूला क्या हो गया? एबी। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन, बोला आपका सोडियम एटम क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल
ऑफ एज लेंथ, ऑफ एज लेंथ 4.3 एंगस्ट्रॉम. फाइंड रेडियस ऑफ सोडियम, फाइंड रेडियस ऑफ सोडियम. एकदम आसान था क्वेश्चन. देखो अपना क्लिक क्या है क्वेश्चन का, अपने को क्या एज लेंथ ए दिया है, क्या 4.3 एंगस्ट्रॉम. पूछ क्या रहा है, रेडियस यानी आर. तुरंत बीसीसी का ए और आर का रिलेशन याद आना चाहिए. बीसीसी में होता है 2r इक्वल टू रूट 3a/2, यही होता है. आप देखो पूछ क्या रहा है यहाँ पे, r, इसका मतलब 4r इक्वल टू रूट 3a. सो r इक्वल टू रूट 3a/4. रूट 3 कितना होता है 1.732 जो भी है, इंटू k कितना दिया है 4.3 और डिवाइड बाय 4. सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, इतना कर दे इसको 4 ना, तो ये हो जाएगा आपका 4 यहां पर आया 0 और ये 3. हां अब इसको बेटा मल्टीप्लाई पास जरा हमारा क्या आ जाएगा आंसर. बिल्कुल क्या हुआ, जो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपको रिलेशन याद होना चाहिए, काम हो जाएगा. समझ आया. चलो एक क्वेश्चन और देखो. आपसे बोला ए जो है वो कॉर्नर्स पे है, अगला क्वेश्चन क्या बोला सर, नहीं समझा फेस 6 है ना, क्या बोल रहा है. अच्छा अल्टरनेट नहीं समझा उसको, बोल रहा है फेस 6 है तो अल्टरनेट 3 ना रहे, 3 ही तो गड़बड़ था. नहीं समझा फेस 6 है तो अल्टरनेट 3. देखो भैया फेस 6 है तो अल्टरनेट क्या बोला है, बी जो एटम है ना वो अल्टरनेट फेस पे है, अल्टरनेट फेस सेंटर पे है. मान लो हमने बी को एक यहां रख दिया इस फेस पे, तो अगला बी इसके अल्टरनेट पे है, तो क्या इसका अल्टरनेट फेस ये है क्या, एक छोड़ के एक, इसका अल्टरनेट फेस ये है क्या, एक छोड़ के ये है क्या, ये नहीं है ना, ये क्या दो ही फेस पे तो आएंगे एटम ना अल्टरनेट. समझ में आया कि नहीं, अरे तुम लोग बोलो यार, ऑनलाइन वाले लोगों को सब समझ रहा है. तुमको समझ रहा है क्या यार, आज समझ आ रहा है, कुछ हो गया क्या, तुम्हारे बाजू वाला लिया है क्या सुबह सुबह. चलो मैं ताड़ी पी के आ गया सुबह. क्या भाई कौन सा माल फूक गया सुबह, बुखार है. चलो अच्छी बात एक कॉर्नर पे है, कोई बात नहीं, कम से कम डिस्टर्ब नहीं कर रहा है. बी बॉडी सेंटर पे है, सी फेस सेंटर पे है और डी एज सेंटर पे है. आपसे सॉलिड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला पूछता है, स्टार्ट हो जाए. कॉर्नर क्यूब और सब कुछ क्यूब के बारे में पूछ रहा है. कॉर्नर है, एक कॉर्नर पे है 8 × 1/8 यानी a के दो एटम हुए 1. b बॉडी सेंटर में तो भैया पूरा का पूरा आ जाए 1. c फेस सेंटर पे 6 × 1/2 का कंट्रीब्यूशन यानी 3. और d एज सेंटर पे एज होते हैं 12 और एक एज जो है का शेयरिंग होता है 1/4. ये भैया ये है एज, ये पूरा एज लेते हैं. ये एज कितने रूम के लिए कॉमन है, एक ये रूम, एक बगल वाला, इसके पीछे वाला, इस तरह का वाला 1/4. यहाँ एच का कंट्रीब्यूशन क्या होता है 1/4. ये कितना आ गया 3. चलो फॉर्मूला बनाओ, ए बी सी 3 डी 3 हो गया ये फॉर्मूला. सॉरी बात समझ ए बी सी 3 डी 3. अरे सिंपलेस्ट की तो भाई अब इसके इससे सिंपल करो तो फ्रैक्शन है. सिंपलेस्ट का मतलब क्या होता है, अब ये फर्दर डिवाइड नहीं करो, तुम इसको 3 से करोगे इसको 3 से करोगे, अगर तुम 3 से डिवाइड करोगे 3 1 by 3 1 by 3 हो जाएगा. सिंपलेस्ट का मतलब अब फर्दर तुम डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन में, ठीक है. समझ में आ रहा क्वेश्चन ना, एक और कर लेते हैं. ए जो है वो कॉर्नर्स पे और बी जो है वो फेस सेंटर पे, फेस सेंटर पे. अब क्या बोला, व्हेन वन ऑफ द बी When one of the B is missing, then find
of new empirical formula of solid. देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ए कहां पे है कॉर्नर पे और बी फेस सेंटर में, बट एक फेस सेंटर से बी मिसिंग है बोल रहा है. When one of the bees missing, एक बार बताओ, ए कॉर्नर पे है तो कॉर्नर होते हैं eight, इसका कंट्रीब्यूशन 1/8, ठीक है, और बी कहां पे है फेस सेंटर तो 6, ठीक है, into 1/2, बट एक फेस पे बी मिसिंग है, कितने फेस पे बी है केवल 5, 6 में से 5, एक बी मिस कर दो, into 1/2, ये क्या हो जाएगा, ए बी 5/2, उसे मल्टीप्लाई कर लो इसको, ए टू बी फाइव हो गया, तो ये हो गया इसका सिंपल समझा. तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सो रहे चलो आया समझ भाई. पहला टॉपिक मैंने कवर कर दिया, अरेंजमेंट सिंपल क्यूबिक का, जेड इफेक्टिव, कोऑर्डिनेशन नंबर, ए एंड आर में रिलेशन, पैकिंग फ्रैक्शन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है. चलिए अब दूसरा टॉपिक इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्लोज पैकिंग. अब इसमें से क्या तुम्हारे बोर्ड में डिलीट किया गया क्या नहीं किया गया तुम खुद देखना, तुमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, हम तो सब पढ़ा, ठीक है, बाकी जो डिलीटेड है तुम खुद देख लेना क्या डिलीट है. हमको लगता है पैकिंग फ्रैक्शन डिलीटेड है, ए और आर रिलेशन डिलीटेड है, सब है, बट अपन क्या कर रहे हैं एंट्रेंस, ठीक है, हम सब पढ़ना, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं, यस सर बोल रहा है, चलो आगे बढ़े. आई नो क्लोज पैकिंग, इसको जरा समझिएगा, हाँ पूरा दिमाग लगा के समझिएगा, क्योंकि थ्री डी में और आपके बोर्ड्स में आते भी है लिखने के लिए भी, और जब थ्री डी वाला पूछता है तो सोचते लिखे कैसे इसको, थ्री डी तो पहले बनाई तो तुम्हारा डायग्राम नहीं देखते, तुम क्या लिखे हो बस यही देखते हो कि पहली लेयर बेसिक हेक्सागोनल 2D है, दूसरी लेयर में हमने पहली लेयर के वाइड के ऊपर एटम रख दिया, तीसरी लेयर में पहली और दूसरे के अनऑक्यूपाइड वाइड के ऊपर रख दिया, इतना ही पढ़ते तुमको पूरा नंबर दे देते हैं, ठीक है. चलिए क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, आराम समझिएगा. सबसे पहले मैं 2D में क्लोज पैकिंग सिखाऊंगा, फिर इसी क्लोज पैकिंग को मैं 3D में ले जाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली सॉलिड तो 3D, तो 2D वाले भी क्वेश्चन आते हैं, बट 90% क्वेश्चन तुमको 3D से मिलेंगे, सॉलिड क्या होते हैं 3D होते हैं, ठीक है. अब देखो मैं 2D की बात करूंगा तो मैं यहाँ एटम को डिस्क मानूंगा, बस मैं 3D में क्या मानता हूँ स्क्वायर मानता हूँ, ठीक है. चलिए क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, पहले केस 1 इन 2D, आराम समझिएगा, 2D में मुझे सॉलिड को पैक करना है, मेरे दिमाग में रखना होगा बेटा मुझे ऐसी पैकिंग करनी होगी ना कि मैक्सिमम स्पेस एटम ले, मैक्सिमम स्पेस क्या ले एटम, तो 2D का मतलब मैं एक्स एक्सिस पे भी एटम को लगाऊंगा तो वाई एक्सिस पे भी लगाना पड़ेगा मुझे, तो ये 2D होगा ना, और जब 3D में ले जाऊंगा तो एक्स वाई लगा चुका हूँ, आगे जेड बढ़ाऊंगा उसके आगे, बात समझा ना. तो 2D में जो सबसे पहली पैकिंग है वो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्या है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, आराम समझना स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है. जैसे उसमें क्या करते हैं देखो, ये पहला एटम, ये दूसरा एटम टच करते हैं लेयर बनाना, तीसरा चौथा, ये एक लेयर हुआ एक्स एक्सिस पे, मुझे 2D में जाना है तो वाई एक्सिस को भी लगाना होगा ना, तो ऐसे इसके जस्ट नीचे ऐसा ही है बिल्कुल सेम, ये पैकिंग चल रही है स्क्वायर पे, अच्छा भाई हो जाए गलती गड़बड़ हो जाए तो मेरी गलती नहीं है, मेरे मात्र की गलती, बात समझाना. ये हो गया आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक्स एक्सिस को भी लगाया वाई एक्सिस, बस ऐसा समझो मानो तुम्हें घर पे कोई प्रोग्राम है तुम्हें लड्डू पैक करना, ठीक है, और तुमको एक बॉक्स मिल गया कि लड्डू रख दो उसमें, तो एक तरीका क्या होगा, आप बॉक्स में क्या रही है एक लेयर लड्डू के लगाइए और उसी लड्डू के नीचे लड्डू रखिए, एक लड्डू के जस्ट नीचे दूसरा लड्डू, ये वो तरीका है, इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग. दुकानदार ऐसा नहीं रखता, दुकानदार क्या है दो लड्डू के बीच में लड्डू रखता है, देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करता है, उससे और भी स्पेस कवर हो जाता है, ठीक है. चलिए तो ये हो गया क्या स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक्स एक्सिस में लड्डू लगा दिया वाई एक्सिस में लड्डू लगा दिया, लड्डू का मतलब है, एक लेयर लड्डू की लगाई, अब हर लड्डू के नीचे लड्डू लग रहा है, ठीक है, दूसरी लेयर एक्स एक्सिस पे कवर किया वाई एक्सिस,
ठीक है। अब एक बात समझो बेटा, अगर मैं आपसे अरेंजमेंट पूछूं तो अगर क्या अगर इस लेयर को मैं ए मान रहा हूं, क्या दूसरी लेयर लड्डू की पहले जैसी दिख रही है? यानी ये भी लेयर क्या है? ए ही तो है ना, और ये भी क्या पहले जैसी लेयर दिख रही है? ए, इसका स्क्वायर क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट होता है ए ए ए ए ए ए टाइप। पहला क्वेश्चन चार नंबर निकल गया, क्या है इस तरह का अरेंजमेंट होता है ए ए ए ए टाइप अरेंजमेंट। तो देखो जैसी पहली लेयर दिख रही है एग्जैक्ट वैसे दूसरी दिख रही है, वैसे तीसरी चौथी, तो ए ए ए ए टाइप अरेंजमेंट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है भैया जेड इफेक्टिव बताइए, मतलब इसकी जो यूनिट सेल पैदा करो उसमें टोटल एटम बताओ कितने हैं। आप बताओ स्क्वायर क्लोज पैकिंग की यूनिट सेल क्या होगी? अगर मैं चार एटम को आपस में ज्वाइन करूं, देखो जरा, तो क्या ये यूनिट सेल स्क्वायर यूनिट सेल नहीं कहलाएगी क्या? इसका मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग की 2D की यूनिट सेल कौन सी होती है? स्क्वायर यूनिट सेल। कितने एटम से मिलकर बनी है? चार एटम। बट क्या चारों एटम इस यूनिट सेल के अंदर आ गए क्या? मुझे तो लग रहा है इसका केवल 1/4 पार्ट आ रहा है कि नहीं? तो देखो केवल कितना आ रहा है 1/4 पार्ट। इसका जेड इफेक्टिव की बात करूं तो टोटल एटम कितने हो गए स्क्वायर यूनिट सेल में? चार। या चार एटम से मिलकर यूनिट सेल बनी स्क्वायर यूनिट सेल। यानी अगर कोई पूछे स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D की यूनिट सेल क्या होती है, तो आप बोलोगे स्क्वायर यूनिट सेल। क्या बोलोगे? स्क्वायर यूनिट सेल। कितने एटम से मिलकर बनी है? चार एटम से। बट क्या ये चारों एटम स्क्वायर के अंदर आ गए क्या? केवल उसका 1/4। जेड इफेक्टिव क्या होगा? 4 × 1/4 यानी 1। समझा? यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D का जो जेड इफेक्टिव होता है क्या? 1। चलिए तीसरा कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, यानी एक एटम कितने एटम को टच कर रहा है? एक बार बताओ, अगर इस एटम को मान लो, इस लड्डू को मान लो, ये लड्डू ऊपर वाले लड्डू को टच कर रहा है, ये लड्डू इस वाले लड्डू को टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है और ये इसको, अरे भाई इन्हीं चारों को जोड़ रहा हूं तो स्क्वायर बन जा रहा है ना यार। और समझा क्या? इसका मतलब क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? अब यही जब 3D में जाएगा तो पार्ट नंबर 8 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला लड्डू आगे वाले लेयर के लड्डू को पीछे वाले लेयर के लड्डू को भी टच करेगा। बात समझ आ गया? तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 4। अगली पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? तो भाई फॉर्मूला क्या था? जेड इफेक्टिव इंटू या तो वॉल्यूम ऑफ एटम था, वॉल्यूम ऑफ एटम। बट ये 2D है या 3D है? 2D। जहां लेंगे एरिया ऑफ डिस्क, 2D में एटम को मैं क्या मान रहा हूँ? डिस्क मान रहा हूँ ना, यहाँ वॉल्यूम नहीं ले सकते, यहाँ क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ डिस्क। हमने एटम को डिस्क माना अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम नहीं लेंगे 2D है, एरिया ऑफ यूनिट सेल। चलिए निकाल लेते हैं यहाँ पे। अगर देखिए जेड इफेक्टिव कितना है? 1% पैकिंग फ्रैक्शन 1। एरिया ऑफ डिस्क कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ यूनिट सेल स्क्वायर का एरिया कितना होता है? स्क्वायर। अरे और क्या, ए स्क्वायर। अब याद करो यहाँ पे ए और आर में रिलेशन कैसे निकालेंगे? साहब क्या यही ए है? एज लेंथ आर और आर, 2R = A, इसका मतलब 2R = A। बस खत्म करो इसे। पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या? 2R² पाई आर स्क्वायर अपॉन 4R² ये कट गया, पाई बाई 4। बात समझा ना? तो क्या आ गया यहाँ पे? पाई बाई 4 इंटू 100 कर दो, पाई की वैल्यू रख के आएगा 78.5%। ये आ गया पैकिंग फ्रैक्शन स्क्वायर क्लोज 2D का। तो समझ में आ रहा है? लट रहा है, ठीक है। 78.5 प्रूफ कर करके बता रहा हूँ भाई कैसे ला रहा हूँ। बात समझा ना? 78.5% परसेंटेज वाइड पूछो, 100 में से घटा दो, ठीक है। अगर यहाँ पे परसेंटेज वाइड पूछ ले तो 100 - 78.5 यानी 21.5 बराबर ना, ठीक है। ये आ गया आपका क्या? परसेंटेज वाइड। बताओ इस पैकेज में किसी को दिक्कत? सारे काम के पॉइंट है 1, 2, 3, 4, यही चार से पांचवा क्वेश्चन भी बने, ठीक है, बनाएंगे यही चार आपसे पूछ सकते हो, ठीक है। समझ में आया? तो ये पहला तरीका था 2D में एटम को पैक करने का, स्क्वायर क्लोज लड्डू के नीचे लड्डू, ठीक है। अब 2D HCP करेंगे, हेक्सागोनल 2-डायमेंशन क्लोज पैक, ठीक है। चलिए इसको हटा दूं,
अब 2D में ही दूसरा तरीका, 2D में ही अपना सेकंड तरीका है क्या, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी HCP शॉर्टकट बोलते हैं इसको, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या बोलते हैं अपन लोग, HCP। अब इसमें क्या होता है देखो, पहला अरेंजमेंट देखो, ये है लेयर ए, ये लेयर ए लगाया। अब आपको क्या करना है, अगर किसी के नीचे लगा दिया तब तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, अब दो स्क्वायर के नीचे जो डिप्रेशन दिख रहा है ना खाली जगह, इसमें फिट करिए दूसरी लकड़ी कुछ ऐसा, फिर तीसरी लेयर के उसके डिप्रेशन में फिट करिए, नाम से गंदा बनता है पर ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। दुकानदार क्या था, लड्डू ऐसे रखा रहता है, देखो जो लगा के रखते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा लड्डू रख सकते हैं कम होगा। पहले तुमने एक लेयर लगाई, एक फिर दो के बीच में तुमने क्या रखा लड्डू को, तो एक दो लड्डू ज्यादा ही लग जाते हैं, ठीक है, लास्ट मिनट में जब नहीं भर पाता तो वैसे अरेंज करता है, तो ये समझ में आ रहा है। अब बताओ इसका मतलब, ये अगर लेयर ए है एक्स एक्सिस वाली, तो क्या तुमको दूसरी लेयर ए दिख रही है या कुछ अलग दिख रही है, अलग दिख रही है, इसका मतलब ये बी है, फिर ये ए, फिर ये बी, तो पहला पॉइंट अरेंजमेंट क्या होता है, ए पहला क्वेश्चन, HCP 2D का अरेंजमेंट क्या होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या, जेड इफेक्टिव बताओ, टोटल नंबर ऑफ एटम, अब ध्यान सुनो, किसी एक एटम को पकड़ लो, इसको पकड़ा, ये एटम किसको इसको टच कर रहा है, क्या इसको टच कर रहा है, क्या ये इसको टच कर रहा है, क्या ये इसको टच कर रहा है, क्या ये इसको टच कर रहा है, अपनी ही लेयर में ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, जिन जिन एटम को एटम था भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया होगा, 6 बराबर, कोऑर्डिनेशन क्या था, 2D का 6, 3D का 12 हो जाएगा, बात समझ में आ रहा। आप देखो जिन जिन एटम को ये टच करा उनके सेंटर को अगर मैं ज्वाइन करूं तो क्या एक हेक्सागन बन रहा है क्या, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, बात समझ में आ रहा। एक एटम जिस एटम को टच कर रहा है और उनके सेंटर को ज्वाइन कर रहा हूं, एक हेक्सागन बनता दिख रहा है, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, बात समझ में आ रहा। तो इसका मतलब इसकी यूनिट सेल, अगर हेक्सागोनल 2D HCP 2D की यूनिट सेल पूछे तो हेक्सागन, ठीक है, इसकी यूनिट सेल तो यही होगी ना भाई, ये है इसकी यूनिट सेल हेक्सागन। अच्छा एक बात बताओ, इसमें अगर मैं बात करूं यहां पे, तो यहां पे अगर देखो हेक्सागन यूनिट सेल है बट 6 एटम से मिलकर बनी है, बट क्या 6 के 6 एटम हेक्सागन के अंदर है क्या, उसका अगर ध्यान दो ना, केवल 1/3 पार्ट आ रहा है, केवल कितना पार्ट, 1/3 पार्ट, यानी एक स्क्वायर का 1/3 पार्ट ही हेक्सागन के अंदर आ रहा है, एक स्क्वायर का 1/3 पार्ट, तो टोटल एटम बताओ कितने हैं हेक्सागन यूनिट सेल में, 6, या टोटल एटम 6 एटम से मिलकर बना है ना, टोटल एटम 6, बट एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/3, क्या हो गया 1/3, क्या आ गया 3, अच्छा एक बार बताओ ये हुआ 2, अभी भी गलत है आंसर, कैसे, एक बार बताओ, नो डाउट ये 6 तुमने कवर कर लिया, अगर मैं आपको बोलूं HCP 2D, मेरी बात को बहुत गौर सुनना, अच्छा क्वेश्चन बोल रहा हूं, HCP 2D यूनिट सेल टोटल कितने एटम्स मिलके बनती है, तो 7, बीच वाला भी हमने देखा ही नहीं, वो भी तो है, अपन ने केवल क्या किया, कॉर्नर को दिखा उठा लिया, बीच वाला तो सबके लिए कॉमन है ना, ये तो पूरा का पूरा रहेगा, ये किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा है, तो 2+1 यानी जेड इफेक्टिव 3 होता है HCP 2D का, और 3D में ही 6 हो जाएगा, 2D में ही क्या हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, इसके ऊपर भी तो लेयर आएगी, इसके पीछे भी तो लेयर होगी, बात समझ में ना, ध्यान रखना कि अरेंजमेंट क्या होता है HCP का, ABAB, सब 2D में बता रहा हूँ, 3D में कुछ अलग टाइप आएगा, ABC ABC ABAB, ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ABAB टाइप अरेंजमेंट। जेट इफेक्टिव हमने कैसे निकाला, हमने 2D का पहले यूनिट सेल देखा यार, कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में यूनिट सेल कौन सी तैयार हो रही, ठीक है, हमने देखा यार एक एटम जो है वो 6 एटम को ही टच कर रहा है, और जिन जिन एटम को टच कर रहा है उनके सेंटर को हमने ज्वाइन किया, तो हमें एक हेक्सागन बनता दिखा, इसका मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का यूनिट सेल क्या है, हेक्सागन, ठीक है, इसका हेक्सागन। अब जेड इफेक्टिव निकालना है, भैया ये बीच वाला एटम तो क्या है, पूरा का पूरा आ रहा है ना, ये तो 1 मैंने लिया है, और बाकी ये 6 एटम का केवल 1/3 पार्ट ही इसके अंदर आ रहा है, तो 6 × 1/3 प्लस ये वाला पूरा कितना, 3, HCP 2D का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 3,
आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, और जब तक वो 2D ना बोले तब तक तुम 3D मानोगे क्वेश्चन का उत्तर, क्योंकि सॉलिड्स आर मोस्टली 3D, 2D में सॉलिड नहीं होता, ठीक है। वो खुद बोलेगा, अगर उसको 2D का पूछना होगा ना, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि SCP का यार सर ने क्वेश्चन नंबर 3 भी पढ़ाया, एक ऑप्शन 6 भी दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर अभी देखो यहां पे सॉरी जेड इफेक्टिव इतना पढ़ाया 3 और SCP का 3D में जेड इफेक्टिव हो जाएगा 6, तो तुम कंफ्यूज मत होना कि यार 3 भी ऑप्शन है 6 भी ऑप्शन है, और बोल रहा है SCP का जेड इफेक्टिव टोटल नंबर ऑफ एटम SCP यूनिट सेल में कितने होते हैं। तो जब कुछ ना बोले तो 3D से आंसर कर जो 3D में होता है। इस बार यही क्वेश्चन बच्चों ने गलत किया, क्योंकि नीट में आ गया था कि HCP प्रिमिटिव यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वाइड्स और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने होते हैं। खूब कंफ्यूज हुए बच्चे, क्योंकि होता क्या है, किसी भी यूनिट सेल में जितने एटम होते हैं ना उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होती है, उसका डबल टेट्राहेड्रल वाइड्स होती है। जैसे मैं बोलूं SCP-2D में टोटल एटम कितने हुए 3, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितनी होगी 3 और टेट्राहेड्रल कितनी होगी 6, वो भी ऑप्शन है, ठीक है। उसने क्या बोला, HCP प्रिमिटिव यूनिट सेल, ऐसा बोला HCP प्रिमिटिव यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइड्स। अब बच्चे कंफ्यूज कि 2D वाले हिसाब से आंसर करो कि ऑप्शन क्या क्या दिया था, उसने दिया था ऑप्शन टेट्राहेड्रल और पहला पूछा था ऑक्टाहेड्रल वाइड्स और टेट्राहेड्रल, उसने ऑप्शन बनाया था 3 और 6, ठीक है 6 और 12 ऐसे ऑप्शन बना दिया उसने। ध्यान रखो क्या था, उसने बोला SCP-2D प्रिमिटिव, थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, SCP-2D प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो SCP सॉरी 2D नहीं बोला था, SCP प्रिमिटिव यूनिट सेल टोटल टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, तो कुछ नहीं बोला है, तुमको 3D मानना चाहिए, क्योंकि सॉलिड क्या होते हैं 3 डायमेंशनल होते हैं, और 3D में जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा 6, इसका जस्ट डबल होगा अभी देखने थोड़ी बात, तो 6, उसने 2D जब तक नहीं बोला भाई तुमको 3D अपने आप मानना चाहिए था, तो 6 और टोटल एटम 3D रेसिपी में एक यूनिट में कितने होते हैं 6, तो 6 के लिए टेट्रा ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होंगी क्या 6 और टेट्राहेड्रल जस्ट डबल 12, 6 और 12 ऑप्शन, बात समझा ना। इसलिए मैं हर चीज को बताता हूँ कि तुम कहाँ कहाँ गड़बड़ करोगे, ठीक है, क्या क्या बच्चे सोचते हैं कहाँ कहाँ गड़बड़ी होते हैं, इसलिए मैं बहुत ध्यान से बताता हूँ चीजों को, क्योंकि आप लोग आपको नहीं दिमाग लगता वहाँ पे कि यार हमको करना क्या चाहिए, इसलिए हम उस जगह जानते हैं, क्योंकि हमने भी कॉम्पिटिशन दिया, हमने भी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, हम भी वहाँ फंसे, तो आपको इसलिए हम बिल्कुल तैयार कर देते हैं कि भाई जब तक खुद ना बोले 2D तब तक कोई भी ऑप्शन तुम 3D के साथ सोचो, ठीक है। आप दिमाग मत लगाना सर 2D भी तो होता है, अगर उसको 2D पूछना होगा तो 2D साफ साफ लिखे कि 2D में बताइए, नहीं तो कुछ नहीं लिख रहा है, तो सॉलिड आर मोस्टली 3 डायमेंशनल ना, 99% सॉलिड 3 डायमेंशनल होते हैं, तो अपने 3D के हिसाब से आंसर करना है, बात समझ में आ रहा है क्या। चलिए तो अरेंजमेंट पहला समझ में आया बेटा, AB टाइप यूनिट सेल कौन सी है, हेक्सागोनल यूनिट सेल, टोटल एटम कितने हैं यूनिट सेल के अंदर 3, जिससे यूनिट सेल बनी रही, और जेड इफेक्टिव कितना है 2D का 3, क्यों, ये बीच वाला एटम तो क्या है पूरा का पूरा लिया जाएगा, बाकी जो 6 एटम से मिलकर हेक्सागन बन रहा है उसका केवल 1/3 पार्ट ही आ रहा है हेक्सागन के अंदर, तो 6 × 1/3 + 1 = 3, समझ में आया क्या। कोऑर्डिनेशन नंबर बोले 6, भाई कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक एटम को कितने एटम टच करें, इस बीच वाला एटम कितने एटम टच कर रहा है 6 ना, क्या हो गया बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, यही 3D में जाते ही 12 हो जाएगा, जस्ट डबल होगा, दिमाग लगाओ तभी याद हो जाएगा कि 3D में जस्ट यही जाके क्या हो जाएगा 12, 3D में यही जस्ट डबल होगा क्या होगा 6, बात समझा क्या। आइए तीसरा हो गया, चौथा क्या, पैकिंग फ्रैक्शन, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन, उसका फॉर्मूला क्या था बेटा, जेड इफेक्टिव इनटू एरिया ऑफ डिस्क ना, एरिया ऑफ डिस्क अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल, एरिया ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, जेड इफेक्टिव क्या 3 है 2D एचसीपी का, जेड इफेक्टिव क्या है 3, एरिया ऑफ डिस्क तो या पाई आर स्क्वायर होगा। अब एरिया ऑफ यूनिट सेल, हेक्सागन का एरिया क्या होता है याद कर लो, 6 × √3/4 a² ये SCP-2D का एरिया का फार्मूला होता है, SCP-2D के एरिया का फार्मूला, हेक्सागोनल 2D का एरिया क्या होता है 6 × √3/4, डायरेक्ट याद करिए, ठीक है, डेरिवेशन वगैरह आपने को रिक्वायर्ड नहीं है, कि हेक्सागोनल यूनिट सेल का एरिया का फार्मूला क्या होता है 6 × √3/4 a², ठीक है, इंटू क्या, आप बात सर ए क्या रखते, दिमाग लगाओ ना बेटा, क्या ये दोनों आटम टच कर रहे हैं, ये एज लेंथ हुई, आर और आर 2R = a ना, इसका मतलब क्या, यहाँ 2R रखना है, 3 × π r² / 6 × √3/4
ठीक है, इंटू क्या, टू आर का स्क्वायर। अब तुमको ऐसे नहीं याद रखना है ना, तो इसके एरिया को ऐसे याद कर लो, 6 4 = 24 इंटू रूट 3 ए स्क्वायर, जैसा तुम्हें मन करे वैसा याद, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आ गया, इसको सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, जो फाइनल आंसर आएगा ना वो पाई अपॉन 2√3 इंटू 100 यानी 91%। पैकिंग फैक्टर कितना हो गया, 91%, कितना गया, 91%, ठीक है, समझा क्या? तो अरे हाँ सॉरी क्या, ये क्या हो गया, पाई इक्वल टू अपॉन 3√3 यानी 91%। इसका मतलब अगर लड्डू को मैं ऐसा पैक कर दिया, तो पहले बताओ जब मैं 2D में पैक किया स्क्वायर में, तो हमने केवल 78% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया था। जब मैंने बेटा दो लड्डू के बीच में एक लड्डू रखना स्टार्ट किया, देखो 91, यानी मैंने सॉलिड को और डेंसली पैक कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसा कुछ नहीं, बताइए एचसीपी पैकिंग ज्यादा स्टेबल है या एससीपी स्क्वायर क्लोज पैकिंग? बेटा पैकिंग वो स्टेबल होगी जहां मैक्सिमम वॉल्यूम को एटम के द्वारा ऑक्यूपाई कर, तो यहां तुमने 91% टोटल वॉल्यूम का 91% पार्ट में लड्डू लगा दिया, और वहां तुमने टोटल में 78, यानी वहां खाली ज्यादा है जगह जो तुम यूज नहीं कर पा रहे हो, और यहां तुमने केवल अगर 9% छोड़ दो, बाकी सब में तुमने अपने एटम को फिट कर दिया, ठीक है। इसका ये पैकिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ज्यादा अच्छी पैकिंग है, एचसीपी पैकिंग वही अच्छी होगी जहां आप मैक्सिमम वॉल्यूम में से मैक्सिमम वॉल्यूम को एटम के द्वारा कवर कर लेंगे। समझ में आ गया क्या? तो ध्यान रखिएगा, जो स्टेबिलिटी होगी ना बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है पैकिंग फ्रैक्शन, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन, जिसका पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा वो स्टेबल पैकिंग। और समझ में आ रहा है ना, तो एचसीपी टू डी से स्टेबल पैकिंग अच्छी पैकिंग, मतलब इतना समझ में आ गया बेटा, 2D समझ में आ गया। दो ही तरह की पैकिंग पढ़ाया 2D में, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक एचसीपी 2D। अभी आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग को मैं क्या करूंगा, 3D में ले जाऊंगा, उसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग 3D नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और इनको जब 3D में ले जाऊंगा ना, तो इसको बोलेंगे एचसीपी 3D। ध्यान रखना इस बात को। तो अभी क्या है, अपन ने दो तरह की पैकिंग पढ़ी 2D में, एक्स एक्सिस में लड्डू को लगाया, वाई एक्सिस में लड्डू को लगाया। पहला तरीका क्या था, लड्डू के नीचे ही लड्डू लगाया, ठीक है, इसको बोलेंगे स्क्वायर क्लोज। की यूनिट सेल क्या बन गया है, हमने स्क्वायर यूनिट सेल, जेड इफेक्टिव कितना, 4 एटम से मिलकर वो यूनिट सेल बनी थी, और 4 एटम का केवल 1/4 पार्ट आ रहा था, जेड इफेक्टिव स्क्वायर क्लोज पैकिंग का क्या था, 1, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन का था 78.5%, बराबर ना, ठीक है। और ए और आर का रिलेशन सब जगह है, 2R = 2, ठीक है। और यहाँ एचसीपी 2D में क्या किया बेटा, दो लड्डू के बीच जो डिप्रेशन था वहां लड्डू रखता हमने, तो ये लेयर ए, तो ये इसके डिफरेंट ए बी टाइप स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ए टाइप आ रहा है, ठीक है। यहाँ जेड इफेक्टिव कितना बेटा, 3, बीच वाला आइटम पूरा का पूरा लिया जाएगा, और बाकी जो 6 आइटम से मिलकर एचसीपी बन रहा है बेटा, वो क्या हो जाएगा आपका, उसमें केवल 1/3 पार्ट आ रहा है, ये करके लिया पैकिंग फ्रैक्शन 91%, ठीक है, ध्यान रखना। अभी ये पैकिंग फ्रैक्शन आ रहा है 91, अभी जब ये 3D में आएगा ना, पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा 74, हटेगा 3D, ठीक है, देखना 74 इतना हो गया आपको। अब 3D में चले, ये क्या था, 1% आने वाले क्वेश्चन का आंसर है 1%, अब 99% जो आता है वो 3D, ठीक है, अपन चांस किसी का छोड़ेंगे नहीं, तो मुझे ब्लेम ना कर पाओ, बाकी तुम पढ़ो ना पढ़ो बस। अच्छा जल्दी से आ जाओ 3D में, आ जाओ क्लोज पैकिंग इन 3D, क्लोज पैकिंग इन 3D, ठीक है। यहाँ पे तीन, आपको पहला तीन तरह की क्लोज पैकिंग पढ़ना है, एक सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और तीसरा फेस सेंटर क्लोज पैकिंग या एचसीपी। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं सिंपल क्यूबिक पैकिंग। बहुत आसान है, देखिए इसमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालने जरूरत पड़ेगी, जो पहले याद किया वही हो जाएगा। सिंपल क्यूबिक पैकिंग 3D में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला अरेंजमेंट क्या होगा, आराम से समझिएगा अरेंजमेंट क्या होगा, याद करो आप, पहले मैं इसको एक लेयर को क्या मानता था, ए, इसके नीचे भी ऐसा लगाया था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, याद करो, ये भी ए होता था, ये भी यहाँ पर क्या होता था, ए होता था, बराबर, ए ए ए टाइप अरेंजमेंट। अब तुम ऐसा समझो,
अब इस पूरे को मिला के मैं बोलूंगा लेयर ए, ना एक्स एक्सिस पे लगा चुके हैं लड्डू वाई एक्स, अब बारी है जेड एक्सिस पे लगाने, अब थ्री डी में जाएगा ना ये, ठीक है। अभी पूरी की पूरी लेयर क्या हो गई, सिंपल क्यूबिक का मतलब क्या करो, बस इसके ऊपर लड्डू रखते चले जाओ, इसके पीछे बस मेरा, तो अब ऊपर हम दिखा तो पाएंगे थ्री डी में, हम तो ऐसे दिखा रहे हैं इसके जस्ट ऊपर हम लड्डू लगा, कुछ ऐसा होगा ना। अभी बुक्स में ऐसा बना रहता है, 3D में दिखाते कुछ ऐसा, बुक्स में ऐसा बन क्या है, ये तो पूरी लेयर ए हो गई, 3D में पूरे पहले मैं इसको ए फिर ए उसी बात करता था ना, अब 3D में बात करता हूं, अब बुक्स में ऐसे बनाएंगे इसके पीछे ऐसे, बराबर इस तरह से बनेगा जो आपको दिखाई दे, हम सेक्शन काट के आपको दिखा रहे क्या है, बात समझ आ गया। तो क्या होगा आपका यहाँ पे, इसके जस्ट ऊपर हमने फिर से लड्डू के ऊपर लड्डू लगाया, एक बात बताओ क्या जैसी आपको लेयर ए दिख रही है, अगर लड्डू के ऊपर ही लड्डू लिख रहा है तो क्या वैसी लेयर फिर दिखेगी ए, अभी भी अरेंजमेंट ए ए ए ए टाइप की है सिंपल क्यूबिक का। तो अगर मैं पहला कहां पॉइंट लिख रहा था इसको मिटा दीजिए, तो अरेंजमेंट पहला पॉइंट हो गया ए ए ए ए ए टाइप का अरेंजमेंट, फर्स्ट पॉइंट कवर हुआ सिंपल क्यूबिक का। सेकंड पॉइंट यहां पे बी जेड इफेक्टिव बताओ, एक बात बताओ बेटा खुद जा पढ़ो, सिंपल क्यूबिक पैकिंग इसका मतलब याद करो, जब ये 2D था तो इसकी यूनिट सेल थी स्क्वायर, अब इसके ऊपर भी तुम एटम लगा रहे हो, क्या इसकी यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल नहीं आएगी, आठ एटम से मिलकर बनेगी, ठीक है, इसकी यूनिट सेल क्या होगी क्यूबिक, और क्यूबिक यूनिट सेल का जेड इफेक्टिव तो शुरुआत का लेक्चर में याद करके बैठा हूं, बराबर खत्म हो गए पैकिंग, जेड इफेक्टिव पर टू क्या हो गया वन, सी कोऑर्डिनेशन नंबर याद करो छह सिंपल क्यूबिक का, सब वही छाप तो बस पहले पढ़ा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया छह, कुछ याद ही नहीं करना, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन 52.4 हो गया, परसेंटेज वाइड 100 माइनस 52.4 क्या हो जाएगा आपका 47.6 बराबर, जब इसमें 52 माने थे मतलब तुमको समझना था, बाकी तुम पहले से याद कर लोगे, भाई सिंपल क्यूबिक जो है सिंपल क्यूबिक पैकिंग इसकी यूनिट सेल भी क्या हो जाएगी क्यूब, और क्यूब के बारे में सब पता चल गया, जेड इफेक्टिव क्यूबिक का क्या होता है 1 स्टार्टिंग पर केवल एटम कॉर्नर पे होते हैं, पार्टिशन नंबर 6 याद करो ए डिस्टेंस पे टच करता था 6 एटम, पैकिंग फ्रैक्शन 52% और पैकिंग वॉइड 100 माइनस 52 वो खत्म हो गई है पैकिंग पहले, ठीक है। चलो दूसरा क्या आ रहा समझ में, कुछ समझ रहे दूसरा है आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी या एफसीसी, सेकंड है आपके पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और ध्यान समझो क्यूबिक क्लोज पैकिंग या इसी को लोग बोलते हैं एफसीसी पैकिंग, एफसीसी के नाम से ज्यादा मशहूर है ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी या एफसीसी, तुम एफसीसी के अगर फील ले लिए हो कि सीसीपी एफसीसी है सारे आंसर तुम्हारे फिंगर टिप्स पे हैं, ठीक है। जेड इफेक्टिव 4 पार्टिशन नंबर 12 बराबर पैकिंग फ्रैक्शन 74 परसेंटेज वाइज 26 खत्म हो गए पैकिंग, अंदर क्या हो रहा है तो समझा दूंगा, बाकी सारे आंसर तुमको याद है, इसका मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग की जो यूनिट सेल है वो एफसीसी होती है, सिंपल क्यूबिक की पैकिंग की यूनिट सेल क्या वाली थी क्यूब सिंपल क्यूब, तो ये जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग मैं एफसीसी क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि क्यूबिक क्लोज पैकिंग की जो यूनिट सेल निकल के सामने आती है वो कौन सी होती है एफसीसी, जितना डेटा एफसीसी में दिया है सब यहाँ प्रूव हो जाएगा, बात समझाना ठीक है। ये हो गया आपका, अब यहाँ करते क्या इसको समझो कैसे होती है, इसका जो अरेंजमेंट होता है पहला पॉइंट, अरेंजमेंट जो होता है अरेंजमेंट जो होता है, अब यही तुमको लिखने को आता है बोर्ड एग्जाम में, तुम यही नहीं लिख पाते कैसे बनाए, तो बनाए ज्यादा दिमाग लगाते ए बी सी टाइप अरेंजमेंट होता है, ए बी सी टाइप अरेंजमेंट कैसे, जरा सुनो, थ्री डी में पैक करना है चाहे सीसीपी हो या इसके बाद में एचसीपी पढ़ाऊंगा, दोनों की जो लेयर ए होती है ना वो बेसिक HCP 2D होती है,
लेयर ए जो होती है क्या होती है बेसिक SCP2D और SCP2D क्या था एक लेयर दूसरे लेयर में डिप्रेशन में लगती याद है ना तो क्या होगा देखो समझो एक दो तीन कुछ ऐसा बराबर ठीक है तो ये जो लेयर ए है वो क्या है बेसिक SCP2D है ना याद करो जब मैं SCP2D पर इसको ए इसको बी बोलता था ए बी अब पूरे 2D वाले को मैंने क्या बोल दिया ए अब क्या होगा लेयर बी कैसे रखा जाएगा अब इसके ऊपर लड्डू कैसे रखा जाएगा ये समझ अब आपको लेयर ए के जो थोड़ा सा अब आपको ये क्या है बेसिक SCP2D लेयर ए अब तुमको लेयर ए के जो वाइट दिख रहे हैं ना उनके ऊपर रखना होगा क्या दूसरा लेयर यानी जो सेकंड लेयर है वो कहां होगी वाइट के ऊपर जो ये वाइट दिख रहा है ना उनके ऊपर कुछ ऐसा ये लेयर बी हो गई ये क्या हो गई लेयर बी यानी अब समझो क्या है SCP-3D क्या है पहली लेयर लेयर ए क्या होती है बेसिक SCP-2D जो हमने पढ़ाया था अब उस SCP-2D में जो तुमको ये वायर दिख रहा है ना इनको ढकने का प्रयास करो और इनको ढकने के लिए हम क्या करते हैं इन्हीं वायर के ऊपर एटम रखना स्टार्ट करते हैं तो आप खुद बताओ जब मैं इस वायर को ढकना चाह रहा इस वायर को ढकना चाह रहा तो क्या ये जो ग्रीन वाली लेयर है तुमको ब्लू वाली लेयर के जैसे दिख रही है अलग दिख रही है अलग अभी ये के बाद मैंने बी लिखा समझा ठीक है एक बार मैंने क्या लिखा बी लिखा अब क्या होगा यहाँ पे ए बी हो गया अब जो तीसरी लेयर कैसे बनती है SCP-3D में जो वाइड छूट गए ए और बी में जो वाइड छूट गए उसको तीसरे लेयर में कवर किया जाता है ठीक है अब बहुत ध्यान से देखो अगर यहाँ पे गौर से देखो यहाँ पे एक्चुअली मैं प्लॉट बना नहीं पाया ये वाइड हल्का सा छूटा हुआ है यहाँ पे तो तीसरी लेयर ऐसी है जो इस वाइड को कवर कर देगी ए बी सी ठीक है तो आपको लिखना क्या बोर्ड के एग्जाम में लेयर ए इज बेसिक SCP-2D और लेयर बी में क्या होगा इफ आई अरेंज द एटम ओवर द वाइड ऑफ लेयर ए इट इज लेयर बी ठीक है और ए और बी के जो अनऑक्यूपाइड वाइड बचे जिनको तुम बी लेयर में कवर नहीं कर पाए यानी खड़े होकर देख रहे तब भी कुछ दिख रहा है कवर करने के बाद मैंने देखो ए लेयर दिया उसके वाइड को कवर किया फिर सामने से खड़े होकर ठीक है अभी तो गड्ढा दिख रहा है वाइड उसको भी ढकना है तीसरी लेयर लगा दिए तो क्या हो गया ए बी सी बात बिल्कुल समझ आ रहा है एकदम आसान पढ़ा नहीं तो जाके बुक में पढ़ते रहता तो कुछ नहीं समझ आने वाला है ठीक है जैसा बता रहा हूँ समझ लोगे एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा बाकी तो NCERT में जाके देखो बड़ा कठिन लैंग्वेज लिखा है उन लोगों ने समझ नहीं पाओगे चल क्या रहा है वहां समझना तो फर्स्ट लेयर क्या लेयर ए क्या है SCP-2D लेयर बी क्या होती है बी कैसे बनाती है जो लेयर के जो वाइड है वाइड क्या होता है बेटा जब एटम्स की पैकिंग हम करते हैं तब भी कुछ स्पेस वैकेंट छूट जाता है अगर सोचो वाइड कहीं भी ऐसा आया कि कहां जहां वाइड लिखा हो 0% SCP में 78% तब भी कुछ ना कुछ वाइड था SCP-2D में 91 तब भी 9% वाइड था कि नहीं था यार वाइड तो रहेगा खोपी लगाओ ठीक है तो अगर मैं क्या करूं जो पहली लेयर SCP-2D में जो वाइड्स है ना ये जो खाली जगह दिख रही है इनको कवर करने का प्रयास कर रहा हूं यार इनको भी ढक लूं ठीक है तो इनको जब ढकने के लिए हमने एटम रखा तो जो दूसरी लेयर होगी जो ब्लू जो ग्रीन वाली लेयर है क्या ब्लू जैसे दिखेगी क्या इसमें ए के बाद लिखा बी अगर शायद किसी के ऊपर रखता ए ए लिखता ठीक है अब क्या हुआ फिर मैं सामने खड़ा हुआ देखा यार कुछ वाइट अभी भी नहीं ढके गए हैं ठीक है तो जो अनऑक्यूपाइड लेयर ए और लेयर बी के जो अनऑक्यूपाइड वाइट बचे हैं जो बी के रखने के बाद ही नहीं ढक पाए हैं ठीक है उनके ऊपर हमने रख दिया तीसरा लेयर सी जिसे सारे वाइट ढक जाए ठीक है इसलिए अरेंजमेंट क्या होता है ABC 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 कुछ समझ में आया समझा अच्छे से तो यहाँ पे क्या देखो बोर्ड एग्जाम में कहते तुम ऐसी बना तीन दिन का ऐसी बना देना और डिफरेंट कलर से ठीक है और उनको तुम्हारा सिर्फ पढ़ेंगे तो उन्हें बताया क्या है ठीक है तो लेयर ए इसमें क्या लिखेंगे हम चलिए लेयर ए ऐसा लिखना 3D में लेयर ए इज HCP-2D सब लोग समझ रहे हैं लेयर ए इज HCP-2D लेयर बी इज प्लेस्ड
ओवर वाइड ऑफ लेयर ए, ओवर वाइड ऑफ लेयर ए, आई होप सब समझ में आ गया होगा। थर्ड लेयर सी इज प्लेस, लेयर सी इज प्लेस ओवर ऑन ऑक्यूपाइड वाइड ऑफ लेयर ए एंड बी, ओवर प्लेस्ड ओवर अनऑक्यूपाइड, जो नहीं ढक पाए हैं लेयर ए और बी के वाइड, अनऑक्यूपाइड वाइड ऑफ लेयर ए एंड बी, इतना लिख दोगे पूरा नंबर तुमको दे देंगे, ठीक है, बात समझा क्या? तो इसी को पढ़ते हैं कि आपको क्या बेसिक आइडिया है क्या पैकिंग का, कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग की यूनिट सेल क्या होती है एफसीसी, देखो वो चीज तुमको सब पता है, क्योंकि अगर यूनिट सेल एफसीसी है तुमको पता है इसका जेड इफेक्टिव क्या, चार, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन 74, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, ये सब तुम बता लोगे, बस मेन क्या है ये चीज समझना, क्योंकि ये आते ही तुमको सारा डेटा मिल चुका है पहले और सारे क्वेश्चन तुम उड़ा दोगे, बट ये पैकिंग को समझना कि इसको एबीसी क्यों बोला गया, ये एबी ए क्यों नहीं आया, तो हमने क्या बोला लेयर ए इज बेसिक एससीपी 2D, ठीक है, लेयर बी इज प्लेस्ड ओवर द वाइड ऑफ लेयर ए, हमने बी जो दूसरी लेयर लगाई उसमें हमने पूरी कोशिश की कि लेयर ए के सारे वाइड ढक जाए, पूरी वाइड के ऊपर हमने एटम लगाना स्टार्ट किया जिससे हमको दूसरी लेयर पहले से डिफरेंट दिखने लगी, तो ए बी, फिर हम सामने आके देखिए यार अभी भी ए और बी के कुछ वाइड सामने से दिख रहे हैं, तो उनको भी ढकने के लिए हमने तीसरी लेयर लगा दी, और तीसरी लेयर भी ग्रीन जैसा नहीं दिखा, देखो अलग दिखा, इसलिए ए बी सी, समझ में आया क्या, ठीक है, तो ये अरेंजमेंट हो गया, बाकी पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट आपका बी ये हो गया, कैसा अरेंजमेंट था, तीसरा चौथा पांचवा सब कुछ के बैठे हो, जेड इफेक्टिव बोलो चार, अरे यार यूनिट सेल कौन सी है एफसीसी ना, जेड इफेक्टिव चार, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 एफसीसी का, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन 74%, पढ़ाया ना, परसेंटेज वाइड 26%, समझना बस ये था, बाकी सब तुमको याद पता, पास में आ रहा है क्या, तो ये हो गया आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D, पास में जाना, अब पढ़ेंगे एचसीपी 3D, ये था पहले सिंपल क्यूबिक, 3D पढ़ा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग 3D पढ़ा जिसको हम एफसीसी बोलते हैं, अब पढ़ेंगे एचसीपी 3D, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वहां पे देखना ए बी टाइप अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है, फिर से हटा दो इसको, अच्छे समझा के रट्टा मार रहे हो, समझा रहा ना, बैठे रहो अभी पढ़ाऊंगा, भागो मत, ठीक है, शाम को नहीं आने वाला हूँ तभी पढ़ाऊंगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP 3D, अब आराम से समझो बेटा, यहाँ पे क्या होता है थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है बस, अगर मैं यहाँ पे बोलू अरेंजमेंट, अरेंजमेंट क्या होता है ए बी ए ए बी ए बी ए टाइप अरेंजमेंट, देखो सीसीबी क्या था एबीसी एबीसी एबीसी, ये सब क्वेश्चन पूछा था यहाँ कि विच द फॉलोइंग इज द क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, ए बी ए बी ए बी ए बी सी ए बी सी, ये सब भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो यहाँ ए बी ए बी ए ऐसा आता है, यहाँ पे क्या होगा समझो, पहली लेयर होगी जैसी सीसीपी में थी एचसीपी 2D, बिल्कुल सेम ए और बी में फर्क नहीं है, तो ये हुआ लेयर ए, लेयर ए कौन सी है आपकी एचसीपी 2D, लेयर बी में यहां पे भी लेयर ए के वाइड्स को कवर किया जाएगा, ठीक है, यहां भी क्या होगा देखो आराम से, ठीक है समझो, तो ये हो गया आपका लेयर बी, लेयर बी, उसके बाद क्या होगा जो तीसरी लेयर होगी ना उसमें हम क्या करें, हर लेयर इज सेम एज दैट ऑफ लेयर ए, यानी अब हम ए के ऊपर ही तीसरी लेयर लगाएंगे,
क्या करेंगे, ए के ऊपर ही दिख लेगा। अब खुद बताइए पहली लेयर क्या थी जो ब्लू से दिख रही थी, ए, सेकंड लेयर ग्रीन से, ए बी, अब थर्ड लेयर ए की जैसी लगा रहा हूं तो यही तो होगी ना, इसलिए बोला ए बी ए ए बी ए ए बी ए टाइप है, बात समझ आ रहा है ना। अच्छा उसकी अगर बताओ सी सी पी की यूनिट सेल क्या थी, एफ सी सी, सी सी पी यूनिट सेल क्या थी, एफ सी सी ना, इसकी यूनिट सेल होगी एच सी पी, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल यूनिट सेल, बट वो 3D में बात करेंगे इसकी, ठीक है। चलिए यहाँ पे जरा बात करते हैं, पहले पहले लेयरिंग समझा देते हैं, क्या है लेयर ए इज एच सी पी टू डी, लेयर बी इज प्लेस्ड, लेयर बी इज प्लेस्ड ओवर वाइड ऑफ लेयर ए, वाइड ऑफ लेयर ए, थर्ड लेयर ए इज सेम एज दैट ऑफ, एज दैट ऑफ लेयर ए। अब आएगा बेटा यहां जरा समझो एच सी पी थ्री डी यूनिट सेल कैसे दिखाई देगी, जरा समझो यहां पे एक लेयर का होगा, छह एटम एक लेयर के होंगे, ठीक है, यहाँ बीच में भी क्या होगा एक एटम होगा, ये होंगे ना लेयर ए, ठीक है, फिर लेयर बी देखो क्या है, तीन एटम जो ग्रीन से दिख रहे हैं कुछ ऐसे दिख रहा है वो, ये लेयर बी, लेयर ए, लेयर बी, अब फिर ऐसी बनाओ ना ए बी है तभी तो होगा ना। चलिए जरा समझो कुछ ये है ऐसा, पास समझा, ये आपकी बन गई एच सी पी थ्री, पास समझा ना क्या बन गई एच सी पी थ्री डी यूनिट सेल, समझ आया ना, ए बी ए, ए बी ए, ये है बेटा लेयर ए, समझ रहे हो सब लोग, ये है लेयर बी और फिर ये कैसे दिख रही है लेयर, बताओ सबको समझ में आ गया बिल्कुल अरेंजमेंट, ठीक है, ए बी के टाइप का अरेंजमेंट और हेक्सागन बनता हुआ दिखाया बराबर, ठीक है। चलिए अब इसका दूसरा पॉइंट जेड इफेक्टिव बताना है, ठीक है, यार देखो रट्टा मारने तो पहले मार के बैठे हैं कि यार एचसीपी 2D का जेड इफेक्टिव 3 था तो पक्का इसका 6 है, याद करिए SCP 2D में क्या था, ये मैं कहां बनाता था, केवल ये बनाता था, ये पूरा आइटम लेता था, इसका 1/3 पार्ट आता था ना, 6 into 1/3, तो क्या होगा यहां पे 3 आएगा, अब इसका कितना आएगा जेड इफेक्टिव टोटल कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। कैसे जरा सुनो ये बताओ, ये जो दो है एटम, अब आराम समझना अच्छे कैसे आ रहा है, ये जो एटम है इसके जस्ट ऊपर भी कैसे यूनिट होगी, बराबर है कि नहीं, इसका मतलब ये फेस हुआ ना, तो फेस में कितने एटम है एक और दो, फेस में कितने एटम हुए दो, और एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, बहुत आराम समझेगा। जेड इफेक्टिव की बात करूं यहाँ पे क्या हो गया आपका 2 कहाँ पे एटम है फेस पे, तो इसका कंट्रीब्यूशन पता पहले इतना समझा के आराम से निकाला सिखा रहा हूँ, ये और ये फेस है ना बेटा, फेस सेंटर एक तरफ, तो फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, यानी ये है अगले यूनिट से शेयर हो रहा होगा बस, ठीक है, तो फेस का कंट्रीब्यूशन कितना 1/2, दो एटम फेस पे है। अच्छा ये जो 3 है ये तो बॉडी के अंदर है, ये तो किसी शेयर नहीं हो रहा है ना, ये पूरा पूरा 3। अब देखो कॉर्नर कितने हो, कॉर्नर टोटल एटम कितने होंगे 6 ये 6 ये, 12 एटम कॉर्नर पे है, और नॉर्मली कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या होता था 2D में 1/3, 3D में 1/6, क्या होगा 1/6, 6 2 12, 3 or 2 5, 1 6, समझा क्या, बिल्कुल अंदर घुस घुस के बता रहा हूँ चीजों, डायरेक्टली याद करा सकता हूँ, याद कर लो 6 कैसे हो रहा है, बिल्कुल शुरू करके बता रहा हूँ, ये दोनों है बेटा फेस पे, इसका कंट्रीब्यूशन हुआ 2 का 1/2, भाई ये एक से और शेयर होगा, भाई एक कमरे की दीवार अगर दीवार के साथ शेयर होती है ना बेटा, ये दोनों के दो फेस पे है, इसका कंट्रीब्यूशन 1/2, 2 into 1/2 फेस का। अब देखो अच्छा क्वेश्चन पूछेगा ना, तो
अपन तो याद करके छह, वो क्या बोलेगा एससीपी थ्री डी में कॉर्नर को मिला के कितने एटम होते हैं, तो फंस जाओगे तुम अगर ये चीज नहीं समझ पा रहा हो। अगर उसे अच्छा क्वेश्चन पूछ ले घुस के कि भाई कॉर्नर केवल एससीपी में बताइए कॉर्नर पे टोटल कितने एटम होते हैं, तो आप आंसर एक 12 भी रहेगा, ठीक है, तुम सोचोगे 6 और 6 12, ठीक है, अरे 12 नहीं 1/6 भी साथ में करोगे कितना आएगा 2, यानी टोटल कॉर्नर मिला के 2 ही एटम है। टोटल कॉर्नर एससीपी 3D का कॉर्नर मिला कितने एटम, 2, फेस मिला कितने एटम, 1, फेस का एक ही हुआ ना, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3, 3 2 5 और 1 6, अलग अलग भी याद रखना है। तो पूछता क्या आपसे, वो जेट इफेक्टिव सबको याद रहता है, थोड़ा अंदर पूछेगा ना दिमाग बत्ती चल जाएगी तुम्हारी तुरंत, ठीक है, बोल दिया कि एससीपी 3D यूनिट सेल में, क्या एससीपी 3D बोलेगा ही नहीं यार, सीधे बोलेगा एससीपी, अपने अपने आप आपको क्या समझना है 3D बोलेगा, एससीपी बताइए टोटल एटम जो कॉर्नर पे एटम कितने हैं, टोटल कॉर्नर एक यूनिट सेल में टोटल कॉर्नर के एटम कितने हैं, तो कॉर्नर है 12 और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या 1/6 3D में, 2D में यही 1/3 था, तो टोटल हो गए 2, कॉर्नर मिला के 2 एटम, फेस मिला के 1 एटम, 3 बॉडी सेंटर, बोल दिया एचसीपी में बताइए बॉडी सेंटर में कितने एटम होते हैं, आंसर 3, समझ रहे हो जो बोल रहा हूँ, 4-4 नंबर कई बार निकल चुके हैं, पकड़ लेना, ठीक है, समझ आ रहा ना, क्या हो गया 6 आया समझ में। चलिए अब बात करते हैं जेड इफेक्टिव, तुमने निकाल लिया, सी होगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 12, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 12, 2D में क्या था 6, एक लेयर था ये इनको 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 टच करता था, बराबर, अब जरा 3D में 12 कैसे आ गया, आराम से समझना, ये जो एटम है, ये जो 3 एटम है, अदो ये इन 6 कॉर्नर को टच कर रहा है, दिमाग बताओ, इसको 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 ये, अच्छा बताइए इसी के जस्ट नीचे ये 3 है, तो ये एटम इन 3 को भी टच करेगा, तो 6 और 3 9, इसके ऊपर जस्ट ऐसे चलो, अगर लेयर लेयर ए है, यहाँ लेयर बी रखा गया होगा, तो बी के 3 होंगे, तो ये इन 3 को भी टच कर रहा होगा, 6 3 9 3 12, समझता है, नंबर कितना हो गया 12, अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है, अच्छा एक बार बढ़िया क्वेश्चन पूछा, मैं वो भी बता देता हूँ आपको, उसने बोला था कि एचसीपी व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एचसीपी यूनिट सेल फॉर द टॉप लेयर, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा उसने कि टॉप लेयर में एचसीपी जो यूनिट सेल है उसके टॉप लेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, आप देखो यस वेरी गुड 9, टॉप लेयर क्या होगा 9, क्योंकि टॉप लेयर का मतलब अब इसके ऊपर लेयर नहीं है, तो ये 6 उसके ये 3 9, लेयर बॉटम लेयर कुछ भी कर सकता है यार, ठीक है, जेई वाला ध्यान दे सब चीजों का, बेवकूफ को जेई वालों से पूछेंगे जब बात टॉप लेयर को, क्योंकि क्या है उस सबको याद आता 12, तो पूछेंगे टॉप लेयर जरा बताओ, तो वहां दिमाग लगाना पड़ेगा, बात समझा ना, चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 12, आइए साहब ए और आर में रिलेशन संपर्क था, यहाँ पे भी वही होगा बेटे, क्योंकि याद करिए ये और ये टच कर रहे थे एक लेयर में, आर आर टू आर इक्वल टू ए, तो सब जगह हो गया 2R = A, अच्छा अगला आपसे पूछते हैं हाइट ऑफ, ये भी क्वेश्चन आता है हाइट ऑफ HCP3D, हाइट ऑफ HCP3D इसकी हाइट बोले तो इस लेयर ए और इस लेयर ए की है, ये हाइट आपसे पूछता है, लेयर ए और लेयर ए की बीच की हाइट, ये इसको डायरेक्ट याद कर लेना, HCP की जो हाइट होती है वो होती है 4√2/3R, डायरेक्ट फॉर्मूला रट्टा मार लो, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, तो HCP3D की हाइट क्या होती है 4√2/3R, जान रहा हूं नहीं आया क्वेश्चन, ठीक है, नीट ने आज तक नहीं पूछा है, पर कौन होगा ना NCERT ने दे रखा है, तो भाई पता नहीं कब मूड बन जाए उनका, ठीक है 4√2/3R, ये HCP की हाइट, हाइट कौन सी लेयर के और लेयर के की पूछ रहे हैं, और क्यों हाइट निकला भी आपको समझ में आ जाएगा, HCP की हाइट, ठीक है, बात क्या था F, बता दे भैया HCP नहीं आती, एरिया ऑफ HCP, HCP का एरिया थोड़ी देर पहले लिखा था याद है 6 × अरे फार्मूला क्या कर ले, सोचने के पास आप गड़बड़ कर रहे हो, ये तो था ना एरिया
सिक्स इंटू रूट थ्री बाय फोर एरिया ऑफ एस सी बी भी याद रखो ठीक है। अभी क्योंकि अपने को निकालना क्या है पैकिंग फ्रैक्शन, ये नाटक क्यों कर रहा जरा सुन लो, पैकिंग फ्रैक्शन निकालूंगा तो जेड इफेक्टिव रखूंगा कितना मैं बट ये 3D है तो मुझे क्या रखना होगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट से रखना होगा ना, और वॉल्यूम ऑफ क्या रखना होगा एस सी बी स्फीयर ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट से निकालना है तो मुझे एरिया और हाइट पता होगा तभी तो मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकालूंगा, इसलिए नाटक चल रहा है। बात समझा क्या हाई एरिया ऑफ एस सी बी कितना होता है सिक्स इंटू रूट थ्री, बिल्कुल रट्टा मार लेना एरिया का फॉर्मूला हाइट का फॉर्मूला डायरेक्ट काम हो जाएगा तुम्हारा। इसके बाद जी वॉल्यूम ऑफ एस सी पी थ्री डी, वॉल्यूम ऑफ एस सी पी थ्री डी अगर एरिया और हाइट पता है तो वॉल्यूम तुम आराम से निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके ठीक है, तो एरिया इंटू हाइट चलो मैं डायरेक्टली देता हूँ क्या 24 रूट टू आर क्यूब, ये क्या है एच सी पी थ्री डी का वॉल्यूम होता है ठीक है 24 रूट टू आर क्यूब कर दिया बेटा सॉल्व कर दिया दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया बात समझा ना, तो 24 रूट टू आर क्यूब ये क्या है वॉल्यूम ऑफ एच सी पी थ्री डी ठीक है। अच्छा अब निकाल लेंगे हम क्या परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन, तो बताइए क्या होगा जेड इफेक्टिव कितना होता है 6 इंटू अब क्या अब हमने अब हम एटम को डिस्क नहीं क्या मानेंगे स्फीयर, उसका वॉल्यूम 4 बाई 3 डिवाइड बाई एच सी पी यूनिट सेल का वॉल्यूम 24 आराम से बैठ के ना सब रख के सॉल्व करिएगा 74% आएगा क्योंकि आर की बात की तो मर जाएगा समझाना कितना आएगा 74 याद करो HCP 2D का पैकिंग फ्रैक्शन था 91% और HCP 3D का 74 ठीक है। तुमको सिंपल से मैं एक लॉजिक बता दूं CCP पूछे FCC पूछे HCP पूछे 2D 3D कुछ नहीं लिखा है तो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन तुम 74 मान, जब तक खुद ना बोल दे HCP 2D का पैकिंग फ्रैक्शन तब 91 ऑप्शन मारना ठीक है, नहीं तो HCP पूछ रहा है 93 इग्नोर कर दे ठीक है आप क्या मानेगा 74 तो चाहे FCC हो चाहे CCP हो चाहे HCP हो सबका आया है 74 पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज डिवाइड 26% एच के बाद आई बना लो पैकिंग। चलिए अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वाइड, हाँ दो लेक्चर में खत्म कर दूंगा अगले लेक्चर होता है तो चैप्टर खत्म अभी बैठे रहो चुपचाप छोड़ो अपना हो क्या जिनको जाना है वो जा सकते ठीक है निकल लो जिसको जाना है जिनको कॉलेज का लेक्चर वगैरह अटेंड करना है वो जा सकते हैं ठीक है बेटा जब भी एटम को पैक करते हैं जब भी हम एटम को पैक करते हैं तब भी हमसे कुछ ना कुछ जगह छूट ही जाती है। आप देखो आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग में भी पैक किया था तब भी वाइड आया था, SCP 2D में भी 91% था तब भी 9% वाइड आया था, 3D में 74% में पैक कर पाया तब भी 26% वाइड आया था, क्योंकि भले हम सॉलिड भाई सॉलिड्स क्या होते हैं भाई बहुत एटम क्लोज क्लोज पैकिंग बहुत ज्यादा डेंस होती है फिर भी कुछ स्पेस छूट ही ज्यादा उसे हम क्या बोलते हैं वाइड ठीक है। अब वाइड कितने तरह के होते हैं डिपेंड करता है ट्रायंगुलर वाइड्स स्क्वायर वाइड्स टेट्राहेड्रल वाइड्स ऑक्टाहेड्रल वाइड्स एंड क्यूबिकल वाइड्स ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नो डेरिवेशन रिक्वायर्ड क्या है अगर मैं तीन एटम के सेंटर को ज्वाइन करूं और उसके तीन एटम के सेंटर को ज्वाइन करने से एक ट्रायंगल बन जाए ये जो व्हाइट साहब दिख रहे हैं ना उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर व्हाइट, बड़ा आसान सा कंसेप्ट
ट्रायंगुलर वाइब्स क्या तीन एटम से मिलकर बनती है। अगर तीन एटम के सेंटर को ज्वाइन करने पर क्या बन रहा है ट्रायंगल। ये जो मैंने ऐसे क्रॉस में डाला है ना ये वाइट क्या है ट्रायंगुलर वाइट, इसी में आपको एटम को रखवाएगा वो और बोलेगा एटम का रेडियस बता। बात समझाना फिर ट्रायंगुलर वाइब्स। तो अगर मैं आज क्वेश्चन लिखूं ट्रायंगुलर वाइब्स का, आप बताओ अगर मैं किसी एटम को इस वाइड में रखूं, बड़े से नंबर वाइड का कैसे पता जाता है, उसी वाइड में किसी एटम रखूं और बताओ वो वाइड में रखा हुआ एटम एटम को टच करेगा। अगर मैं इसी वाइड में एटम रखूं किसको करेगा तीन, तो कंडीशन नंबर ट्रायंगुलर वाइड का तीन मतलब ठीक है। और ये वाइड बनता कहां है याद करो HCP2D बनता था कि नहीं, अरे दो लड्डू के बीच में लड्डू लगाता था में। इसका मतलब ये वाइड बनते कहां है HCP2D में ठीक है, ये वाइड बनते कहां है साहब HCP2D में, समझ में सवार होगा बराबर ठीक है। ये लेयर ए थी याद करें ए बी ठीक है। बैटरी भी 1% बची है मेरी। दूसरा क्या तो मेटा ट्रायंगुलर वाइट समझ में आया क्या। दूसरा टेट्राहेड्रल वाइट, भाई प्लीज बात मत करो जल्दी खत्म हो जाए। हमको सर ने बोला 11:30 तक खींच लो तभी मैं 11:30 छोड़ रहा हूँ ठीक है, पूरे 4 घंटे बढ़ा देना एक साथ टाइम बताया नहीं कहता पूरे जब तक आप इसकी संग खींचना। देखो टेट्राहेड्रल वाइट्स को टीवी भी बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वाइट्स टीएचडी भी बोल सकते हैं, टीडी वाइट्स भी बोलते हैं। सब नाम क्यों लिख रहा हूँ पता चले, क्वेश्चन बोला फाइंड टीडी वाइट्स कुछ नया पूछ लिया ठीक है। टेट्राहेड्रल वाइट्स को टीडी वाइट टीएचडी बोलते हैं या टीडी वाइट्स बोलते हैं ठीक है। अच्छा टेट्रा का मतलब 4 एटम से मिलकर बनेगा, अब वो एटम कैसे लगाया जाता है जरा ये 3 एटम आप लगाइए एक प्लेन में एक ट्रायंगल बनाइए और इन्हीं तीनों के ऊपर एक एटम ऐसे रख दीजिए। अब जो आप सामने से खड़े हो वाइट देखो उसे क्या बोलेंगे टेट्राहेड्रल वाइट्स ठीक है। अब मेरे पास मॉडल होता मैं समझा देता, आप घर पे आराम से बैठ के नींबू वगैरह घर में रखा होगा, 3 नींबू एक प्लेन में लगाना है ऐसे ऐसे उसके ऊपर रखना, अब घुमा के से देखना तुमको बीच में खाली जगह दिखे ठीक है। वहां से अगर तुम कोई अगर छोटी सा अगर कोई कुछ भी अगर अगरबत्ती भी ले लोगे ना पास हो जाएगी ठीक है, वो वाइड रखती है ठीक है। तो 1 2 3 अभी यहाँ तुम्हें समझ में आ रहा होगा, बट घर पे जाके 4 नींबू पकड़ लेना ठीक है और उसको क्या करना एक प्लेन में पहले 3 रखना और उसके जस्ट ऊपर रखना, ऐसे गौर से देखना तुमको खाली जगह दिखाई देगी बीच में ठीक है, फील कर पा रहे हो। तो क्या हो गया ये टेट्राहेड्रल वाइट, 3 3 क्या हो गया बेटा एक प्लेन में और जस्ट 3 के ऊपर आप टेट्राहेड्रल वाइट ठीक है। मैं कैसे बताऊं वो तो मजा कर कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो जरा, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करो। अगर इस वाइड में मैं किसी एटम को रख दूं तो क्या वो एटम चाहे वो वाइड में रखा हुआ एटम 4 एटम टच करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ये वाइड कहां बनती है याद करिए CCP और HCP3D ये पहली देखो जो पीछे रूल है ये HCP3D है, ये वाली वाइड ट्रायंगल वाइड थी, जस्ट इसी इस वाइड को छुपाने के लिए हमने 3 लेयर लगाई हाँ समझा ना, इसका मतलब ये क्या हो गई टेट्राहेड्रल वाइड ना ठीक है। बोल तो मेरा मोबाइल आप Thank you.
मौका नहीं छोड़ते ना, थोड़ा भी मतलब छिछोरेपन का मौका मिलेगा तो भरपूर करेंगे। और ये बात उस साल बेटा जो तुम करते हो ना, ठीक है तुम्हें मजा आ रहा है अभी, बट तुम अपनी रिस्पेक्ट खुद खो देते हो किसी के साथ। सच्चाई है, तुम्हें लग रहा है तुम बड़ा खुश हो, लड़की बड़ी खुश हो रही है, नहीं, लड़कियां तभी तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगी अगर तुम्हारे रहने से अगर वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है, तुम मर्द नहीं होगा। अगर तुम्हारे रहने से वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है, तुमसे डर रही है, जान जाओ तुम्हारी मर्दानगी इसमें नहीं होती बेटा। जो छिछोरापन करते हो ना, इसको मर्दानगी नहीं बोलते। तुम्हारे घर में भी माँ बहन होगी, ठीक है, तुम्हारी बहनों के साथ ऐसा कुछ होना, कोई ऐसे एंट्री करे तो चिल्लाए, तुम्हें अच्छा लगेगा ना, तो डेफिनेटली तुम करो। मैं तो बोलता हूँ तुम्हारी सिस्टर यहाँ से एंट्री करे, तुम्हारी माँ यहाँ से एंट्री करे, तुम मजे लो। और तुम्हें अगर अच्छा लग रहा है ना वो कम मैं बेटा, तुम साल भर करो, मैं कभी नहीं बोलूंगा। अपने ऊपर जब आती है ना तब आदमी को समझ में आता है। ये बात सुन लो, तुम्हें बुरा लगेगा पर सच्चाई यही है। तुम लोग सिस्टर क्या घर में माँ बहन नहीं है सच्ची? थोड़ा तो यार समझा करो ना, कोई एंट्री कर रहा है तुम चिल्ला रहे हो, तुम्हारी सिस्टर एंट्री करेगी कोई चिल्लाएगा, तुम्हें कैसा लगा बेटा? अपने ऊपर कभी लिया है? जिस ये बात लोगे ना बेटे, ये गंदगी काम नहीं करोगे, ये जान जाओ, ये गंदा काम कभी नहीं करोगे। बड़ी बड़ी बातें मैंने सारी सिखा दी, बहुत छोटी छोटी बातें फटाफट सुन लो, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं, OHVB बोलते हैं यहाँ पर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स या OD वॉइड्स के बोलते हैं। सब बातें सुन लो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड किस फॉर्म में लिख के मिल गया तैयार है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 6 एटम के मिलने से बनती है। और जरा सुनो कैसे एटम को रखा जाता है। 3 एटम को आप ट्रायंगल के तौर पे रखिए पहले ऐसे, ठीक है। अब जहां पे 2 एटम है पहली लेयर के, उसके ऊपर 1 रखिए, 2 वाले के ऊपर क्या रखिए? 1 एटम, और जहां 1 है वहां पे 2। अब इससे जो वाइड बनेगी उसे बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखो, अगर होगा तो मैं खुद नहीं बोले के आ जाऊंगा, आपको दिखा दूंगा बराबर ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं, वही प्रूव करेंगे, ठीक है। 8 फेसेस दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 6 एटम से मिलकर वाइड बनती है आपकी, बराबर। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, पहला वाइड भैया, अगर उस वाइड में मैं किसी एटम को रख दूं, तो 6 एटम को टच करेंगे वो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर किस होगा बेटे? और कोई बोले ये वाइड कहाँ बनते, फिर वही सेम आंसर, CCP और SCP, खत्म बात। 3D में ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल 2D में बनता ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है। 2D में तो ट्रायंगुलर वाइड था, ठीक है, या फिर क्या था आपका, या जब 4 एटम लगाए थे तो स्क्वायर वाइड था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका, ये बनता है CCP या FCC, एक ही बात है, और HCP 3D, 2D मत लिख देना, 2D में तो ट्रायंगुलर वाइड बना था, बात समझाना। अच्छा अगला लास्ट आपने पास आता है चौथा, क्यूबिकल वाइड्स। क्या क्यूबिकल वाइड्स कैसे बनता है? देखो 4 ऐसे स्फीयर लगा दो स्क्वायर में ऐसे, ठीक है। अब इसी के ऊपर अगला जो मैं ऐसे दिखा नहीं सकता, ठीक है, ठीक है, ये जो वाइड दिखेगी ना इस पर रख के, उसको क्यूबिकल वाइड्स बोलेंगे। अच्छा कोई बता देगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8, क्योंकि वाइड में जो रखेगा इसलिए और आगे वाले को 4 को टच करेगा, ठीक है। आपका कहां बनेगा? सिंपल क्यूबिक में आपका बनेगा। अब अच्छा अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जरा साइज ऑफ वाइड का ऑर्डर बता दो, तो अब देखो जितने ज्यादा एटम आते जाएंगे, ट्रायंगुलर वाइड जो होती है ना सबसे छोटी वाइड होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है? ट्रायंगुलर वाइड, उससे बड़ी टेट्राहेड्रल, उससे बड़ी ऑक्टाहेड्रल, और सबसे बड़ी होती है क्यूबिकल वाइड। ये भी क्वेश्चन आ चुका, ठीक है। सबसे छोटी वाइड कौन सी होती है? ट्रायंगुलर, उससे बड़ी वाइड टेट्राहेड्रल, उससे बड़ी वाइड ऑक्टाहेड्रल, उससे बड़ी वाइड क्यूबिकल वाइड, ठीक है। हाँ यहाँ पे एक ध्यान रखना, CCP और HCP में आपको बता देगा कि एक एटम यहाँ है, दूसरा एटम 100% टेट्राहेड्रल वाइड ऑक्यूपाई कर रहा है, तो बताइए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो ध्यान रखना अगर किसी भी यूनिट सेल में, ध्यान रखना कि इफ नंबर ऑफ एटम यानी जेड इफेक्टिव एन है, किसी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम है एन है, तो यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होगी वो भी होगी एन, और जो टेट्राहेड्रल वाइड्स होगी वो होगी 2n। But this formula is only valid for CCP or HCP 3D. ध्यान रखिएगा, और तुम्हारे लेवल में सारे क्वेश्चन CCP और HCP 3D में ही पूछेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। यानी अगर किसी भी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, जेड इफेक्टिव कितना है? N,
तो ऑक्टाहेड्रल वाइज कितनी होंगी उसमें, n, और टेट्राहेड्रल वाइज 2n, जस्ट डबल, बट ये किस पे वैलिड होगा, केवल HCP3D और CCP पे, कुल मिलाकर, बाकी और कहीं वैलिड नहीं होता, और कहीं वाला क्वेश्चन तुम्हारे लेवल में पूछा ही जाता है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लेवल पे FCC यूनिट सेल और HCP3D का ही पैकिंग बनाई जाती है, ये हमारे लिए काम करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ क्या पूछते हैं, अपन ने बताया FCC में दोनों वाइड बन रही है, इसका मतलब तो आपसे पूछेगा बताइए एक FCC यूनिट सेल में कितनी टेट्राहेड्रल वाइड होंगी, तो आप बताओ FCC यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, चार, जेड इफेक्टिव बोलो, FCC का जेड इफेक्टिव कितना होता है, चार, तो चार होंगी टेट्राहेड्रल, आठ होंगी आपको, सॉरी चार होंगी ऑक्टाहेड्रल और आठ होंगी टेट्राहेड्रल, जितने एटम उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वाइड, उसका डबल टेट्राहेड्रल वाइड, बट दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल FCC या HCP पे, बात समझाना, और तुम्हें बता रहा 99.9% केस में यही वाला बार बार देगा CCP या FCC, इतना भी तुम क्वेश्चन, ठीक है, तो अब चलो FCC में आ जाओ, आपसे FCC का ही पूछेगा, मैं बोला कि बताइए FCC में कितनी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होंगी, थोड़ा दिमागी घंटी बजनी चाहिए यार, FCC में टोटल नंबर ऑफ एटम जेड इफेक्टिव कितना होता है, पहले ये चाहिए, चार, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स का क्या कितनी होंगी, चार, और टेट्राहेड्रल वाइड्स, प्यार से बता लोगे, और डेप्थ का क्वेश्चन क्या बनाएंगे कि FCC में जो टेट्राहेड्रल वाइड्स है उनकी पोजीशन क्या है ये बताएंगे, वो कहां मिलती है, जो आठों टेट्राहेड्रल वाइड्स है वो कहां पे है FCC में, सेंटर पे है, फेस पे है, कहां है, कितनी डिस्टेंस पे है कॉर्नर से, ये बढ़िया वाला क्वेश्चन होगा कि कहां पाई जाती है, और जो चारों के चारों ऑक्टाहेड्रल वाइड्स है वो कहां पाई जाती है, ये बिल्कुल याद करना, मैं समझा देता हूं, ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम पहले बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अभी सुपर निकल करेंगे, ये एक्चुअली इस चैप्टर का हवा बना कर रखा है, समझ नहीं आया, चलो नहीं मिटेगा, ग्रीन से नहीं लिखना चाहिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा फोकस हो जाते हैं हम लोग क्या, टेट्राहेड्रल वाइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड इन FCC यूनिट सेल, यही क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, ध्यान रखना, यूनिट सेल, एक बात तुम पहले कंफर्म हो जाओ कि यार FCC यूनिट सेल का जेड इफेक्टिव होता है चार, तो टोटल नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल में कितने होते हैं FCC में, चार, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वाइड तो होगी चार और टेट्राहेड्रल वाइड होगी आठ, अब अपने को बस यही समझ लेना है कि आठों टेट्राहेड्रल वाइड्स FCC यूनिट सेल में कहां होती है, कॉर्नर से कितनी डिस्टेंस पे, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो आप मेरी बात सुनो, पहले मैं आपको याद करवा देता हूं कि FCC यूनिट सेल में जो टेट्राहेड्रल वाइड्स होती हैं वो बॉडी डायगोनल पे पाई जाती है, दिमाग से बिल्कुल याद करो, FCC में जो टेट्राहेड्रल वाइड्स होती हैं वो बॉडी डायगोनल पे पाई जाती है, अच्छा बताओ क्यूब में, एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल, चार, आज बताया था, और ऑक्टा टेट्राहेड्रल वाइड कितनी आ रही है, आठ, दिमाग की बत्ती जलाओ, इसका एक बॉडी डायगोनल में दो टेट्राहेड्रल वाइड, बराबर है क्या, टेट्राहेड्रल वाइड कितनी, आठ, मैं बोला FCC में टेट्राहेड्रल वाइड पाई कहां जाती है, बॉडी डायगोनल पे, अब एक क्यूब में तो चार ही बॉडी डायगोनल है ना, अब वाइड आ रही है आठ, तो पक्का एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वाइड, बिल्कुल अंदर का क्वेश्चन बता रहा हूं, एक टेट्राहेड्रल वाइड पे दो, एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वाइड्स, तो चार बॉडी डायगोनल कितने, आठ, ठीक है, अब मैं इसको प्रूफ कर देता हूं कितने डिस्टेंस में आती है, एक बात समझो, आपने ये पता लिया कि इन FCC यहां लिखा हूं मैं आपका, इन FCC टेट्राहेड्रल वाइड्स आर फाउंड इन बॉडी डायगोनल, पहला तो ये बात याद रखो, बॉडी डायगोनल, ठीक है, और एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगे, अब सुनो, मान लो ये कॉर्नर और ये अगला कॉर्नर, वहां से उठाया उधर नीचे गिराया, बॉडी डायगोनल कॉर्नर टू कॉर्नर, अच्छा बता बेटे ये बॉडी डायगोनल की लेंथ क्यूब में क्या होती है, आज ही पढ़ा है, होती है इसके आधे पे यहाँ क्या बॉडी सेंटर होगा, ये क्या है बताइए, बॉडी, समझ रहे हो सब लोग, बॉडी सेंटर, इसका मतलब कॉर्नर से बॉडी सेंटर की डिस्टेंस कितनी हुई, रूट थ्री बाई टू, कॉर्नर से बॉडी सेंटर की डिस्टेंस हुई कितना, रूट थ्री ए बाई टू, इतना समझ में आया पहले, एक बॉडी डायगोनल पे कितनी टेट्राहेड्रल वाइड आनी है, दो, जस्ट इसके आधे पे मिलेगी, एक टेट्राहेड्रल वाइड ये
और एक टेट्राहेड्रल वाइड्स ये, यानी बॉडी जो कॉर्नर से बॉडी सेंटर की डिस्टेंस कितनी, रूट थ्री ए बाई टू, इसका भी आधा रूट थ्री ए बाई फोर, ठीक है। इसका मतलब कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वाइड्स रूट थ्री ए बाई फोर डिस्टेंस पे मिलता है, बिल्कुल याद कर लीजिए, रूट थ्री ए बाई फोर, समझा ना, इस डिस्टेंस पे मिलता है क्या, टेट्राहेड्रल वाइड्स। यानी पहली बात टेट्राहेड्रल एससीसी में कहां मिलती है, बॉडी डायगोनल पे, एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वाइड्स, तो एफसीसी में किसी भी क्यूब में चार बॉडी डायगोनल, तो एक बॉडी डायगोनल और दो टेट्राहेड्रल वाइड्स, चार पे हो गई आठ, आठ का कांसेप्ट समझ में आ गया। और उस बॉडी डायगोनल पे कहां पे, हर कॉर्नर से रूट थ्री ए बाई फोर डिस्टेंस अंदर, हर कॉर्नर से कॉर्नर है रूट थ्री ए बाई फोर, उस कॉर्नर से रूट थ्री ए बाई फोर, इस कॉर्नर से रूट थ्री ए बाई फोर डिस्टेंस अंदर मिलती है, बिल्कुल याद कर लेना, बिल्कुल कट टू कट बता रहा हूँ, चार चार नंबर, ठीक है। तो रूट थ्री ए बाई फोर डिस्टेंस पे मिल जाती है क्या, टेट्राहेड्रल वाइड, किसी को डाउट, कोई में डेरिवेशन नहीं करा, डायरेक्ट प्रूव करके दे दिया, ठीक है, रूट थ्री ए बाई फोर। अब आती है ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ होती है, बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल में कितनी टेट्राहेड्रल वाइड होती है, दो। सुन लो, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा ना, बोलेगा हमने एक बॉडी डायगोनल से टेट्राहेड्रल वाइड को रिमूव कर दिया, तो दिमाग में रखना कि एक से गया थे, दो टेट्राहेड्रल वाइड खत्म हो चुके हैं, आने तो फिर बाउंसर जाएगा बस, ठीक है। आइए, और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कहां पाई जाएंगी, सुनो कितनी है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स एफसीसी, बता बेटा चार है क्या, आप सुनो, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स एफसीसी के अंदर दो जगह पाई जाती है, एक तो एज सेंटर पे और दूसरा बॉडी सेंटर पे, यानी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स एफसीसी में कहां कहां पाई जाती है, एज सेंटर, बिल्कुल याद रखिएगा लोकेशन ये सब, और बॉडी सेंटर पे। अच्छा बताइए, एज सेंटर, एज कितने होते हैं क्यूब में, 12, एक एज का कंट्रीब्यूशन 1/4, एक एज चार रो में शेयर होता है, तो एज का कंट्रीब्यूशन क्या भाई, एज से एज कितने होते हैं, 12, और एक एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 कितना आया, 3। बॉडी सेंटर बॉडी के बीचों बीच होगा, तो क्या होगा, 1, 3 और 1, 4, इसमें चार ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कहां होती है, कैसे होती है, सब बता, ठीक है, एजेस पे होती है और बॉडी सेंटर पे होती है। एज कितना है बेटा, 12, एक एज का कंट्रीब्यूशन 1/4, इसका मतलब टोटल 3 ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कुल मिला के एज पे आई, और एक ऑक्टाहेड्रल वाइड कहां पे है, बॉडी सेंटर, चार ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। अब बात आती है डिस्टेंस, सर बताओ जरा कहां पे मिलेगी, एक बात बता बेटा, क्यूब का एज अगर बोलूं, थोड़ी देर के समझो, बताइए ये एज है क्या क्यूब का, हुआ एज सेंटर क्या ये होगा, तो एज लेंथ क्या होती है, एज लेंथ क्या होती है, एज सेंटर यानी ए बाई टू, यानी हर कॉर्नर से ए बाई टू डिस्टेंस, बराबर है कि नहीं भाई, एज सेंटर का मतलब एज लेंथ है क्यूब की ए, एज के सेंटर पे यानी ए बाई टू, यानी कॉर्नर से ए बाई टू डिस्टेंस पे क्या मिल जाएगी, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, कहां पे, यहां से ए बाई टू, यहां पे ए बाई टू, यहां पे ए बाई टू, यहां पे ए बाई टू, इस डिस्टेंस क्या मिलेगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। और एक कहां पे, बॉडी सेंटर पे, याद करो कॉर्नर से बॉडी सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, रूट थ्री ए बाई टू, कॉर्नर से रूट थ्री ए बाई टू पे भी मिल जाएगा एक ऑक्टाहेड्रल वाइड, बिल्कुल मजा आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है ना, एकदम प्रूफ करके बता रहा हूँ कि कॉर्नर से जो बॉडी सेंटर है वो कितने डिस्टेंस पे है, रूट थ्री ए बाई टू, क्योंकि पूरा तो रूट थ्री ए तो बॉडी डायगोनल हो गया, अब कॉर्नर से बॉडी सेंटर रूट थ्री ए का आधा, रूट थ्री ए बाई टू, मतलब कॉर्नर से रूट थ्री ए बाई टू पे क्या मिला, ऑक्टाहेड्रल वाइड, कॉर्नर से रूट थ्री ए बाई फोर पे क्या मिला, टेट्राहेड्रल, आ रहा समझ में, ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कॉर्नर से यहाँ पे ए बाई टू, कॉर्नर से ए बाई टू डिस्टेंस पे मिलता है क्या, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, और कॉर्नर से रूट थ्री ए बाई टू डिस्टेंस पे भी एक ऑक्टाहेड्रल वाइड्स मिलता है, ये डिस्टेंस भी आप बिल्कुल याद करेंगे, ठीक है, मैं समझा दिया हूँ, बाकी समझ में आ गया, अच्छी बात है नहीं यार, और इसी को क्या करते हैं, ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू आप रटते फिरते हो, इसे क्या वहां जाके भूल जाते हो, कहां पे मिलेंगे, अब देखो इस पे क्वेश्चन करके तुमको छोड़ देता हूं, चलो पहला क्वेश्चन करेंगे, पहला क्वेश्चन है, ए जो है वो सीसीपी में है, हमारे लेवल में सारा क्वेश्चन सीसीपी का देखा, एक है एटम ए सीसीपी में, एटम की 100% ऑक्टाहेड्रल वाइड को ऑक्यूपाई किया, एटम ए कहां पे है, सीसीपी में है, और एटम बी बेटे 100% ऑक्टाहेड्रल वाइड को ऑक्यूपाई किया है
सॉलिड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला पूछता है। तो पहले हम अपना चांस लगाया सीसीपी, सीसीपी का मतलब एफसीसी, तो इसका मतलब ए अगर सीसीपी में है तो ए के टोटल एटम हो गए चार, सीसीपी टोटल एटम कितने होते हैं चार ना। अच्छा बी जो है 100% ऑक्टाहेड्रलोइड्स में, तो अगर चार एटम है तो चार ही तो ऑक्टाहेड्रलोइड्स बनेगी, और उन्हीं चारों में कौन जाके बैठा है बी, चार से चार मर गया, ए इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। समझा क्या किया मैंने कि भाई मैं क्या बोला आपको कि ए जो है सीसीपी में है, सीसीपी का मतलब एफसीसी, तो ए के एटम कितने हुए चार, बी कहां पे है 100% ऑक्टाहेड्रलोइड, तो अगर ए के एटम चार है पैकिंग में तो उनसे तो ऑक्टाहेड्रलोइड चार ही बनेगी ना, और उन्हीं चारों में कौन बैठा है बी, फोर और फोर कैंसिल ए बी हो गया। आया समझ में कि नहीं, बोलो। अगला क्वेश्चन देखो, ए एटम जो है वो सीसीपी यानी पैकिंग बना रहा है, एटम सीसीपी में है, और बी जो है वो 2/3 टेट्राहेड्रलोइड को ऑक्यूपाई किया है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये सब। ए कहाँ है सीसीपी में, अच्छा इसका मतलब बेटे अगर ए सीसीपी में है तो ए के एटम क्या फोर हो गए, ठीक है। अब इस फोर से टेट्राहेड्रलोइड्स कितनी बनेंगी, आठ, जितने एटम उसके डबल टेट्राहेड्रलोइड्स, इसका मतलब बी जो है वो आठों टेट्राहेड्रलोइड्स में होना चाहिए, बट आठ का 2/3 आठों में नहीं है, इसके केवल 2/3 में है, तो ये क्या 16/3, इसका मतलब ए फोर बी क्या 16/3 से मल्टीप्लाई करो, ए 12 बी 16, फोर से डिवाइड मारो, फोर थ्री जा 12, फोर फोर जा अगला देखिए, ए जो है वो एच सी पी थ्री डी में है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। बी जो है वो 5% ऑक्टाहेड्रलोइड को ऑक्यूपाई किया है, बताइए सिंपलेस्ट फॉर्मूला। ए एच सी पी थ्री डी में है, इसका मतलब ए के एटम टोटल होंगे 6, अभी पढ़ाया जेड इफेक्टिव एच सी पी थ्री डी का 6, अब 6 से ऑक्टाहेड्रलोइड्स बनेगी 12, डबल 6, ठीक है, जितने एटम उतने ही ऑक्ट, क्या इस 6 में है या इसके 50% में, इसके 50% क्या है 1/2 बेटा, इसका मतलब आपका क्या हो गया ए 6 और बी 3, सिंपलेस्ट फॉर्मूला डिवाइड मार दो ए 2 बी, बस ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्मूला। आया तुम्हें कर ले, चल एक लास्ट बता दो, और B जो है 1/3 octahedraloids में, simplest formula क्या होगा, A के atom हो जाएंगे 6, SCP 3D में जो effective होता है 6, और octahedraloids भी 6, but उसके 1/3, 2, A 6, B 2, A 3, B, हो गया simplest formula। ये हो गया पूरा आपका वाइट। धन्यवाद, अगले लेक्चर में डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स। अच्छा दिया लगा।